वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, अब तक लूसीफर के 4 सीजन हम लोगों ने मिलके कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर आप सभी लोगों को मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी। जो लास्ट एपिसोड मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर मैंने आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, जिसके बाद में जब मुझे उसके कमेंट्स मिले तो गाइस मैं सच बता रही हूँ, उन कमेंट्स को देख के मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि आप सब लोग मुझसे इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हैं और इसी के साथ आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे प्यार और सपोर्ट के लिए। तो चलिए फिर इसी के साथ आज सीजन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि लूसीफर जा चुका है हेल में, तो अब जितनी भी कहानी चल रही होगी वो हेल के अंदर चलेगी और इसी के साथ पैरेलल एक प्रेजेंट टाइम भी चलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लूसीफर कहीं प्रेजेंट टाइम में तो नहीं है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक पार्टी का माहौल देखते हैं और इसी के साथ एक लड़का जिसका नाम ली था, जिसे हम कई एपिसोड में देख चुके हैं, वो पार्टी करता हुआ अपने कमरे में पहुंचता है ड्रेस चेंज करने के लिए, जहां उसकी मुलाकात होती है लूसीफर से और लूसीफर उसे हाय हेलो करके कहता है, जहां ली कहता है कि भाई मैं तुम्हारा बहुत एहसान मंद हूँ, तुमने मुझे बहुत पैसे जवाहरात दिए, इसी के कारण मैं आज इतनी अय्याशी कर रहा हूँ, लेकिन तुम जहां भी आते हो उस दिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जहां पे लूसीफर उसे बताता है कि ये एक तरीके का हेल लूप है और अभी एक आदमी आएगा जो कि तुम्हें यहीं पे मार देगा। ली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम तो बस ऐसे ही कह रहे हो, जिसके बाद में एक डीमन आता है और ली को वहीं शूट कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है अर्थ पे, जहाँ एला इसी क्राइम सीन के ऊपर थी और साथ ही साथ इस केस पे काम कर रही थी क्लोई। एला बताती है विक्टिम का नाम ली है, जो कि बहुत ही अमीर चोर है, एक टाइम के बाद में इसने चोरी करनी बंद कर दी, जिसने भी इसे मारा है उसका मन नहीं भरा, इसी कारण उसने इसका हाथ भी काट दिया। यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्लोई के साथ में अब जो उसकी पार्टनर बनी है वो मेज है और यहाँ पे एला शुरू हो जाती है लूसीफर के बारे में बातें करना, जहाँ पे मेज एला को समझाती है कि लूसीफर के बारे में बात मत करो, क्योंकि लूसीफर को गए हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं और अब तक उसका ना कोई कॉल है ना ही कोई मैसेज। हालांकि क्लोई को तो पता था कि लूसीफर हेल जा चुका है, लेकिन बाकी किसी को भी नहीं पता था। यहाँ दूसरी तरफ हम लोग एमेनेडील को देखते हैं, जो कि लक्स का नया ओनर बन चुका है। वहीं पे क्लोई और मेज आते हैं एक साथ डांस करने के लिए, जो कि एमेनेडील से मिलके बहुत खुश थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि एमेनेडील अपने लक्स के अंदर किसी को भी इलीगल काम नहीं करने देता है, यानी कि ड्रग्स वगैरह बेचना। सीन फिर से लूसीफर और ली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहां लूसीफर ली को कहता है कि हर बार यही चीजें चलती रहेगी। जहां ली पूछता है कि मुझे आखिर मारा किसने है, क्या तुम ये मुझे बता सकते हो, और अगर ये मेरा हेल लूप है तो मैं तो यहां से बाहर भी निकल सकता हूं। लेकिन ली घूम फिर के वापस से इसी कमरे में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो लूसीफर से मदद मांगता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तो लूसीफर कहता है कि इन सब के जिम्मेदार तुम खुद हो, जहां पे ली कहता है कि मैं इतना अमीर आदमी बन चुका था, मैंने इतनी महंगी मरीना डेलरी शिप भी खरीद ली, उसके बावजूद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। जहाँ लूसीफर मरीना डेलरी का नाम सुनते ही उसे पता चलता है कि हम लोग एलए के अंदर हैं, यानी कि ये हेल लूप पूरी तरीके से एलए का था। जहाँ लूसीफर ली के लिए एक ऑफर लेके आता है और बोलता है कि मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हारा केस सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे ये भी पता है कि ये सॉल्व किसके हाथों में गया होगा। लूसीफर ली को बताता है कि ये केस जरूर मेरी पार्टनर है क्लोई नाम की, उसी के हाथ में गया होगा, तो तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिर मारा किसने होगा। और तभी यहाँ पे वापस से हेल लूप स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लूसीफर इस बार अपनी पावर से आने वाले मर्डरर को वहीं पे रोक देता है। और हम जब डीमन का फेस देखते हैं तो उसमें किसी की भी शक्ल नहीं होती है, यानी कि ली ने देखा ही नहीं था कि उसे आखिर मारा किसने था। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है क्लोई पे, जो कि ली के मर्डर को सॉल्व कर रही थी, इसी कारण वो ली की सिस्टर को पुलिस स्टेशन में बुलाती है, जिसका नाम मैग था। मैग बताती है कि मेरे भाई से मिले मुझे काफी अरसा हो चुका है, वो काफी सालों से अलग रहने लग गया था, जिसके बाद में मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैग क्लोई को बस इतना ही बताती है कि वो कई लोगों से पैसे लेने लग गया था। इसी के साथ में मेज एक लीड को लेके आती है और क्लोई के सामने बिठा देती है, जहाँ क्लोई इस बंदे से पूछती है कि आखिर तुम ली के बारे में क्या जानते हो। ये बंदा कहता है कि मार्केट में बस एक ही अफवाह है कि ली ने एक आदमी से पैसे उधार लिए थे और इतने ज्यादा पैसे कि वो उसे चुका ही नहीं पाया, और इसी कारण पैसे ना चुकाने के कारण उस बंदे ने ली को मार दिया और सभी लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उसने ली का हाथ भी काट दिया। जिसके बाद में क्लोई जब उसका नाम पूछती है तो उस बंदे का नाम डर्टी डग निकलता है, जहाँ क्लोई और मेज सोचती है कि अब तो इस डग नाम के बंदे से मिलना ही पड़ेगा। तभी ये सामने बैठा हुआ बंदा बोलता है कि तुम जरूर पोकर खेल सकती हो, वो भी एले में कहीं पे भी जाके, लेकिन डग के कसिनो के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन वाले लोग ही जाके पोकर खेल सकते हैं। जिसके बाद क्लोई को याद आती है लूसीफर की, वो कभी भी कहीं से भी किसी का भी इन्विटेशन निकाल सकता था। तब मेज क्लोई को कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ और मैं तुम्हें इन्विटेशन ला के दूंगी। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है लिंडा के घर पे, जहाँ लिंडा ने एला को बुलाया था और लिंडा ने एला को
इसलिए बुलाया था ताकि वो अपने एंजल बेबी चार्ली को बायोलॉजिकल क्लासेस दे सके। एला सोचती है कि सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन लिंडा तुम्हारा बच्चा सिर्फ 2 महीने का है। यहाँ लिंडा को पता था कि उसका बच्चा एंजल है, इसी कारण वो सारी चीजें जल्दी सीख जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रही थी कि चार्ली सिर्फ 2 महीने का था। यहाँ एमेनाडील पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ उसे डैन मिलता है। डैन खुद को ठीक करने के लिए एक हैप्पीनेस वाली थेरेपी ले रहा था, यानी कि हर चीजें बिल्कुल ठीक होगी। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि एमेनाडील एले के अंदर हर चोरी को पकड़वाने की कोशिश करता था, फिर चाहे वो कोई गलती से छोटा बच्चा भी क्यों न हो। यहाँ क्लोई और मेस को डक के कसिनो का इन्विटेशन मिल चुका था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है लूसीफर पे, जो कि ली के साथ उसके किसी हेल लूप में पहुंचा था। लूसीफर ने ली से पूछा था कि आखिर तुमने इतने पैसे किस से लिए थे। जहां पे लूसीफर और ली ये दोनों भी मिलके डर्टी डक के पास ही पहुंचते हैं, जहां लूसीफर पूछता है कि तुमने अगर इस बंदे से उधार लिया है तो और तो कुछ चीजें बताओ कि आखिर इसने तुम्हें मारा क्यों होगा। जहां पे ली के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था, इसी कारण लूसीफर गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम्हें कुछ तो बताना ही पड़ेगा, तभी तो जाके मैं केस सॉल्व कर पाऊंगा। यही सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है मेज और क्लोई पे, जो कि डक की पार्टी के अंदर पोकर खेलना शुरू कर देते हैं ताकि डक का ध्यान इन दोनों पे आ सके। यहाँ एक तरफ लूसीफर ली के लूप होल में था, वहीं पे क्लोई और मेज प्रेजेंट टाइम के अंदर डक से बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ डक का ध्यान भी इन दोनों लड़कियों पे पड़ चुका था। और इसी के साथ वो उन्हें ऑफर करता है कि तुम्हें अगर और खेलना है तो तुम मुझसे लोन ले सकते हो। जहाँ पे मेज कहती है कि हमने सुना है कि अगर तुम्हारे कोई पैसे ना लौटाए तो तुम किसी को मार भी देते हो और इसी के साथ उसका हाथ भी काट लेते हो। तो यहाँ पे डक कहता है कि तुम लोग ली के बारे में बात कर रहे हो, बिल्कुल उसे मैंने ही मारा है। तो क्लोई उसे पूछती है कि क्या तुमने उसे सर में गोली मारी, तो डक बोलता है कि हाँ मैंने उसे बिल्कुल सर में गोली मारी। जिसके बाद क्लोई कहती है कि ये मर्डरर नहीं है, क्योंकि ली के तो सीने पे गोली लगी थी, यानी कि ये किसी और का इल्जाम खुद के सर पे ले रहा है। यहाँ लूसीफर जब ली से पूछता है कि शायद तुम्हें कुछ और चीजें याद होंगी, तो ली कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं याद है। जहाँ पे लूसीफर कहता है कि इसका मतलब बस हम दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि ये तो असली का एले भी नहीं है बल्कि हम तो हेल में है। यहाँ क्लोई और मेज की बातें सुन के एक आदमी काफी तेजी से भागने लगता है, जिसे मेज आगे जाके पकड़ने वाली थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के अंदर वो आदमी वहीं पे टूटा फूटा मर जाता है। जिसके बाद में यहाँ एला और इसी के साथ पूरी टीम पहुंचती है। जो आदमी मरा था ट्रक के सामने आकर वो पहुंच जाता है हेल में, और वो मिलता है लूसीफर से, और वो लूसीफर से पूछता है कि आखिर मैं पहुंच कहाँ पे गया। लूसीफर को पता चलता है कि ये केस क्लोई सॉल्व कर रही है, इसी कारण वो उसे एक हिंट देने के लिए भेजता है। यहाँ पे जब क्लोई इसी मरे हुए आदमी के पास थी तो ये मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है, यानी इसके अंदर एक डीमन आ चुका था जो कि लूसीफर ने भेजा था। वो क्लोई को ली के केस से रिलेटेड एक हिंट देता है। क्लोई यहाँ इस डीमन से पूछती है कि लूसीफर आखिर कहाँ है और कैसा है। जहाँ ये डीमन बताता है कि लूसीफर हेल के राजा है तो वो बिल्कुल ठीक ही होंगे। इसके बाद में ली यहाँ लूसीफर को अपनी बातों में फंसाना चाहता था, जहाँ लूसीफर समझ जाता है कि ली उसे अपनी बातों में फंसा के इमोशनल कर रहा है कि शायद लूसीफर उसे थोड़ी कम सजा दे, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कोई असर नहीं होता है, यानी ली को तो अपना हेल लूप भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि लिंडा के घर पे डैन और ट्रिक्सी आते हैं, जहाँ पे डैन लिंडा से बहुत सारी सेल्फ मोटिवेशन की बुक्स लेके गया था। लिंडा पूछती है कि क्या तुमने इतनी सारी बुक्स एक साथ पढ़ ली। जहाँ डैन कहता है कि बिल्कुल, तुम्हारे पास अगर कुछ और भी हो तो वो भी मुझे दे दो। लिंडा समझ चुकी थी कि डैन इतना ज्यादा अकेला हो चुका है कि वो खुद का अकेलापन दूर करने के लिए बुक्स की हेल्प ले रहा है, तो शायद उसे थोड़े दिन का ब्रेक लेना चाहिए। वहीं पे ट्रिक्सी चार्ली को खिलाने के लिए जाती है, जहाँ पे छोटा बेबी हंसने लग जाता है। जिसके बाद में लिंडा कहती है कि ओ माय गॉड, चार्ली पहली बार 2 महीने के अंदर हंसा है। यहाँ एला मेज और क्लोई बैठ के इस केस से रिलेटेड बात कर रहे थे कि आखिर हाथ काटने से मर्डरर क्या साइन देना चाहता था। जहाँ पे क्लोई बताती है कि मेरे पास में एक लीड आई है कि तुम्हारे पास वो बिल्कुल सेफ है, वेयर यू स्टोर्ड इट। जिसके बाद में एला ये नाम सुनते ही ली की बुक्स छानने लग जाती है, और उसे पता चलता है कि एक ऐसा स्टोरेज केस है जिसका नाम स्टोर्ड इट है। मेज क्लोई से पूछती है कि आखिर तुम्हें ये लीड कहाँ से मिली, तो क्लोई कहती है कि ये बस मेरे एक खबरी ने दी थी मुझे। यहाँ हम देखते हैं कि लूसीफर ली को फिर से एक दूसरे हेल लूप में लेके आया था, जो कि ली का घर था। यहाँ क्लोई और मेज एक स्टोरेज में पहुँचते हैं, जहाँ पे काफी सारा ली का ही सामान पड़ा था, लेकिन तभी इनके ऊपर कोई गन रख देता है, लेकिन मेज तभी उस लड़की को उठा के नीचे फेंक देती है। तब हमें पता चलता है कि ये ली की बहन मैक थी, लेकिन वो आखिर यहाँ पे क्या कर रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है लक्स के अंदर, जहाँ एक बंदा ड्रग की डीलिंग कर रहा था, और एमेनाडील चाहता था कि वो ड्रग की डीलिंग के अंदर उसे पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे, यानी कि 20%। देखते ही देखते एमेनाडील इस लड़के से सारी चीजें उगलवा लेता है, और तभी यहाँ डैन पीछे खड़ा था और इस लड़के को अरेस्ट कर लेता है। तभी लड़का कहता है कि ये ड्रग सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम की है, क्योंकि जस्ट अभी ऑपरेशन हुआ था। तो डैन एमेनाडील को कहता है कि अगर तुम्हें किसी को पकड़ना ही है तो उसके बारे में पूरी तरीके से तो चीजें पता लगाओ, ऐसे एलएपीडी का टाइम वेस्ट करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ ली लूसीफर को बताता है कि मैं अपने घर में कभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी भी गया तो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। यहाँ दूसरी तरफ लूसीफर और मेज मैक से पूछते हैं कि तुम आखिर क्या कर रही हो,
तो मैग कहती है कि मैं बस अपने भाई के कातिलों का पता लगाना चाहती थी जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट सिर्फ और सिर्फ ली के लग सकते थे, इसी कारण शायद मर्डरर ने उसका हाथ काटा होगा। मैग यहाँ पे क्लोई और मेज को कहती है कि क्या मैं अपने भाई की कुछ चीजें ले सकती हूँ। यहाँ मेज और क्लोई जब बाहर निकलते हैं तो मेज भी ईव के जाने के बाद बिल्कुल अकेली थी और इसी के साथ क्लोई भी लूसीफर के जाने के बाद अकेली थी, तो मेज को लगता है शायद उसे क्लोई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे क्लोई मेज को कहती है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। मेज को इन चीजों से काफी बुरा लगता है, लेकिन इसी के साथ मेज को ये भी पता चलता है कि लूसीफर ने ही क्लोई को हिंट दी थी एक डीमन को भेज के। यहाँ पे ली लूसीफर को बताने की कोशिश करता है कि आज से कई सालों पहले मेरी बहन ने एक बच्ची को जन्म दिया था और उसी की ये बर्थडे पार्टी थी। यहाँ पे सभी लोगों को इन्वाइट किया गया था लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं गया था। मैं डरता था कि अगर मैं अंदर गया तो मुझे यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ क्लोई मैग को घर छोड़ने के लिए गई थी, लेकिन तभी उसे यहाँ पता चलता है कि ऑलरेडी एक बंदा यहाँ पे आके खड़ा है और वो मैग को कहता है कि मुझे सारे पैसे लौटाओ। मैग कहती है कि इन सब पैसों के बारे में मुझे कैसे पता होगा। यहाँ क्लोई टेबल पे ली का कटा हुआ हाथ भी देखती है। मैग यहाँ पे इस बंदे को जानती है जिसका नाम रॉड था। वो रॉड को कहती है कि क्या ली ने तुमसे भी पैसे लिए हैं, जिसके बाद में ली मैग के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि उसके सेफ के अंदर बहुत सारे पैसे पड़े थे, तो आखिर वो सारे पैसे कहाँ पे गए हैं। क्लोई ये सारी बात संभालते हुए कहती है कि ये पैसे मेरे पास में और इसी बैग के अंदर है, लेकिन क्लोई चुपके से उस बैग में से एक गन चला देती है रॉड के ऊपर और देखते ही देखते यहाँ पे रॉड के सारे आदमी बाहर निकल आते हैं और क्लोई के ऊपर बहुत ज्यादा शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लोई इस टाइम पे लूसीफर को याद करती है कि शायद अगर इस टाइम पे लूसीफर होता तो वो ये सारी चीजें संभाल लेता। इधर ली यहाँ पे लूसीफर को कहता है कि ये हेलूप अकेला मेरा नहीं है, इसका मतलब है कि ये हेलूप तुम्हारा भी है, तुम भी अपनी चीजों में कहीं ना कहीं गिल्ट कर रहे हो। जहाँ लूसीफर को इन बातों से गुस्सा आ जाता और वो कहता है कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, मैं अगर अर्थ पे रहता तो यहाँ के सारे डीमंस नीचे पहुँच गए होते, तो मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। और वैसे भी क्लोई ये केस सॉल्व कर ही देगी क्योंकि मैंने एक डीमन के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन भिजवा दी थी। यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्लोई मैग को कहती है कि तुम बस उठ के भागना, मैं तुम्हें कवर दूंगी, लेकिन गोलियां रुकनी बंद ही नहीं हो रही थी कि तभी यहाँ पे लूसीफर पीछे से निकल के आता है। क्लोई समझ जाती है कि ये विसल की आवाज तो सिर्फ और सिर्फ लूसीफर की हो सकती है, जहाँ पे वो गुंडों को एक के बाद एक करके बहुत बुरी तरीके से मारता है। क्लोई जब लूसीफर को 2 महीने बाद देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और लूसीफर को बस देखती ही रहती है। जहाँ पे क्लोई लूसीफर का हाल पूछती है कि तुम्हारी ऐसी कैसी हालत हो गई है, जहाँ लूसीफर कहता है कि भले ही यहाँ पे अर्थ पे 2 महीने हुए हैं लेकिन हेल के अंदर सदियाँ बीत चुकी है, और जब मुझे पता चला कि ली का केस एले में हो रहा है और तुम ही वो केस सॉल्व कर रही हो तो मैं मिलने कैसे नहीं आता। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि कैसे लूसीफर का हर कैरेक्टर खुद को खुश करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि एमेनडील और लिंडा चार्ली के हंसने पे खुश थे, वहीं पे एला ने खुद को चांस दिया था यानी कि वो डक के साथ में थी। यहाँ पे डैन सोचता है कि अगर मैं हैप्पी रहने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं हैप्पी रह सकता हूँ, लेकिन असल के अंदर वो आज भी शार्लेट को बहुत याद करता है। वहीं हम मेस को देखते हैं जो कि लक्स में पहुंचती है, लेकिन उसे लूसीफर पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो लूसीफर की हर चीज को तोड़ने फोड़ने लग जाती है। और आखिरी सीन में हम लोग देखते हैं कि ली के साथ में अभी भी लूसीफर खड़ा है, यानी कि लूसीफर तो हेल में ही है और ली के लूप में ही है, तो फिर क्लोई के साथ आखिर कौन है। जहाँ पे आखिरी सीन होता है कि लूसीफर और क्लोई हग कर रहे हैं, लेकिन इस वाले लूसीफर की स्माइल हमारी वाली लूसीफर से काफी ज्यादा डिफरेंट थी। इसका मतलब मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता दूं कि ये लूसीफर नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर के लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि कैसे लूसीफर तो अभी भी हेल के अंदर ही है, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए कोई और उसकी शक्ल का यहाँ पे पहुँच चुका है। सस्पेंस के साथ हुआ खत्म ये एपिसोड यहीं से वापस से शुरू होता है, जहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक स्पेस शटल को जिसका नाम रेड टू मिशन था। यहाँ पे तकरीबन 5 लोग सो रहे थे कि तभी यहाँ पे एक स्पेस सूट पहने हुए लड़की आती है जो कि किसी सोए हुए का लॉकर खोल के उसमें से एप्पल निकाल के खाने लगती है। हालांकि उसके जेस्चर से लग रहा था कि वो सोने वाली लड़की को मार देगी, लेकिन उसके एप्पल खाने के बाद में कोई पीछे से आके उसे भी मार देता है। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है क्लोई और एला पे, जहाँ पे क्लोई एला को बताती है कि लूसीफर वापस आ चुका है। इस बात से एला को लगता है कि क्लोई शायद लूसीफर को इतना ज्यादा याद करने लग गई है कि वो उसे दिन में भी दिखाई देने लग गया है। जहाँ क्लोई बताती है कि लूसीफर सच में आ चुका है। एला यहाँ पे लूसीफर से बहुत गुस्सा थी, वो बोलती है कि मुझे बिना बताए वो चला भी गया था, तो अब वो आने के बाद कौन सा मुझे बताएगा, तो इससे अच्छा होगा कि मैं उससे बात भी ना करूं। क्लोई एला को समझाती है कि वो किसी काम से भी गया हो सकता है, तो कोई बात नहीं, तुम बस उस पे गुस्सा मत करना। या हम लोग लूसीफर की फोटोकॉपी को देखते हैं जो बिल्कुल न्यूड था और लूसीफर के जैसे बनने की कोशिश कर रहा था। सीन शिफ्ट हो जाता है क्राइम सीन पे, जहां एला विक्टिम के बारे में बताती है कि विक्टिम का नाम जूडी है जो कि रेड टू मिशन की साइंटिस्ट थी, और इस पूरे स्पेस शटल के अंदर सिर्फ वो ही एक साइंटिस्ट थी। खून
के जूतों से बस मुझे एक व्हाइट कलर का बाल मिला है और इसी के साथ जूडी ने जो एप्पल खाया था वो मिला है। जिसके बाद में ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है लूसीफर की, जिसे एला देखते ही बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे बिना बताए तुम चले कैसे गए, तुम आखिर फ्लोरिडा गए तो हमें बताना तो चाहिए था। जहाँ पे इस फोटोकॉपी को तो पता ही नहीं था कि आखिर उसे बोलना क्या है। तो क्लोई कहती है कि इसकी मॉम की तबीयत खराब थी और ये फोटोकॉपी भी इसी बात को आगे बढ़ा देता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरी मॉम की तबीयत खराब थी, इसी कारण मुझे यहाँ जाना पड़ा। एला फिर भी इस फोटोकॉपी को माफ कर देती है। जहाँ क्लोई इससे बात करके कहती है कि तुम तो आज से पहले कभी झूठ नहीं बोलते थे तो फिर तुमने एला को झूठ क्यों बोला। जहाँ पे ये फोटोकॉपी क्लोई को बोलता है कि मैंने तो बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाया था, मैंने थोड़ी ना कोई नई चीज कही थी और वैसे भी मुझे हेल में रहे हुए हजारों साल हो चुके हैं तो शायद मैं थोड़ा बदल के आया हूँ, तो मुझे पहले के जैसे बनने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है। हम सभी को पता है कि लूसीफर और डैन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन इस बार लूसीफर डैन से बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था। इस बात से डैन को कंफ्यूजन हो जाता है कि लूसीफर को क्या हो गया। यहाँ क्लोई लिंडा के पास आके बताती है कि लूसीफर वापस आ चुका है। ये बात सुनकर लिंडा खुश तो थी लेकिन इसी के साथ पूछती है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है। क्लोई बताती है कि लूसीफर का बिहेव बहुत अलग है, वो हमेशा के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। जहाँ पे लिंडा कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वो काफी टाइम बाद आया है तो शायद हमें उसे समझना चाहिए, वैसे भी वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। जहाँ क्लोई एकदम से साइलेंट हो जाती है और लिंडा को ये बात समझ जाती है कि लूसीफर ने कुछ ना कुछ झूठ बोला है। यहाँ फोटोकॉपी और क्लोई मिलके इस पूरे स्पेस शटल के लोगों का इंटरव्यू लेने लगते हैं कि आखिर जूडी से किसकी दुश्मनी हो सकती है, जिसके बाद में विक्टिम के लिए 50-50 आंसर मिलते हैं, यानी कि वो अच्छी भी थी तो बुरी भी थी। हम सभी को पता है कि लूसीफर अगर किसी से भी पूछताछ करता है तो इसका मतलब है कि उसी ने मर्डर किया होगा, यानी कि लूसीफर कभी भी किसी चीज को जानने की कोशिश नहीं करने से पहले ही किसी को भी मर्डरर बना सकता था। यही बात क्लोई देखती है कि लूसीफर आज इतनी शांति से काम कैसे कर रहा है और वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से, ना तो किसी को डरा रहा धमका रहा है ना ही कुछ और चीजें। जिसके बाद में अब ये फोटोकॉपी और क्लोई निकल जाते हैं रेड 2 के मिशन के और लोगों से मिलने के लिए, जहां यहां का कोऑर्डिनेटर इन्हें सैम मिलता है और इसी के साथ उसकी वाइफ भी मिलती है, जो कि बताते हैं कि जूडी की थोड़े दिनों पहले किसी से बहस हुई थी जिसका नाम डोनेगन था। डोनेगन को ही इसी स्पेस मिशन के अंदर काम मिलने वाला था लेकिन उसके बाद ये काम जूडी को मिल गया, शायद इसी कारण उन दोनों में झगड़ा हो रहा था। यहाँ पे क्लोई उस फोटोकॉपी को कहती है कि अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, शायद मुझे तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तब जाके हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। क्लोई को अभी भी यही लग रहा था कि ये असलियत में लूसीफर ही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है लक्स के अंदर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस फोटोकॉपी का जेस्चर बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि इसका एक शोल्डर ऊपर रह रहा है और तभी यहाँ पे मेज आती है और इस फोटोकॉपी को सीधा गले से पकड़ के नीचे गिरा देती है और कहती है कि लूसीफर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अकेले ही मुझे छोड़ के घर यानी कि हेल में चले गए। जहाँ पे ये फोटोकॉपी तड़पने लगता है और मेज को कहता है कि मैं लूसीफर नहीं हूँ, मुझे छोड़ो, मैं लूसीफर का भाई हूँ और मेरा नाम माइकल है। जिसके बाद में मेज कहती है कि मैंने लूसीफर के भाई के बारे में तो सुना है जो कि ट्विंस है, लेकिन तुम बचने के लिए मुझसे झूठ भी तो बोल सकते हो। जिसके बाद में हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि लूसीफर का ट्विंस ब्रदर यानी कि एक एंजल है जिसका नाम माइकल है। माइकल यहाँ मेज को कहता है कि लूसीफर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। जब मेज माइकल की बातों पे बिलीव नहीं करती है तो माइकल अपने एंजल विंग्स निकालता है और वो मेज से पूछता है कि क्या तुम्हें अब तो बिलीव हुआ कि ये लूसीफर के विंग्स हैं या किसी और के विंग्स हैं। मेज माइकल से पूछती है कि आखिर तुम अर्थ पे क्यों आए हो। जहाँ माइकल खुद की सफाई में बोलता है कि हेवन के अंदर हर एक एंजल बस लूसीफर की तारीफों के पुल बांधे जा रहा है और मेरा भी कोई पर्सनल काम था यहाँ पे, इसी कारण मैं आया हूँ। लूसीफर को क्या लगता है कि उसने सबकी भलाई की है और अगर एक बार कोई उसका असली चेहरा देख लेगा तो सभी को पता चल जाएगा कि वो हमेशा के जैसे ही मतलबी और खुदगर्ज है। माइकल बताता है कि मैं अर्थ पे आके इंसानों के साथ में खेलना चाहता हूँ। जिसके बाद में लूसीफर फिर से यहाँ अर्थ पे सबको बचाने के लिए आएगा और सभी लोग पहचान जाएंगे कि लूसीफर कितना बुरा है। जिसके बाद में मेज कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये करने दूंगी, तो माइकल बोलता है कि लूसीफर से तो बदला तुम्हें भी लेना है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलके लूसीफर को वापस अर्थ पे बुला ले। इस बार फिर से भी मेज सेकंड टाइम दगाबाजी कर जाती है, यानी कि एक बार पहले मेज ने पियर्स का साथ दिया तो लूसीफर को परेशान करने में और इस बार वो उसी के भाई यानी कि माइकल का साथ दे देती है। यहाँ हम लोग एमिनाडील को देखते हैं जो कि लक्स का ओनर बन चुका है, तभी यहाँ पे माइकल आता है। एमिनाडील को बिलीव ही नहीं होता है कि वापस से लूसीफर कैसे आ चुका है। जिसके बाद में एमिनाडील पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पे आ गए हो तो फिर हेल में कौन है। जहाँ माइकल लूसीफर बन के बोलता है कि डीमन सब अच्छे बच्चे बन चुके हैं, वो यहाँ पे नहीं आएंगे और मैं उन्हें सब कुछ समझा के आया हूँ और मुझे अभी और भी काम है तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि माइकल जो कि लूसीफर बन रखा था वो क्लोई के साथ में डोनेवन को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन ये डोनेवन नाम का बंदा अपनी कार रोकने के लिए तैयार ही नहीं था। लूसीफर अपनी गाड़ी में से बाहर निकल के इस बंदे के ऊपर शूट भी करती है, लेकिन ये कार फुल स्पीड में आगे की तरफ आती ही जा
जा रही थी और तब यहाँ पे माइकल अपने एंजल विंग्स निकाल के क्लोई को हवा में उठा के बिल्कुल स्लो मोशन में आगे की तरफ निकल जाता है और डोनोवन का आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। गाइस वैसे तो ये सीन बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन यहाँ पे लूसीफर होना चाहिए था। क्लोई माइकल को लूसीफर समझ के बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई। यहाँ पे क्लोई और माइकल मिलके डोनोवन से पूछते हैं कि आखिर तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी और तुम्हें जूडी के मर्डर के लिए अरेस्ट किया जाता है। जहाँ पे डोनोवन बोलता है कि जूडी ये चीज डिजर्व ही नहीं करती थी तो फिर आखिर उसे ये काम क्यों दिया गया। लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा है क्योंकि मैं तो पूरा लास्ट वीक कहीं दूसरे सिटी में था और मैं तो कल ही आया हूँ। ब्रॉडी का उसके साथ में अफेयर चल रहा था तो शायद आप लोगों को ब्रॉडी से जाके पूछताछ करनी चाहिए। ब्रॉडी वो आदमी था जिसने रेड टू मिशन में पैसे लगाए हुए थे। जिसके बाद में क्लोई और माइकल बात करने लगते हैं कि ब्रॉडी तो शादीशुदा है और अगर जूडी और ब्रॉडी का अफेयर चल रहा था यानी कि उसकी वाइफ को सब कुछ पता चल गया होगा और इसी कारण उन लोगों ने मिलकर जूडी को मारा होगा। लेकिन हम लोग ब्रॉडी से दो दिन बाद ही मिल सकते हैं क्योंकि वो अभी कोई स्पेस मिशन के अंदर गया हुआ है तो शायद हमारे पास में बहुत टाइम है। यहाँ क्लोई लूसीफर को कहने की कोशिश करती है कि उसे लूसीफर के साथ टाइम स्पेंड करना है और इसी के साथ यहाँ पे डैन भी खड़ा था लेकिन लूसीफर यहाँ पे क्लोई को कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से ऐसे ही निकल जाता है। क्लोई को लगता है कि शायद उसे ही लूसीफर को टाइम देना चाहिए, इसी कारण वो लक्स में पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पे तो माइकल ने गेम खेल रखा था यानी वो मेज के साथ में इंटीमेट हो रहा था, ये चीज क्लोई देख लेती है। हालांकि माइकल यही चाहता था कि क्लोई उसे किसी और के साथ देख ले। यहाँ क्लोई रोती रोती बाहर निकल जाती है और बोलती है कि मैंने कभी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम किसी और के साथ रहोगे। जहाँ माइकल बोलता है कि मैं इतने हजारों सालों से हेल के अंदर हूँ तो शायद मुझे बदलने में थोड़ा टाइम और लगेगा और क्लोई माइकल को कहती है कि मुझे ये सारी चीजें समझने में टाइम लगेगी। यहाँ क्लोई तो रोती हुई चली जाती है और माइकल का प्लान हो जाता है सक्सेसफुल। सीन शिफ्ट हो जाता है माइकल और क्लोई पे जहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग मिलने के लिए आते हैं ब्रॉडी से। लेकिन ब्रॉडी एक ऐसा आदमी था जो लूसीफर को जानता था लेकिन माइकल को ये बात पता ही नहीं थी कि उसने उसके ऊपर कौन सा एहसान कर रखा है। यहाँ जब ब्रॉडी को बोला जाता है कि उसने जूडी का मर्डर किया है तो ब्रॉडी बोलता है कि मैं कोई भी बात नहीं कहूंगा जब तक मेरा लॉयर यहाँ पे नहीं आ जाता। क्लोई यहाँ पे माइकल को कहने लगती है कि इससे इसकी मन की ख्वाहिश क्यों नहीं पूछते हो। तब हमें यहाँ पता चलता है कि जैसे लूसीफर के पास मन की ख्वाहिश जानने की पावर है वैसे ही माइकल के पास में लोगों का डर जानने की पावर है और इसके बाद में वो ब्रॉडी का डर जान लेता है कि उसे तो एक हेलीकॉप्टर क्या कार चलानी भी नहीं आती, उसे काफी ज्यादा डर लगता है और ये सब कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट है, इसी कारण उसने ये रेड टू मिशन स्टार्ट किया है। और रही बात जूडी की तो उसे सब कुछ पता चल चुका था लेकिन ब्रॉडी ने जूडी को नहीं मारा है। यहाँ अब क्लोई को लगता है कि शायद उसे लूसीफर के साथ में कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके साथ में थोड़ा आगे भी बढ़ जाना चाहिए, इसी कारण वो लूसीफर को कहती है कि केस खत्म होने के बाद हम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ हम लोग देखते हैं कि एमिना डील अपने एंजल बेबी को गोदी से ही नीचे नहीं उतार रहा था। जब लिंडा आके इस चीज का कारण पूछती है तो एमिना डील बताता है कि तुम्हें एक चीज नहीं पता है लेकिन लूसीफर यहाँ पे आ चुका है। तो लिंडा कहती है कि ये बात मुझे पता है लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एमिना डील को इस चीज का डर था कि अगर लूसीफर आया है तो हो सकता है पीछे से डीमन भी आ जाए और वापस से इनके बेबी को अपने साथ ही ले जाए। जहाँ पे इन दोनों के बीच में यही बात होती है कि शायद लूसीफर अब झूठ भी बोलने लग गया है। यहाँ मेस को लगता है कि शायद उसे क्लोई से माफी मांगनी चाहिए लेकिन इस सिचुएशन में क्लोई को मेस को माफ नहीं करना चाहिए था, उसके बावजूद भी क्लोई मेस को माफ कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं अगली बार बस ध्यान रखना। यहाँ माइकल और क्लोई जब लैब के अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एला सो रही है क्योंकि काफी रात हो चुकी है, इसी कारण क्लोई और माइकल बाहर कॉफी लेने के लिए जाते हैं। जहाँ पे क्लोई का एक्शन और रिएक्शन लूसीफर को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो उसके थोड़ा क्लोज आ जाए। एक मिरर के अंदर जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो क्लोई माइकल को कहती है कि हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, यानी माइकल को लग रहा था कि क्लोई उसे पूरी तरीके से लूसीफर समझ रही है। क्लोई को एकदम से रिफ्लेक्शन देख के कुछ समझ में आता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है लूसीफर पे जिससे मिलने के लिए लिंडा आई होती है। लिंडा यहाँ माइकल को लूसीफर समझती है और कहती है कि तुम कब आए और तुमने कुछ बताया भी नहीं, जिसके बाद में माइकल लिंडा से मिलके खुश था। और इसी के साथ माइकल लिंडा के मन का डर भी बता देता है कि तुम बस अपनी बच्ची को अच्छी तरीके से रखना चाहती हो ताकि तुम एक बुरी माँ ना कहलाओ। इधर क्लोई एला को कहती है कि वापस से उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाओ, शायद हमें रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ दिख जाए। जहाँ पे इन्हें रिफ्लेक्शन के अंदर एक स्पेस सूट मिलता है जिसके अंदर ऑक्सीजन पाइप बाहर था और क्लोई को पता था कि शायद ये दूसरा स्पेस सूट किसके पास मिल सकता है, इसी कारण माइकल और क्लोई पहुंच जाते हैं सैम के घर पे। लेकिन यहाँ सैम किसी को बिना देखे ही गोलियां चलाना शुरू कर देता है और जब सैम को पता चलता है कि ये एलएपीडी है तो वो अपनी गन रख देता है और बोलता है कि ये मर्डर ब्रॉडी ने किया है, जिसके बाद में क्लोई कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मर्डर ब्रॉडी ने ही किया है। तो यहाँ पे सैम कहता है कि ब्रॉडी और जूडी के बीच में अफेयर था, जब ये बातें किसी और को पता चली तो इसी कारण ब्रॉडी ने जूडी को मारने की कोशिश की, जिसके बाद में माइकल कहता है कि हर एविडेंस तुम्हारे ऊपर इशारा कर रहे हैं, यानी कि ये जो जमीन पे बिछा हुआ कारपेट है इसी के अंदर का व्हाइट बाल तुम्हारे पैरों में मिला है। और अब यहाँ पे सैम सरेंडर
कर देता और कहता है कि ठीक है मैंने ही जूडी को मारा। लेकिन तब तक सैम की वाइफ पीछे से निकल के आती है और वो बोलती है कि तुम ये इल्जाम खुद के सर पे क्यों ले रहे हो। तब हमें पता चलता है कि जूडी को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि सैम की वाइफ थी। वो खुद का क्लियरिफिकेशन देते हुए बोलती है कि सैम तुम काफी टाइम जूडी के साथ में बिता रहे थे और इस चीज से मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। यहाँ सैम बोलता है कि ये सारा मिशन बिल्कुल फेक है, ब्रॉडी ने सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट के कारण किया था और जूडी अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी, वो पब्लिक में ये बात बोल ना दे इसी कारण मुझे उससे बात करनी पड़ रही थी। इस बात से सैम की वाइफ को बहुत गिल्ट होता है। यहाँ सैम कहता है कि भले मैं तुमसे दूर क्यों ना रहूं अपने काम के सिलसिले में लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जिसके बाद में माइकल भी क्लोई के लिए कुछ न कुछ सोचना शुरू कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है लक्स में, जहाँ मेस पहुँचती है माइकल को रोकने के लिए और बोलती है कि चाहे लूसीफर के साथ मेरा कितना भी झगड़ा हो लेकिन तुम क्लोई का ऐसे दिल नहीं तोड़ सकते हो। जहाँ पे माइकल कहता है कि मैं ये सारी चीजें समझ चुका हूँ और अब मैं लूसीफर की जगह नहीं लेना चाहता हूँ बल्कि कुछ टाइम यहाँ बिता के चला जाऊंगा। यहाँ मेस जैसे ही थोड़ा पीछे हटती है कि माइकल तभी यहाँ मेस का गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। माइकल यहाँ मेस को कमरे में छुपा ही रहा था कि तभी यहाँ क्लोई आ जाती है और वो देखते ही देखते माइकल के काफी ज्यादा करीब आने लग जाती है और क्लोई यहाँ पे माइकल को बिलीव दिला चुकी थी कि वो उसे लूसीफर ही मानती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद में क्लोई अपनी गन निकालती और सीधा माइकल के पैर में शूट कर देती है और बोलती है कि मुझे पहले दिन से ही पता चल चुका था कि तुम लूसीफर हो ही नहीं सकते। लूसीफर पे गन चला के मुझे पता चला कि वो डेविल है और तुम पे गन चला के पता चला कि तुम डेविल नहीं हो, तो बताओ आखिर तुम कौन हो। जहाँ पे माइकल कहता है कि तुम मुझे पहचान गई हो, मैं लूसीफर का ट्विंस ब्रदर हूँ, मेरा नाम माइकल है। क्लोई यहाँ पे माइकल से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे करने के लिए क्या आए हो। जहाँ माइकल बताता है कि मैं बस अपना काम पूरा करने के लिए आया हूँ लेकिन तुम लूसीफर पे इतना ज्यादा बिलीव मत करो और आखिर तुम मुझे कब पहचानी कि मैं लूसीफर नहीं हूँ। जहाँ क्लोई कहती है कि जिस दिन तुमने पहली बार मुझे किस किया था तभी मुझे पता चल चुका था कि तुम लूसीफर हो ही नहीं सकते और सबसे बड़ी चीज तो तब क्लियर हुई जब तुम मेस के साथ में थे, लूसीफर होता तो वो ये चीज कभी नहीं करता मेरे साथ। जिसके बाद में माइकल चाहता था कि क्लोई लूसीफर के ऊपर बिलीव ना करे इसीलिए वो सारी सच्चाई क्लोई को बता देता है और वो सच्चाई ये थी कि क्लोई को गॉड ने बनाया था लूसीफर का मन बहलाने के लिए। ये बात जब क्लोई को पता चलती है तो वो माइकल की बात मानने से साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम पे आखिर बिलीव क्यों करूं। जहां माइकल कहता है कि ये चीज तो तुम्हें आगे जाके खुद ही पता चल जाएगी कि तुम्हें आखिर किसने और क्यों बनाया है और ये बात तुमसे लूसीफर ने क्यों छुपाई। क्लोई का मन ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था और इसी के साथ वो माइकल को कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। यहाँ माइकल जब नीचे वापस लक्स में आता है तो उसे एमिनाडील मिलता है और एमिनाडील भी यही बात कहता है कि कैसे हो माइकल, यानी कि एमिनाडील को भी अब अपने भाई के बारे में पता चल चुका था। एमिनाडील पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, तो माइकल बोलता है कि मैं बस अपने थोड़े दिन जीने के लिए आया हूँ। एमिनाडील कहता है कि क्या ये बात डैड को पता है, तो माइकल बोलता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ तो मैं कहीं पे भी आ जा सकता हूँ और वैसे भी मुझे सिल्वर सिटी जाके रैमी को वापस भेजना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक एंजल और है, यानी कि तुम्हारा बेटा। एमिनाडील कहता है कि तुम वापस से अपने घर चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। माइकल कहता है मुझे यहाँ रुकने का शौक भी नहीं है, मैं वैसे भी जाना चाहता हूँ। जिसके बाद में एमिनाडील कहता है कि तुम्हें बस लगता है कि तुम लूसीफर के जैसा बन जाओगे लेकिन तुम्हें भी असलियत में पता है कि तुम उसके जैसे कभी नहीं बन सकते हो। और एमिनाडील ये बात कह के माइकल को कहता है कि अब ये तुम्हारा आखिरी टाइम है और अब तुम्हें घर जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद में हमें अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे लिंडा अपने बचपन की फोटो देखती है क्योंकि उसे पता था कि शायद चार्ली अब सेफ नहीं है। वहीं पे क्लोई अपने गले में पहने हुए नेकलेस जो कि लूसीफर ने उसे दिया था उसे देख के रोती है कि शायद लूसीफर को यहाँ पे होना चाहिए था। इसी के साथ में मेज को भी होश आ ही चुका था और लास्ट सीन में गाइस हम लोग देखते हैं कि एमिनाडील पहुँच चुका था हेल में, जहाँ वो लूसीफर से मिलता है और उसे कहता है कि भाई तुम्हें वापस से चलना पड़ेगा, आखिर तुम्हारी अब अर्थ पे जरूरत है। जहाँ लूसीफर एमिनाडील से पूछता है कि आखिर बात क्या हुई है। जिसके बाद में ये एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लूसीफर के लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि कैसे एमिनाडील अपने भाई लूसीफर को लेने के लिए हेल में गया था और ये भी बताया था कि माइकल ने कैसे अर्थ पे आके हर जगह लोगों को परेशान करके रखा है, वो लोगों के सामने लूसीफर बन चुका है और हर लोगों के सामने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है जहाँ लूसीफर एमिनाडील को कहता है कि वो माइकल वो लूजर वो आखिर अर्थ पे कैसे पहुंचा। जहाँ एमिनाडील बताता है कि अब वो पहले जैसा लूजर नहीं रहा है, सिल्वर सिटी के अंदर सबसे पावरफुल वही एंजल है और इसी के साथ उसने डैड से भी बात की है, सिर्फ वही है जो कि इस टाइम पे डैड से बात करता है। इस बात को सुन के लूसीफर को बहुत ज्यादा शॉक लगता है कि आखिर डैड से कोई कैसे बात कर सकता है। जहाँ लूसीफर एमिनाडील को कहता है कि बचपन में उसे डांट फटकार लगा कि उसे साइड में बिठाया जा सकता था। जहाँ एमिनाडील बोलता है कि वो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है और माइकल अब पहले के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है बल्कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जिसके बाद लूसीफर कहता है कि तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा, तो शायद मुझे ही जाके सारी सिचुएशन संभालनी पड़ेगी और अगर मैं अर्थ पे गया तो तुम्हें बस
बस इतना करना है कि पीछे से हेल को थोड़े दिन के लिए संभालना है, जिसके बाद में लूसीफर आ जाता है गाइस अर्थ पे। यानी कि सबसे पहले वो एंट्री लेता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे वो क्लोई से मिलता है। लेकिन पिछली रात क्लोई से माइकल का झगड़ा हुआ था, इसी कारण लूसीफर को वो माइकल समझ रही थी और उसे बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। जहाँ लूसीफर क्लोई को समझाता है कि मैं लूसीफर ही हूँ, माइकल नहीं हूँ, और पास में खड़ी एक ऑफिसर की आंखों में आंखें डाल के उससे उसके दिल की ख्वाहिश पूछ लेता है। जहाँ क्लोई ये चीज देखते ही लूसीफर को हक करती है और क्लोई लूसीफर को कहती है कि मुझे माइकल के ऊपर बिलीव करने में सच में बहुत टाइम लगा, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसा लग रहा था। जहाँ लूसीफर कहता है कि वो मेरे जैसा कभी बन ही नहीं सकता। क्लोई कहती है कि वो झूठ भी बोलता है और पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था, एक बात तो उसने ऐसी कही जिसपे कभी बिलीव ही नहीं किया जा सकता है। तो लूसीफर पूछता है कि आखिर क्या बात कही उसने। क्लोई बताती है कि माइकल कह रहा था कि मुझे गॉड ने बनाया है तुम्हारे लिए, यानी कि मैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए बनाई गई हूँ, ये एक झूठ है ना। जहाँ लूसीफर ये बात सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहता और बिल्कुल चुप हो जाता है। क्लोई इस चुप्पी को देख के समझ जाती है कि माइकल ने उसे झूठ नहीं बोला था, और उसके बाद वो लूसीफर के ऊपर भड़क जाती है कि ये बात आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लूसीफर कहता है कि ये बात तो मुझे तभी पता चल गई थी जब मेरी मॉम ने मुझे बताया था। जहाँ क्लोई कहती है कि अगर तुम्हें बात ये इतनी पहले से पता थी तो तुमने क्यों नहीं मुझे बताया। तो लूसीफर कहता है कि तुम कौन सा मेरी बातों पे बिलीव किया करती थी, तुम्हें एंजल और डेविल पे तो बिलीव अब हुआ है। जहाँ क्लोई पूरी तरीके से टूट जाती है, उसे लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ गॉड ने लूसीफर के लिए बनाया है। और तभी यहाँ पे डैन ने केस लेके आ जाता है, जिसके बाद क्लोई बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। सीन एक क्राइम सीन पे शिफ्ट होता है, जहाँ एला क्लोई को डिटेल्स बताती है कि विक्टिम का नाम मैट ओवेंस है, जो कि एक क्रिएटर डायरेक्टर है। इसके पास सब कुछ था, पैसा, दौलत, शौहरत, लेकिन एक ही झटके में देखो कैसे इसकी मौत हो गई। जहाँ पे क्लोई के दिमाग में अभी भी हर टाइम यही चल रहा था कि कैसे उसे गॉड ने बनाया है और क्लोई के ऊपर उसकी लाइफ का कोई हक नहीं है। जिसके बाद अब यहाँ पे लूसीफर भी आ चुका था। क्लोई कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो लूसीफर कहता है कि मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करे बिना जा ही नहीं सकता हूँ, जब तक तुम मुझ पे बिलीव नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। और रही बात यहाँ रहने की, तो चलो मिलके केस सॉल्व करते हैं। यहाँ लूसीफर को पता चलता है कि जिसका मर्डर हुआ है उसे तो वो पहले से ही जानता था, और मैट ने लूसीफर से एक फेवर भी लिया था, और ये फेवर लेने के बाद में वो लूसीफर से काफी घंटों बैठ के बातें भी किया करता था। जिसके बाद में मैट ने लूसीफर की ही लाइफ पे एक शो बना दिया था, जो कि आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो चुका था। यहाँ इसी शो से रिलेटेड शूटिंग चल रही थी, जहाँ पे जो लूसीफर का कैरेक्टर अदा कर रहा था उसका नाम डियाब्लो था। हालांकि ये सारी शूटिंग बहुत ही बकवास चल रही थी, जो कि लूसीफर और क्लोई दूर से देख के परेशान हो रहे थे। लूसीफर तो बड़ा खुश था कि देखो मेरा कैरेक्टर कोई प्ले कर रहा है। और तब यहाँ क्लोई को प्ले करने वाली रोल मॉडल आती है, जिसका नाम डिटेक्टिव डांसर था, और वो क्लोई के जैसा तो बिल्कुल बिहेव नहीं कर रही थी। यहाँ पे क्लोई और लूसीफर डियाब्लो और डांसर से बात करते हैं कि मैट से आखिर किसका झगड़ा था। जहाँ पे डियाब्लो और ये डांसर बताती है कि मैट एक ऐसा आदमी था जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, तो उसकी मौत तो होनी ही थी, वो हम लोगों को बहुत ही बुरे डायलॉग और सीन दिया करता था। जहाँ क्लोई फिर से बीच में बोल देती है कि इसका मतलब तुम्हारी लाइफ पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं था, यानी कि लूसीफर के ऊपर एक टॉन्ट। लूसीफर इस चीज से परेशान होकर पहुंच जाता है लिंडा के पास में, और लिंडा को कहता है कि देखो मैं वापस आ गया हूँ। जहाँ लिंडा कंफ्यूज थी कि आखिर तुम दोनों भाइयों के बीच में चल क्या रहा है, कभी तुम तो कभी माइकल। और यहाँ लिंडा लूसीफर को यही सजेस्ट करती है कि अगर क्लोई को ये चीज पता चलेगी कि उसे गॉड ने बनाया है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि उसे बहुत बुरा लगना है, तो ये चीज तुम्हें ही समझनी पड़ेगी और सारी चीज सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। यहाँ क्लोई पहुंच जाती है मैट ओवेंस की राइटर के पास में, जिसका नाम कैरी बेलवुड था। कैरी को पहले से ही पता था कि सीधा शक उसी के पास जाना है, क्योंकि वो राइटर की हेड थी और सारी स्क्रिप्ट वही मैट को दिया करती थी। कैरी बताती है कि मुझे पता था कि तुम लोग मुझे ही पकड़ने के लिए आओगे, मैं जो भी स्क्रिप्ट लिखा करती थी मैट अगले दिन उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया करता था। और रही बात मेरी, तो मैं पूरी रात बैठ के स्क्रिप्ट लिख रही थी, ये बात मेरा असिस्टेंट तुम्हें बता सकता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि लूसीफर अपने लक्स में पहुंचता है, जो कि पूरी तरीके से तबाह हो रखा था, और प्लस उसका पियानो भी टूट रखा था, कि तभी यहाँ मेज आती है। यहाँ लूसीफर मेज से मिलके खुश था, लेकिन मेज लूसीफर से मिलके बिल्कुल खुश नहीं थी, वो उसके ऊपर धावा बोल देती है और इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। मेज रुकने का नाम नहीं लेती और लूसीफर कहता है कि बात समझो, मैं माइकल नहीं लूसीफर हूँ। जिसके बाद जब मेज को पता चलता है कि ये असल में लूसीफर ही है, फिर भी वो उसे सर से बहुत जोर से हिट करती है। मेज यहाँ लूसीफर को कहती है कि चाहे माइकल हो चाहे लूसीफर, तुम दोनों ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, माइकल ने मुझे मारने की कोशिश की और तुम तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। जहाँ लूसीफर मेज को समझाता है कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब तुम मेरी डीमन नहीं हो बल्कि तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। तो मेज कहती है कि मेरे पास कौन से विंग्स है जो मैं उड़ के हेल में आ जाऊंगी। जहाँ लूसीफर कहता है कि तुमने एमिनाडील से क्यों नहीं पूछा, वो तो कहीं पे भी कभी भी आ सकता है। जहाँ मेज के मन में ये बातें चल रही थी कि उसे कोई समझ ही नहीं सकता है और उसे हमेशा सभी छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ लूसीफर और क्लोई मैट के एक होटल में पहुंचे थे, जहाँ पे वो अक्सर आया
करता था और ये बात इन्हें कैरी ने बताई थी। लेकिन लूसीफर और क्लोई को यहाँ पे पहले से ही गेस्ट मिलते हैं जो कि थे डियाब्लो और डांसर। ये जस्ट एक शो के अंदर काम करते हैं लेकिन काम पूरी तरीके से डिटेक्टिव के जैसे कर रहे थे। इसी कारण क्लोई को गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों को बाहर निकाल देती है और इसी के साथ में लूसीफर को भी कहती है कि मुझे इस जगह को सील करानी पड़ेगी और तुम तो अब मेरे पार्टनर हो भी नहीं तो यहाँ से चले जाओ। यहाँ एला क्लोई को बताती है कि मुझे विक्टिम यानी मैट के आसपास एक सिनेमन का सिगार मिला। क्लोई कहती है कि ये सिनेमन का सिगार तो डियाब्लो पीता है, जबकि डियाब्लो ने कहा था कि वो दो दिन पहले तो मैट से मिला ही नहीं था, तो क्राइम सीन पे आखिर ये सिगार कैसे आया। जहाँ दूसरी तरफ लूसीफर मिलता है डैन से, जहाँ डैन लूसीफर को ज्ञान देने लगता है कि अगर तुम्हें अच्छा फील करना है तो तुम्हें हमेशा हैप्पी रहना पड़ेगा। लूसीफर तो इन चीजों से काफी बोर हो चुका था, इसी कारण वो डैन की बातों पे कुछ खास ध्यान नहीं देता है। यहाँ लूसीफर और क्लोई को लगता है कि शायद उन्हें एक बार डियाब्लो से मिलके आना चाहिए, वो उन्हें इनके क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। लेकिन जब तक ये डियाब्लो की वैनिटी वैन तक पहुँचते तब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डियाब्लो को भी किसी ने मार दिया है और अभी भी मर्डर वेपन वही था जिससे कि मैट को मारा गया था। सभी पूछते हैं कि आखिर डियाब्लो की वैनिटी वैन के आसपास कोई था क्यों नहीं, तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम लोगों को अंदर जाने के ऑर्डर मिले थे। अंदर जाने के ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कैरी बेलवुड दे सकती थी क्योंकि मैट के बाद सिर्फ कैरी को ही परमिशन थी इस शो को डायरेक्ट करने की। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है लिंडा और मेज पे, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ मेज एक साथ में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और लिंडा उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है, तुम्हें बस इस चीज का डर है कि तुम्हें कहीं लोग अकेला छोड़ के ना चले जाएं। जिसके बाद में मेज ड्रिंक करती हुई हंसने लग जाती है और हंसते हंसते मेज का रोना भी निकल जाता है। जहाँ मेज बोलने लगती है कि सब जने मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, लूसीफर ने मुझे छोड़ दिया, क्लोई ने मुझे छोड़ दिया और उसके बाद में ईव ने भी मुझे छोड़ दिया। जिसके बाद में वापस से सीन शिफ्ट हो जाता है लूसीफर और क्लोई पे, जहाँ डैन भी था और अभी नहीं पता करना था कि आखिर कैरी ने यहाँ पे सारे काम करने वालों को क्यों बुलवाया था। जब कैरी के पास में लूसीफर और क्लोई पहुँचते हैं तो यहाँ रखी एक अलमीरा पे लूसीफर को ब्लड के निशान मिल जाते हैं। जब लूसीफर उस अलमीरा को ओपन करता है तो उसके अंदर वही नाइफ मिलता है जिससे कि मैट और डियाब्लो को मारा गया था। यानी कि सारे के सारे एविडेंस ये दिखा रहे थे कि कैरी ने ही मैट और डियाब्लो को मारा था। यहाँ पे लूसीफर के पास में डियाब्लो की स्क्रिप्ट पड़ी थी और इसी के साथ में डैन भी उसी का साथ देता है। ये दोनों मिलके डियाब्लो के शो का रोल प्ले करते हैं। का मन था कि वो डियाब्लो की को पार्टनर यानी कि वो डांसर को ये अपने मुंह से खुशखबरी बताए कि डियाब्लो और मैट के कातिल को पकड़ लिया गया है, यानी कि कैरी को। इस बात से डांसर बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूसीफर और डैन को ज्वाइन करने के लिए अब एला भी पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्हें स्क्रिप्ट के अंदर पता चलता है कि डियाब्लो ने इस पहेली को सुलझा लिया था कि आखिर मैट को किसने मारा था। यानी कि डियाब्लो को पहले से ही पता था कि कोई सेकंड पर्सन है जिसने मैट को मारा है, जो कि कैरी तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ डांसर अपने साथ में क्लोई को उस जगह पे लेके आई थी जहाँ पे ये लोग शूटिंग किया करते थे। क्लोई कहीं ना कहीं डांसर से कनेक्ट हो रही थी, इसी कारण वो पूछती है कि तुम डियाब्लो को पसंद किया करती थी ना। जहाँ डांसर कहती है कि मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, अच्छा हुआ जो सब लोग मर गए, अब मुझे जल्द से जल्द बहुत नए नए शोज और मूवीज मिलने वाले हैं। जिसके बाद में क्लोई कहती है कि तुम्हें उनके मरने का कोई दुख नहीं है, और क्लोई इस बात से समझ जाती है कि इस डांसर ने कुछ ना कुछ किया है। जिसके बाद वो जैसे अपने हाथ से गन निकालने वाली थी कि तभी यहाँ डांसर उस ग्लास को फोड़ के क्लोई के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन क्लोई यहाँ पे बात संभाल लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैट तुम लोगों के सीन और डायलॉग चेंज किया कर देता था, लेकिन आज तुमने जितनी भी सक्सेस की है सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण की है। जिसके बाद में क्लोई एक पोल से घूम के डांसर को अरेस्ट कर लेती है और लूसीफर वहाँ पीछे से निकल के आता है, जो कि क्लोई को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। क्लोई कहती है कि तुम आखिर मुझे कितनी देर से देख रहे थे, जहाँ पे लूसीफर बताता है कि तब से जब से तुमने बात संभाल ली थी। यहाँ मेज के सामने लिंडा बैठ के काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, जहाँ लिंडा मेज को संभाल रही थी और मेज की वो हर बात सुन रही थी। जहाँ मेज कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, मुझे सब लोग छोड़ के जा चुके हैं। दूसरी तरफ लूसीफर अब अपने लक्स में सारा केस खत्म करके पहुंचा था और तभी वो अपने विंग्स ओपन कर लेता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा था उसका भाई यानी कि माइकल, जिसके पास में भी एंजल विंग्स थे। यहाँ लूसीफर माइकल से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं थी, आखिर तुमने मेरे लोगों को इतना हर्ट क्यों किया है। जहाँ पे माइकल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सबसे अच्छे तुम ही हो, बल्कि तुमने जितनी भी चीजें आज तक की है वो सब कुछ मैंने तुमसे कराई है, तुम्हें पता है कि मैं लोगों के डर से खेल सकता हूँ, इसी कारण मैंने ही तुम्हें वो सारी चीजें करने पे मजबूर की है जो तुमने अब तक सिल्वर सिटी और हेल में की है। जहाँ लूसीफर कहता है कि ऐसी चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, अब तक जो भी मैंने किया है वो सब मैंने खुद के मन से किया है। जिसके बाद में इन दोनों एंजल ब्रदर्स में फाइट हो जाती है। ये दोनों ही पियानो के वुडन के टुकड़ों से एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके बाद में लूसीफर थोड़ा सा जीत जाता है और वो माइकल को गले से पकड़ लेता है। यहीं पे लूसीफर के हाथ में मेज का ब्लेड आ जाता है और अब वो माइकल को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है क्लोई के घर पे, जहाँ लूसीफर काफी बुरी हालत में पहुंचता है और क्लोई को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें सब कुछ
बता सकता हूँ कि आखिर क्या क्या चीजें हुई है। लेकिन क्लोई के दिमाग में अभी भी यही चीजें थी कि उसे सिर्फ और सिर्फ लूसीफर के लिए बनाया गया है, यानी कि उसकी कोई लाइफ है ही नहीं। ये पहले से ही तय था कि इस टाइम पे, इस समय पे लूसीफर को कोई लड़की मिलने वाली है। जहाँ लूसीफर समझाने की कोशिश करता है कि ये चीजें पहले थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। लेकिन क्लोई लूसीफर की एक भी बात नहीं सुनती है, जिसके बाद हम मेस को देखते हैं और वो भी क्लोई के घर पे ही पहुंची थी। वो लूसीफर को ढूंढती हुई पहुंचती है, जहां उसे सामने बैठा हुआ लूसीफर दिख जाता है और वो लूसीफर को कहती है कि मुझे तुमसे भी मिलना था, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं, क्योंकि मेरे गुस्से की वजह तुम नहीं थे, लेकिन मैंने बेवजह तुम पे गुस्सा कर दिया। जहां हमें पता चलता है कि सामने बैठा हुआ लूसीफर नहीं बल्कि माइकल था। जहां हम देखते हैं कि माइकल के चेहरे पे लूसीफर ने बहुत ही बड़ा निशान कर दिया था, वो भी मेज के ब्लेड से। मेज उसे देखते ही पकड़ लेती और कहती अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जहां माइकल कहता है कि भले ही तुम मुझे मार दो, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना तुम लूसीफर को अच्छा समझती हो वो उतना भी अच्छा नहीं है। उसने हर किसी से बातें छुपाई है, उसने क्लोई से भी छुपाई है, तो उसने कई राज है जो तुमसे भी छुपाए हैं। तो मेज कहती है कि आखिर वो राज क्या है, मुझे बताओ। तो माइकल कहता है कि मैं वो राज तुम्हें बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि कैसे तुम उन्हें पता कर सकती हो। जिसके बाद में ये एपिसोड गाइज यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर के लास्ट एपिसोड में गाइज हम सभी लोगों ने देखा था कि कैसे माइकल ने मेज को एक बहुत बड़ी पहेली में छोड़ दिया था, यानी कि लूसीफर के पास एक ऐसा राज था मैजिकिन का, जो कि अभी तक मैजिकिन को नहीं पता है। तो इस एपिसोड में हम लोगों को यही पता चलने वाला है कि आखिर वो क्या राज है जो लूसीफर ने मेज से आज तक छुपा के रखा था। जहाँ पे एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है और हमें पता चलता है कि लूसीफर अभी भी हेल में नहीं गया है। हालांकि क्लोई से उसकी थोड़ी बहुत अनबन हुई थी, लेकिन अभी भी वो अर्थ पे ही है और वो अपनी आखिरी रात क्लोई और ट्रिक्सी के साथ में बिताना चाहता था। लेकिन लक्स में यहाँ सिर्फ ट्रिक्सी आई थी और वो बोलती है कि मॉम और डैड किसी काम के लिए बाहर गए हैं, तो शायद आज मैं ही हूँ आपके साथ में। जहाँ लूसीफर ट्रिक्सी को कहता है तो चलो फिर हम दोनों मिलके मोनोपोली खेलते हैं, ट्रिक्सी मना कर देती है और कहती है कि चलो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, आप मुझे कोई स्टोरी क्यों नहीं सुनाते हैं। लूसीफर को पहली बात तो बच्चे पसंद भी नहीं थे और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ट्रिक्सी बातों ही बातों में लूसीफर को कहती है कि आप अपनी रिंग की स्टोरी सुनाइए। जहाँ लूसीफर स्टोरी सुनाना शुरू करता है, गाइस आप इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये स्टोरी पहुंच चुकी है 1946 की, यानी कि लूसीफर तकरीबन 60-70 साल पुरानी बात बता रहा है, जिसके अंदर हमें यही सारे कैरेक्टर घूम घूम के दिखाई देंगे। लूसीफर अपनी कहानी ट्रिक्सी को बताना शुरू करता है कि बात 1946 की है, जहाँ पे लोग कैप पहना करते थे, लड़कियाँ काफी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हो चुकी थी और इसी के साथ माहौल बहुत अच्छा था, यानी कि मुझे वो टाइम बहुत पसंद था। उस टाइम पे मेरी एक बहुत खास फ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था लिलिथ। हालांकि ये बात कोई नहीं मानेगा कि वो बिल्कुल मेज के जैसे दिखती थी, ये सारी बात लूसीफर ट्रिक्सी को बता रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि लूसीफर ने जिसका नाम लिलिथ बताया था, वो एक बार के अंदर सिंगिंग कर रही थी। इस टाइम तक लिलिथ एक इमॉर्टल है, यानी कि वो हेवन से आई हुई है। जिसके बाद में लूसीफर और लिलिथ बैठ के बात करते हैं और लिलिथ यहाँ पे बताती है कि मेरी एक चीज चोरी हो चुकी है, वो मेरी सबसे खास और इम्पोर्टेंट चीज है। लूसीफर के पूछने पे लिलिथ बताती है कि मैं ईडन के गार्डन से सिर्फ एक स्टोन लेके आई थी, जो कि एक रिंग में लगा दिया था, और वो मुझे मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ याद दिलाता है। और वैसे भी लूसीफर मैंने तुम पे एक एहसान कर रखा है, तो अब टाइम आ चुका है कि तुम उस एहसान को उतार दो। यानी कि लिलिथ लूसीफर से उस रिंग को ढूंढने के लिए कहती है, जहाँ पे लूसीफर एक स्पाई यानी कि एक जासूस के पास पहुँचता है जिसका नाम जैक था। ट्रिक्सी यहाँ पे लूसीफर को रोकती है और कहती है कि मेरी मॉम भी तो एक जासूस है। जिसके बाद में लूसीफर इस कैरेक्टर को चेंज करके क्लोई में बदल देता है और अब यहाँ पे जैक जो कि एक मेल था, यहाँ पे अब एक फीमेल क्लोई पहुँच चुकी थी। लूसीफर जैक को बहुत सारे पैसे देता है और बताता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत बड़ी सिंगर है और उसके हाथ में एक रिंग है, तो तुम्हें बस उसे ढूंढ के निकालना है। जहाँ पे जैक कहता है कि लास्ट टाइम आप लोगों ने वो रिंग कहाँ पे देखी थी। यहाँ पे लूसीफर और जैक पहुँच जाते हैं बार के अंदर, जहाँ पे नहीं पता था कि बारटेंडर ही एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास में हर चीज की नॉलेज होती है। यहाँ पे हमें बारटेंडर देखने के लिए मिलती है लिंडा, जिसका नाम था गर्टी। वो कुछ पैसे लेने के बाद इन्फॉर्मेशन बताती है कि एक ऐसा आदमी है जो कि लंबा चौड़ा है और उसकी एक आंख पे पट्टी है, शायद हो सकता है कि रिंग उसी ने ही चुराई हो। यहाँ जैक और लूसीफर को एक टेबल पे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि सोच रहा था कि इन दोनों से बात करे। जैक जाके उस आदमी से कहता है कि तुम रिंग के बारे में क्या जानते हो, तो यह आदमी बैठा हुआ बोलता है कि अगर तुम मुझे पीछे आके मिलोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जब लूसीफर और जैक बाहर जाते हैं इस काली पट्टी वाले आदमी के बारे में जानने के लिए, तो वो आदमी उन्हें कहता है कि बच के रहना, वो तुम्हारे पीछे ही है। यहाँ पे लूसीफर उस काली पट्टी वाले का नाम बताता है, टॉम एस्टैम्पिनाडो। लेकिन ये कैरेक्टर निकलती है एला, तो ट्रिक्सी लूसीफर से पूछती है कि ये तो एक मेल है, तो लूसीफर कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें लड़कियां पसंद है। जिसके बाद में टॉम जैक और लूसीफर
के पास आके कहता है कि तुम्हें लिलिथ से दूर रहना चाहिए। हालांकि लिलिथ जिस बार के अंदर गाती है ये उसी बार का ओनर है और इसे लिलिथ से बहुत प्यार भी है। इसी कारण टॉम के गुंडे आके जैक को एक दो पंच भी लगा देते हैं। यहाँ लूसीफर और जैक एक जगह आके शांति से बैठ जाते हैं जहाँ पे जैक की आंख में काफी ज्यादा लग चुकी थी। और इसी के साथ जैक ये भी बताता है कि उसके घर में कुछ परेशानी चल रही है, यानी कि उसकी वाइफ से उसके बिल्कुल भी नहीं बनती है। यहाँ हम जैक के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसकी एक वाइफ थी, उसका नाम शेरिन था, और यहाँ पे शेरिन का रोल प्ले कर रही थी शार्लेट। जैक बिना खाना खाए वहाँ से चला जाता है और अपनी वाइफ से बात भी नहीं करता। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है जिसके बैग के अंदर एक बहुत बड़ा नाइफ लगा हुआ था और वो वहीं जैक के दरवाजे पे आके मर जाता है। इस आदमी का नाम लकी लैरी था। यहाँ पे लूसीफर जैक की वाइफ यानी कि शेरिन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जैक यहाँ पे फिर भी अपनी वाइफ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और चला जाता है, जिसके बाद में जैक कार में बैठने के बाद लूसीफर को सारी स्टोरी बताता है कि हम लोग जब ऑफिस में बैठे थे तो मेरे बॉस को पता था कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है, इसी कारण उन्होंने एक लड़की को भेजा और शादी करने के बाद मुझे पता चला कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है ऐसा वो कहती है, लेकिन शादी से पहले ही उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि हमारी शादी की नींव ही सही तरीके से नहीं रखी हुई है। जिसके बाद लूसीफर जैक को समझाता है कि ये बातें काफी पुरानी हो चुकी है, अगर तुम्हें उसके साथ खुशी खुशी रहना है तो तुम्हें इन बातों को भूलना पड़ेगा। यहाँ पे लूसीफर और जैक को पता चलता है कि लकी लैरी यानी कि जिसका मर्डर हुआ था उसका झगड़ा एक विली नाम के बंदे से हुआ था। यहाँ पे हमें एक शाही घराने का बंदा दिखाई देता है और विली का कैरेक्टर प्ले कर रहा था डैन, लेकिन विली यहाँ पे इतना डरपोक और डब्बू किस्म का आदमी दिखाया जाता है कि जैक और लूसीफर को पहले से ही पता था कि इसने तो किसी का मर्डर किया ही नहीं होगा। जिसके बाद विली कहता है कि पिछली रात मैं यहाँ पे मेरी पेंटिंग बनवा रहा था जिसके बारे में तुम्हें मेरा पेंटर बता देगा। और इसी के साथ रही बात लकी लैरी की, तो मैं उससे बहुत महंगी और कीमती चीजें खरीदता था, वही चीजें जो मुझे पसंद आती थी। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है लिलिथ और गर्टी पे। गर्टी यहाँ पे लिलिथ को ट्रू लव के बारे में बता रही थी क्योंकि लिलिथ एडम की फर्स्ट वाइफ थी और यही रीजन था कि लिलिथ अब हेवन में नहीं रह रही थी, यानी कि लिलिथ ने एडम से शादी टूटने के बाद अर्थ पे आना सही समझा और वो ट्रू लव को बिल्कुल भी सच्चा नहीं मानती है। वहीं गर्टी कहती है कि मेरे हस्बैंड से मैं बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ लूसीफर और जैक पहुँच जाते हैं लकी लैरी के घर पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ पे जैक सारी सिचुएशन बताता है कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में हाथापाई हुई थी, इसी कारण लकी लैरी गिरा होगा, उसका सर इस टेबल से टकराया होगा और वो उस खिड़की से भागना चाहता होगा, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आके उसके बैग के अंदर नाइफ लगा दिया, जिसके बाद में वो सीधा मेरे घर पे पहुंचा। और तब यहाँ पे लूसीफर को एक सिगार का टुकड़ा मिल जाता है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि ये सिगार तो टॉम पिया करता है। अब यहाँ लूसीफर और जैक पहुंच जाते हैं टॉम के घर पे उसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन तब तक इन्हें खून की बूंदें गिरती हुई दिखाई देती है। जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो टॉम का गार्ड पहले से ही मरा हुआ था और टॉम को किसी ने मार के ब्लैंकेट से ढक रखा था। जब लूसीफर ब्लैंकेट हटाता है तो उसे पता चलता है कि टॉम की आंख पे किसी ने निशान बना रखा है जो कि एक इमॉर्टलिटी का निशान है, और इसी के साथ टॉम का किसी ने दिल भी निकाल लिया है जो कि बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन इन्हें यहाँ भी लिलिथ की रिंग नहीं मिली थी, तो आखिर टॉम को क्यों मारा गया ये बात तो इन्हें आगे पता चलेगी। यहाँ लूसीफर और जैक उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे टॉम की आंख पे एक निशान बना हुआ था। ये जगह झाड़ फूक वाली थी और यहाँ पे जो जादूगर था वो एमेनेडील था, जो कि लूसीफर और जैक को अपने झाड़ फूक के पैकेज बेच रहा था। ये जादूगर लूसीफर और जैक को कहता है कि मेरे पास में सारे ऑफर्स हैं, आप बताओ आपको क्या करवाना है। जहाँ लूसीफर को वही मास्क दिखता है जो कि टॉम की बॉडी के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन ये जादूगर बोलता है कि ऐसे ना जाने कितने लोग आते हैं जो कि ये मास्क रोज लेके जाते हैं। जिसके बाद में जैक और लूसीफर के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं था कि अब आखिर ये किसे ढूंढेंगे, इसी कारण लूसीफर लिलिथ के पास जाता और उसे बोलता है कि जिसने रिंग चोरी करी थी और जिसने रिंग चोरी करवाई थी वो दोनों ही मर चुके हैं, तो हमारे पास अब ढूंढने के लिए कोई भी नहीं बचा है। लिलिथ कहती है कि खैर जाने दो, वैसे भी वो रिंग मैंने काफी टाइम से पहन रखी थी, लोग समझते हैं कि वो एक इमॉर्टलिटी की निशानी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक स्टोन है जो कि मुझे मेरी पुरानी यादें ताज़ा करवाती है, लोगों को लगता है कि वो एक मैजिकल रिंग है। जिसके बाद में लूसीफर लिलिथ को कहता है कि अगर लोगों को लगता है कि वो एक मैजिकल रिंग है दैट मीन्स लोगों को उसे चलाना नहीं आएगा, और अगर उसे यूज करना है तो उसे हमसे आके पूछना ही पड़ेगा। इसके बाद में लूसीफर और लिलिथ मिलके एक प्लान बनाते हैं, वो लोग एक ऐसा बैंगल बनाते हैं जिसके अंदर जब तक रिंग नहीं जुड़ पाएगी तब तक वो रिंग अपना मैजिक नहीं दिखा पाएगी। जिसके बाद में अब पूरे शहर के अंदर ये बता दिया जाता है कि लिलिथ के पास एक मैजिकल बैंगल भी है। और अब कॉन्सर्ट वाला दिन आता है जब लिलिथ अपने हाथ में बैंगल पहन के निकल जाती है। यहाँ पे जैक अपनी वाइफ शेरिन को कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, और शेरिन बिना कुछ कहे जैक की हेल्प करती है। शेरिन को बस ये करना था कि लिलिथ के हाथ से वो बैंगल लेके रूम के अंदर रखना था ताकि जो भी चोर होगा वो उसके पीछे पीछे आ जाएगा। यहाँ लिलिथ लूसीफर को कहती है कि क्या तुमने कभी कोई कनेक्शन बनाया है अर्थ पे आने के बाद, लेकिन लूसीफर इन
चीजों को सिर्फ मजाक समझता है। लिलित अपनी आंखों से शेरिन और जैक के बीच का प्यार देख सकती थी। यहाँ लिलित अब अपना परफॉर्मेंस देना शुरू करती है, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले ही वो सभी के बीच में अनाउंस कर देती है कि कहीं मेरा परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, इसी कारण मैं इस मैजिकल बैंगल को अपने लॉकर में रखवा देती हूँ। शेरिन उस बैंगल को लेके आती है और रूम की तरफ निकल जाती है, जहाँ पे जैक को पता चलता है कि कोई लिलित के रूम में जाने वाला है। वो शेरिन से मिलता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से बाहर निकलो। जहाँ लिलित के कमरे में पहले से ही कोई मौजूद था। जैक उसे कहता है कि हाथ ऊपर करो और मुड़ जाओ, यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि विली था, यानी कि वो इतना डरपोक दब्बू किस्म का आदमी होने के बावजूद भी इस रिंग को चुराने वाला था। जिसके बाद में अब यहाँ लूसीफर और लिलित भी आ जाते हैं और सबसे मेन किरदार यानी कि गर्टी पहुंच जाती है। गर्टी कहती है कि ये सारी प्लानिंग मेरी है, मैंने ही लकी लैरी को इस रिंग के बारे में बताया था, लेकिन लकी लैरी ने उस रिंग को टॉम को बेच दिया क्योंकि टॉम लिलित से प्यार करता था और हर कीमत उसे देने के लिए तैयार था। जिसके बाद में यहाँ विली पहुंच गया और उसने टॉम से रिंग लेके उसे भी मार डाला। गर्टी यहाँ पे बताती है कि ये रिंग सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे हस्बैंड के लिए चाहिए थी, एक वॉर में जाके आने के बाद में मेरे हस्बैंड की हालत कुछ ठीक नहीं है और लिलित की रिंग बहुत ही ज्यादा मैजिकल है जिससे मैं अपने हस्बैंड को ठीक कर सकती हूँ। लूसीफर यहाँ सभी को समझाता है कि उस रिंग के अंदर कोई भी मैजिक नहीं है, जिसके बाद में वो गन लेता और विली के पैर पे सीधा शूट कर देता है, जिसके बाद में गर्टी को बिलीव हो जाता है कि इस रिंग में कोई मैजिक नहीं है। यहाँ पे ट्रिक्सी लूसीफर को कहती है कि आखिर आप कहानी किसकी सुना रहे हैं, मुझे तो रिंग की कहानी सुननी है। तो लूसीफर कहता है कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कहानी मैं तुम्हें कभी नहीं सुनाऊंगा। और अब गर्टी से वो रिंग वापस ले ली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पुलिस वाले लोग आ जाते हैं और सभी को अरेस्ट करने लग जाते हैं। पुलिस वाले सबसे पहले लिलित और लूसीफर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें गर्टी को अरेस्ट करवाना है, तो लिलित गर्टी को माफ कर देती है और बोलती है कि इसे अपने पति के साथ रहने दो। इसी कारण सारा इल्जाम विली पे लग जाता है। यहाँ जैक लूसीफर से मिलता है, जहाँ लूसीफर जैक को समझाता है कि तुम्हें अपनी वाइफ को थोड़ा टाइम देना चाहिए। जहाँ हमें पता चलता है कि शेरिन जैक को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाली थी क्योंकि इन दोनों के बीच में प्यार खत्म हो चुका था, लेकिन इस बार जैक ने हिम्मत करी और अपनी वाइफ को रोक लिया। वहीं दूसरी तरफ मेज लूसीफर से मिलती है और वो कहती है कि मैं इतना इमॉर्टल रह के परेशान हो चुकी हूँ, लो मैंने मेरे हाथ से रिंग निकाल दी। और लिलित अपनी सारी इमॉर्टलिटी इस रिंग के अंदर डाल देती है। लिलित यहाँ पे लूसीफर से अपने एहसान के बारे में बात करती है कि उसने अपने सारे बच्चे एक आर्मी की तरह लूसीफर को दिए थे। लूसीफर पूछता है कि आखिर तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या तुम्हारे लिए मैं महल बनवा दूं या तुम्हारे बच्चों को तुमसे मिलवाने के लिए लाऊं। तो लिलित कहती है कि मैं अपने बच्चों को अपने जैसा कभी नहीं बना सकती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे स्ट्रांग बने, उन्हें कोई घर से नहीं निकाल सके, ना उनका कोई फैमिली मेंबर हो ना ही उनका कोई घर हो। इसी कारण लिलित ने अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए लूसीफर के पास भेज दिया था। जिसके बाद में लिलित लूसीफर से वादा लेती है कि मेरे बच्चों को मेरे बारे में कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। जिसके बाद में डेविल ने अपना प्रॉमिस निभाया और लिलित से वो रिंग ले ली और उसे गुड बाय करके चला गया। यहाँ लूसीफर ट्रिक्सी को बताता है कि ये रिंग मुझे मेरे पुराने दोस्त के बारे में याद दिलाती है। यहाँ ट्रिक्सी ये सारी कहानी सुन के चली जाती है काफी खुशी खुशी और लिफ्ट में हमें दिखाई देती है मैजिकीन, जहाँ पे वो ट्रिक्सी को पैसे देती है और कहती है कि चलो स्टोरी सुनाना शुरू करो, यानी कि ये सारी प्लानिंग मैजिकीन की थी। उसे अपने राज के बारे में जानना था जो कि उसने ट्रिक्सी के थ्रू लूसीफर से उगलवा लिया था। यहाँ मेज को अब जब अपनी मॉम के बारे में पता चलता है कि लिलित अभी भी जिंदा है और अब वो इमॉर्टल नहीं रही है, तो उसे ढूंढते हुए एक घर में पहुंच जाती है। मैजिकीन जब अपनी माँ लिलित से मिलती है तो उसे कहती है कि आखिर आप हमें छोड़ के क्यों चली गई, ऐसा क्यों किया आपने। जहाँ लिलित कहती है कि मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, तुम चली जाओ। मेज फिर भी वहाँ से नहीं जाती और कहती है कि मैं बस आपसे मिलना चाहती थी। लिलित कहती है कि मुझे जो काम करना था वो मैंने कर दिया है, तुम सारे बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, देखो अपने आप को, तुम्हें किसकी जरूरत है, तुम अकेली सब कुछ कर सकती हो। जिसके बाद में मेज वहाँ बोलती है कि हाँ आप सच कह रही हैं, मैं अकेली काफी हूँ और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद में मेज वहाँ से चली जाती है। लेकिन गाइस आप लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में मेज इस चीज को लेके काफी ज्यादा इमोशनल हुई थी, आखिर वो डीमन हुई तो क्या हुआ, उसे भी तो लोगों की जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद में मेज के राज का पता चलने के बाद में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर के लास्ट टू लास्ट एपिसोड में जैसा कि हम सभी को पता है कि क्लोई के सामने अब ये रिवील हो चुका है कि वो गॉड का भेजा हुआ एक तोहफा है, जिसके बाद में अब वो लूसीफर से बात भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक गिफ्ट के रूप में आई है। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पे लूसीफर क्लोई को मनाने के लिए एक बीच पे लेके आया होता है, जहाँ पे क्लोई के सामने एक गिफ्ट रखा होता है। लूसीफर कहता है कि अपने हाथ से इस गिफ्ट को जला दो ताकि तुम इस गिल्ड से बाहर निकल पाओ कि तुम एक तोहफा नहीं हो। जिसके बाद में क्लोई कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर ये चीजें करूंगी तो मुझे तुम पे वापस बिलीव हो जाएगा, तुम अगर सच में मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो बस एक चीज करो। जहाँ क्लोई लूसीफर को कहती है कि मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, जहाँ लूसीफर क्लोई के जाने के बाद मन में कहता है कि वही तो मेरे पास में नहीं है। जहाँ लिंडा लूसीफर को समझा
समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लूसीफर बिना कुछ सुने नॉनस्टॉप बोलने लग जाता है कि मुझे क्लोई से रिलेटेड तुमसे कुछ बात करनी है। क्लोई मेरी बात मानने को ही तैयार नहीं है, मैंने उसे इतना समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को तोहफा मान रही है। तो अब आखिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, और मुझे ये भी पता है कि मुझे उसे टाइम देना चाहिए। यहाँ लिंडा एमिनेडिल बोलने ही वाली थी कि तभी लूसीफर बोलता है, अरे हाँ हाँ मुझे पता है कि एमिनेडिल हेल के अंदर है, मैं बस उसे छोड़ के आया था और मुझे जल्द ही वापस वहाँ पे जाना भी है। यहाँ पे पीछे खड़ा होता है एमिनेडिल जो कि हेल को छोड़ के अर्थ पे पहुँच चुका था, जिसके बाद में लूसीफर बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्यों आए हो, जबकि तुम्हें पता है कि हेल के हाल अभी कितने बुरे चल रहे हैं। जहाँ एमिनेडिल कहता है कि एक दिन मेरे कानों में आवाज आई, जहाँ लूसीफर पूछता है कि बताओ तुम्हें किसकी आवाज आई, जहाँ एमिनेडिल कहता है कि मेरे पास में फादर की आवाज आई, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि हेल को किसी की भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद तो लूसीफर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैंने सदियां बिता दी हेल को संभालने के लिए, तुम वहाँ पे सिर्फ एक दिन रहे और उसके बाद तुम्हारे पास में फादर आके बोलते हैं कि हेल को किसी की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो पहले ही क्लोई मान नहीं रही है, दूसरी चीज तुम मेरे जले पे नमक भी छिड़क रहे हो। यहाँ लूसीफर और एमिनेडिल के बीच ये भी बात होती है कि क्लोई को सब कुछ पता चल चुका है कि वो एक तोहफा है। जो एमिनेडिल पूछता है कि कहीं उसे ये तो पता नहीं चला कि उस तोहफे का जरिया मैं ही हूँ, तो लूसीफर कहता है कि क्लोई को अभी तक ये तो पता नहीं चला है। तो ये सुनने के बाद उसे संभलने में बहुत टाइम लग गया। यहाँ हम देखते हैं कि मैजिकीन अपनी मॉम से मिलके आने के बाद में बहुत गुस्सा थी। यहाँ पे लिंडा मेस को बोलने की कोशिश करती है कि जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, उन्होंने जान करके अपने बच्चों को नहीं छोड़ा होगा, जिसके बाद में मेस लिंडा के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो। जहाँ लिंडा कहती है कि मैं ये बातें समझ सकती हूँ। मेस को कुछ समझ में नहीं आता कि लिंडा आखिर ये लाइन क्यों बोल रही है, जिसके बाद में लिंडा कहती है कि आज से काफी सालों पहले जब मैं 17 साल की थी तो मुझे एक बच्ची हुई थी। मेस पूछती है कि वो बच्ची अब कहाँ है, जिसके बाद में लिंडा कहती है कि मैंने उसे छोड़ दिया, यानी कि लिंडा ने भी वही किया था जो कि मेज ने उसके मॉम के साथ किया था। मेज बिना कुछ सुने लिंडा के ऑफिस से चली जाती है। यहाँ क्लोई से पुलिस स्टेशन में आके एमिनेडिल मिलता है और क्लोई को कहता है कि क्या तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है, तो क्लोई कहती है कि वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जो एमिनेडिल बोलता है कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। और तभी यहाँ पे क्लोई के पास में इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी का मर्डर हुआ है, जहाँ पे एला और क्लोई हमें दिखाए जाते हैं एक चर्च में। एला यहाँ पे बताती है कि विक्टिम का नाम विक्टोरिया है, जिसके साथ में जोर जबरदस्ती हुई है, और इसी के साथ इसके गले पे बने निशान बता रहे हैं कि इसके गले में जरूर कुछ पहना हुआ होगा। आखिर नन के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। लेकिन इस समय तक क्लोई की गॉड से बिल्कुल नहीं बन रही थी, इसी कारण क्लोई जब वहाँ पे खड़ी नन से पूछने के लिए जाती है कि क्या आप लोग विक्टोरिया के बारे में जानते हैं, तब वहाँ पे एक नन क्लोई को कुछ बताने वाली थी कि तभी दूसरी नन आके बात को पलट देती है और कहती है कि विक्टोरिया बहुत अच्छी लड़की थी, उसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ क्लोई गॉड के ऊपर तो भड़की हुई थी, इसी कारण बोल देती है कि ये सब कुछ गॉड ने ही तो किया है। एला क्लोई को साइड में लेके जाती है और बोलती है कि तुम इन सब लोगों के सामने ऐसा नहीं बोल सकती हो। जहाँ क्लोई कहती है कि मैं बिल्कुल सही तो बोल रही हूँ, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। जहाँ एला कहती है कि शायद हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो कि नन से बात कर सके, जिसके बाद में क्लोई को ख्याल आता है एंजल ब्रदर्स का। यहाँ क्लोई जब लूसीफर और एमिनेडिल को याद कर ही रही थी और सोचती है कि शायद उन्हें इस केस पे काम करना चाहिए कि तभी वहाँ एमिनेडिल पहुँच जाता है और क्लोई एमिनेडिल को सारे केस के बारे में बताती है और कहती है कि शायद तुम इस केस पे मेरी मदद कर सकते हो, तुम यहाँ पे किसी से बात कर सकते हो। तब एमिनेडिल क्लोई को कहता है कि मैं अभी टाइम को नहीं रोक पाता हूँ। क्लोई ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाती है कि क्या तुम टाइम को रोक सकते हो, और इसी के साथ में क्लोई एमिनेडिल को ये भी कहती है कि तुम्हारे भाई के पास में पावर है, यानी कि लूसीफर किसी की भी आंखों में देख के उसकी ख्वाहिश को पता कर सकता है, तो क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। यहाँ देखते ही देखते हमें पता चलता है कि सारी नन्स एमिनेडिल की तरफ अट्रैक्ट होने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है लिंडा के ऑफिस में, जहाँ हम देखते हैं कि मेज भड़क के गई थी, लेकिन वो अब फिर से लिंडा के पास में आ चुकी थी। यहाँ वो शांति से बैठी थी और लिंडा की सारी बात सुन रही थी। लिंडा बताती है कि वो एज मेरी नहीं थी कि मैं एक बच्ची को संभाल सकूं। मैं हॉस्पिटल में बच्ची पैदा करने के टाइम तक भी ये नहीं समझ पाई थी कि ये सब कुछ रियल है, लेकिन जब वो बच्ची मेरे पास आ गई तब मुझे इस चीज के बारे में पता चला। जब हॉस्पिटल में नर्स नहीं थी तो मैं उसी टाइम पे चली गई, तो मेज कहती है उस बच्ची का क्या। तो लिंडा कहती है कि मैं उस बच्ची को वहीं छोड़ आई क्योंकि मुझमें हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे किसी को दे सकूं। ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब मैंने उसके बारे में नहीं सोचा हो। वो कैसी होगी, कहाँ होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेज कहती है कि तुम्हारी बेटी जहाँ भी है वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनते ही लिंडा के कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलती है क्या इसका मतलब है कि मेज ने लिंडा की बेटी के बारे में पता लगा लिया था। वहीं क्लोई और एमिनेडिल बैठ जाते हैं सारी नन से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन यहाँ जितनी भी नन्स थी वो एमिनेडिल की आंखों में देख के खो चुकी थी। वो कुछ भी बोलती लेकिन उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ एमिनेडिल के लिए तारीफ ही निकलती। इसी कारण क्लोई चली जाती है वहाँ से और एमिनेडिल अपना काम कंटिन्यू रखता है। बाहर आके वो क्लोई को बताता है कि मुझे कुछ तो पता चल ही गया है इन बातों से, यानी कि यहाँ पे एक सीनियर नन है जिसका नाम
एंजेलिका है, आज से काफी सालों पहले उसने किसी का मर्डर किया था जिसके बाद में वो इस चर्च में आ गई, जिसके बाद में क्लोई कहती है कि शायद अब हमें एंजेलिका से मिलना ही पड़ेगा। और तब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ नन के साथ में एंजेलिका भी पहुंच जाती है और वो एमेनेडिल और क्लोई को कहती है कि मैं खुद से सरेंडर करती हूँ। दूसरी तरफ लूसीफर और डैन एक साथ में बैठे थे, जहाँ डैन बोलता है कि अगर तुम्हें क्लोई की मदद ही करनी है तो इन फाइल्स को अच्छी तरीके से रीड करो तो शायद तुम्हें कोई ना कोई हिंट जरूर मिल जाएगा। जिसके बाद में लूसीफर का कहना था कि मुझे सिर्फ स्मार्ट वर्क करना आता है, हार्ड वर्क करने के लिए तो तुम बने ही हो ना। और तभी यहाँ पे पहुंच जाता है एमेनेडिल, जिससे कि लूसीफर को पता चलता है कि क्लोई का पार्टनर चेंज हो चुका है, यानी कि एमेनेडिल क्लोई के केस में मदद कर रहा है। इसी के साथ इन दोनों भाइयों में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि कहीं क्लोई को अब ये तो नहीं पता चल गया कि वो एमेनेडिल ही था। जिसके बाद में एमेनेडिल लूसीफर को यही कहता है कि देखो भाई, मेरे पास में भी बहुत सारे काम है, मैं क्लोई के पास गया था और उसे मेरी जरूरत थी, इसी कारण मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। यहाँ इन्वेस्टिगेशन रूम में एंजेलिका नन बैठी थी, जिससे एमेनेडिल और क्लोई पूछते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। जो एंजेलिका बताती है कि जब मैं 17 साल की थी तो मैंने खुद के डिफेंस के लिए एक आदमी को मार दिया था, मुझे कोई पकड़ ना पाए, इसी कारण मैं सिटी में भाग के आ गई और तब से मैं इस चर्च के अंडर ही हूँ, यानी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस चर्च को ही दे दी है। एंजेलिका यहाँ पे एमेनेडिल की आंखों में आंखें डाल के उसे कहती है कि अब मैं समझ गई कि सारी नन तुमसे बात करना क्यों चाहती थी, तुम्हारे आसपास रहने से ऐसा लगता है कि जैसे हम गॉड के और नजदीक आ चुके हैं। जिसके बाद में क्लोई कहती है कि आपने विक्टोरिया को क्यों मारा। यहाँ एंजेलिका बताती है कि मैंने अपनी सारी कहानी विक्टोरिया को भी बताई थी, उसके बाद में विक्टोरिया मेरी बातों से काफी ज्यादा कनेक्ट हुई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है और मुझे मेरे गॉड पे भी पूरा विश्वास है। अगर आप लोग मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं तो शायद मेरे गॉड यही चाहते होंगे मेरे लिए, तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद में क्लोई को समझ में आ चुका था कि शायद एंजेलिका ने विक्टोरिया को नहीं मारा है। वहीं दूसरी तरफ जब डैन और लूसीफर एक साथ खड़े थे कि तभी डैन को यहाँ पे विक्टोरिया की कॉल लिस्ट मिल जाती है, जहाँ पे एक ही नंबर फ्रीक्वेंटली बार बार दिख रहा था, यानी कि मौत से एक दिन पहले भी उस नंबर से कॉल आए थे लेकिन विक्टोरिया ने उस नंबर को नहीं उठाया था। जब लूसीफर उस नंबर को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो डेस्टिनी पेज का नंबर है, जो कि एक रॉक स्टार है और वो ही भगवान की बहुत सारी गाने भी गाती है। डैन कहता है कि ये बात तो मुझे जल्द ही बतानी पड़ेगी क्लोई को। यहाँ क्लोई को जब ये बात पता चलती है तो वो एंजेलिका से डेस्टिनी पेज के बारे में पूछती है, जहाँ एंजेलिका बताती है कि शायद डेस्टिनी पेज के बारे में तो सिर्फ मुझे ही पता था, लेकिन और किसी को पता हो सकता था, ये बात मुझे नहीं पता थी। वो हमारे चर्च को खरीदना चाहती थी, जिसके बाद में हम लोगों ने उसे मना कर दिया था। तो अब एमेनेडिल और क्लोई के पास में नई सस्पेक्ट थी डेस्टिनी पेज। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है लिंडा और मेज पे, जहाँ मेज लिंडा को एक लड़की के घर पे लेके आई थी, यानी कि वो थी लिंडा की पहली बेटी जिसका नाम था एंड्रियाना। लिंडा कहती है कि उसके जन्म से पहले ही मैं उसके बारे में सोचने लग गई थी कि मैं उसका क्या नाम रखूंगी। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहाँ से एक काफी बड़ी लड़की निकल के आती है। लिंडा उसे देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल वैसी लगती हो। यहाँ मेज बात संभालती है, जिसके बाद लिंडा कहती है कि पोस्टर जैसी लगती हो, तुम बहुत ही सुंदर हो। लिंडा खुद के इमोशंस पे काबू नहीं रख पा रही थी, इसलिए कुछ भी बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ मेज एंड्रियाना को बातों ही बातों में कहने की कोशिश करती है कि तुम एक अडॉप्टेड बेबी हो और शायद तुम्हें अपनी मॉम के बारे में जानना चाहिए। जहां लिंडा मेज को साइड में लेके जाती है और कहती है कि मैं ललित नहीं हूं, तुम्हें अगर अपनी मॉम से कोई बात करनी है तो जाके खुद करो, इस मैटर में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। अब जब यहाँ पे एमेनेडिल ने एक सस्पेक्ट और निकाल लिया था तो लूसीफर को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और लूसीफर कहता है कि तुम चाहे कैसे भी केस पे काम करो, लेकिन मैंने आज तक किसी भी नन को अरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया है। जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और इनके मुंह से निकल जाता है कि क्लोई को गिफ्ट के रूप में मैंने ही भेजा था, और ये बात सुन लेती है पीछे खड़ी हुई क्लोई। जिसके बाद में दोनों एंजल ब्रदर्स को ले आया जाता है इन्वेस्टिगेशन रूम में। यहाँ क्लोई दोनों से पूछती है कि आखिर मैं आई कैसे हूँ। जिसके बाद में एमेनेडिल सारी बात बताता है कि आज से काफी सालों पहले तुम्हारे मॉम और डैड एक बच्चे की ख्वाहिश कर रहे थे और मुझे डैड ने भेजा था तुम्हारी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। जब मैं तुम्हारी मॉम से मिलके गया, उसके कुछ टाइम बाद में ही तुम हो गई थी। क्लोई यहाँ पे शांति से बैठती है और एमेनेडिल से पूछती है कि क्या तुम मेरे डैड हो। जिसके बाद में लूसीफर और एमेनेडिल काफी ज्यादा हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स की ही लड़की हो। जिसके बाद में क्लोई के मन में और एक्साइटमेंट आ जाती है और वो पूछती है कि क्या मेरे अंदर भी कोई पावर्स है, यानी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जहाँ एमेनेडिल और लूसीफर बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब था कि क्लोई एक नॉर्मल सी इंसान है। और क्लोई ये बात अपने मुंह से कह देती है कि ये बात मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है डेस्टिनी पेज की तरफ, जो कि एक पॉप स्टार थी और अपने ही एक कॉन्सर्ट के लिए तैयारी कर रही थी। तभी यहाँ पे क्लोई आती है और डेस्टिनी पेज से मिलने के लिए कहती है, लेकिन डेस्टिनी पेज का एक गार्ड था जिसका नाम हैंक था, वो क्लोई को अंदर जाने नहीं देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास वारंट नहीं है तो शायद तुम्हें नहीं आना चाहिए। इस टाइम वो अपनी प्रेयर कर रही है। तभी यहाँ पे एमेनेडिल बिना किसी से पूछे डेस्टिनी पेज के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पे डेस्टिनी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इसी कारण उसका बॉडीगार्ड
पर्वत हैंक आ जाता है और वो एमिनेडील और क्लोई को बाहर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन एमिनेडील में तो काफी ज्यादा पावर थी, इसी कारण हैंक साइड में हो जाता है। तब क्लोई यहाँ पे डेस्टिनी से पूछती है कि आखिर तुम विक्टोरिया को कैसे जानती हो, और इसी के साथ में डेस्टिनी को ये भी पता चलता है कि विक्टोरिया मारी गई है। यहाँ पे डेस्टिनी सारी बात बताती है कि मैं उस चर्च को खरीदना चाहती थी, लेकिन जब चर्च के लोगों ने चर्च को बेचने से मना किया तो मैंने विक्टोरिया को भेजा। विक्टोरिया तो मेरी असिस्टेंट और मैं उसे बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन जब से वो वहाँ गई तब से वो उसी जगह की हो गई, यानी कि उसे वहाँ रहना बहुत पसंद था। मैंने उसे बुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो वापस से इस दुनिया में नहीं आना चाहती थी। जिसके बाद में क्लोई डेस्टिनी को कहती है कि अपनी बेगुनाही का सबूत दो, आखिर तुम कल मॉर्निंग में कहाँ थी। जहाँ पे डेस्टिनी बताती है कि मैं मेरी योगा क्लास में थी और इसी के साथ मुझे एक बैच भी मिला था, लेकिन वो कुछ बकरियों ने खा लिया था। और अब डैन को लगा दिया जाता है इस काम के लिए, यानी कि उसे डेस्टिनी का मेडल ढूंढना था। दूसरी तरफ हम लोग मेस को देखते हैं जो कि खुद के मॉम लिलिथ से मिलने के लिए वापस उनके पास पहुंचती है, जहां मेस को पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद में मेस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे कुछ देर यहाँ पे रुकने दीजिए। वो हर चीज को देख के इमोशनल थी, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे। उसे आखिरकार जब अपनी मॉम मिल गई थी तो मेस को लिलिथ के साथ में रहना था, लेकिन उसे वो टाइम नहीं मिल पाया। गुस्से में आने के कारण वो वहीं पे एक तस्वीर भी तोड़ देती है। यहाँ दूसरी तरफ लूसीफर एक ट्रेनर से बात करने लगता है और बातों ही बातों में लूसीफर और डैन को एक हिंट मिल जाता है, जिसके बाद में ये दोनों भागते हुए पहुंचते हैं एमिनेडील और क्लोई के पास में और बताते हैं कि विक्टोरिया के गले में एक रिंग थी और वो रिंग थी एंगेजमेंट रिंग, और वही वजह थी कि विक्टोरिया के गले में निशान पड़े थे। अब जब ये बात हो ही रही थी कि तभी इस टाइम पे एक नन पहुंचती है जो कि एमिनेडील से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एमिनेडील यहाँ पे इस नन को मोटिवेट करता है कि तुम्हारे मन के अंदर जो भी बात है वो सब कुछ बता दो। सभी को लग रहा था कि ये नन विक्टोरिया से रिलेटेड केस के बारे में बताएगी, लेकिन ये नन तो एमिनेडील से अट्रैक्ट होकर पहुंची थी जो कि एमिनेडील के क्लोज आ चुकी थी। एमिनेडील उसे अपने से दूर करता है और उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, जहाँ पे नन कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं आखिर क्या कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं गॉड के और ज्यादा पास आ चुकी हूँ। जहाँ एमिनेडील कहता है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना प्यार मेरे जरिए गॉड को जता रही है। जिसके बाद में नन कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यही कहना चाहती थी। इसी के साथ में एमिनेडील पूछता है कि क्या विक्टोरिया के बारे में और कुछ जानती है, कि क्या वो किसी से मिला करती थी या उन्होंने कुछ बात कही हो। ये नन कहती है कि मुझे विक्टोरिया के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो एक ऐसे कमरे के बारे में कहती थी जिसके अंदर वो काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ क्लोई और लूसीफर मिलकर इस बात को सुलझा लेते हैं कि शायद ये वही कमरा होगा जहाँ पे विक्टोरिया अपनी फियांसे से मिलती होगी। यहाँ पे लूसीफर अभी भी क्लोई को कुछ बातें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्लोई कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। जिसके बाद में अब एमिनेडील और क्लोई पहुंच जाते हैं उसी सीक्रेट रूम को ढूंढने के लिए। क्लोई ने पहले ही इस चर्च के ब्लूप्रिंट्स मंगा लिए थे क्योंकि उसे पता था कि डेस्टिनी पेज इस चर्च को खरीदने वाली है, तो शायद सारे के सारे रूम्स के बारे में उसे पता होगा। और विक्टोरिया जब यहाँ पे थी उन पेजेस को लेके, तो उसे भी इस रूम के बारे में पता ही होगा। यहाँ एमिनेडील क्लोई को कहता है कि हम आखिर यहाँ पे ढूंढ क्या रहे हैं। जहाँ क्लोई कहती है कि कोई ऐसी चीज जो कि चर्च में नहीं होनी चाहिए, शायद वो ही हमें मर्डरर तक पहुँचा दे। जिसके बाद में इन्हें एक कप दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स थे। क्लोई उस कप को उठाने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे पहुँच जाता है हैंक। गाइस, ये है डेस्टिनी पेज का बॉडीगार्ड। और अब सारी चीज क्लियर हो चुकी थी। यहाँ क्लोई कहती है कि इसका मतलब है कि विक्टोरिया तुम्हारी फियांसे थी। हैंक कहता है कि मैं विक्टोरिया को बहुत प्यार करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने मुझसे बात करनी छोड़ दी थी, उसे बस यही जगह पसंद थी। क्लोई हैंक को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके बाद में एमिनेडील हैंक के सामने आ जाता है और हैंक कहता है कि अच्छा हुआ जो पहले तुम सामने आ गए। और हैंक यहाँ पे बिना सोचे समझे एमिनेडील के ऊपर गन चला देता है, लेकिन एमिनेडील तो इमॉर्टल है, एमिनेडील को कुछ भी नहीं होता है, यानी कि एक गन भी नहीं लगती है। और वो कहता है कि तुम्हें बस गॉड में आस्था होनी चाहिए, उसके बाद तुम्हें किसी चीज से भी नहीं डरना चाहिए। हैंक कहता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, तुम्हें एक भी गन नहीं लग रही है, तुम आखिर हो कौन। जिसके बाद में एमिनेडील अपने एंजल विंग्स ओपन कर देता है। ये चीज देख के तो क्लोई भी डर जाती है। जिसके बाद में अब पूरी पुलिस टीम आ चुकी थी और हैंक को अरेस्ट कर लिया गया था। वहीं पे क्लोई कहती है कि तुमने अपने एंजल विंग्स कैसे दिखाए, वो भी एक इंसान को। तो एमिनेडील बोलता है कि हम एंजल्स को ये चीज दिखाना इंसानों के लिए मना है, लेकिन फिर भी शायद इसे दिखाने जरूरी थे। और इसी के साथ में एमिनेडील क्लोई से सारी बात करता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। असल के अंदर तुम भगवान का दिया हुआ तोहफा नहीं हो, क्योंकि एक तुम ही हो जो कि लूसीफर की असली फीलिंग्स को जानती हो। क्यों? क्योंकि लूसीफर एक ऐसा इंसान है जिससे कि हर इंसान अट्रैक्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि लूसीफर लोगों की ख्वाहिशें जान सकता है। सिर्फ एक तुम ही हो जिससे कि लूसीफर अपनी ख्वाहिश नहीं उगलवा सकता है। जिसके बाद में क्लोई भी ये बात समझ जाती है, यानी कि क्लोई के मन में अब कोई डाउट नहीं था कि वो एक गिफ्ट है या फिर उसे सिर्फ लूसीफर के लिए भेजा गया है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि लिंडा के पास मेज आई थी एक फॉर्म लेके। ये फॉर्म इसलिए था ताकि कोई भी बच्चा अगर अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहे तो वो डिटेल से ढूंढ सकता है। जहाँ मेज लिंडा के इस एफर्ट से काफी खुश थी। वो कहती है कि चाहे एंड्रियाना भले ही मुझे ढूंढना नहीं चाहे, लेकिन पहल
तो हमें ही करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ लिंडा मेज को ये भी कहती है कि तुम अपनी मॉम से मिल के आई हो तो आखिर बताओ बात क्या हुई, जिसके बाद मेज लिंडा को ये कहती है कि मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही है, इसी कारण लिंडा मेज को संभालती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है लक्स में, जहां लूसीफर अकेला बैठा था और उसी का साथ देने के लिए पहुंच गई थी क्लोई। वो लूसीफर को कहती है कि मुझे हर बात पता चल चुकी है, यानी कि तुम मेरे सामने कमजोर नहीं पड़ते हो बल्कि तुम कमजोर बन जाते हो। लूसीफर कहता है कि ये बात आज से पहले मैंने क्यों नहीं सोची। लूसीफर खुद को कमजोर मानता है, इसी कारण वो क्लोई के सामने रहते हुए कमजोर हो जाता है, जिसके बाद में क्लोई लूसीफर को कहती है कि अगर तुम कमजोर फील करते हो मेरे होने के कारण तो मैं भी कमजोर फील करना चाहती हूँ, जिसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर के लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि कैसे क्लोई और लूसीफर काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे, तो क्या अब उनकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, ये सारी चीजें हमें इस एपिसोड में पता चलने वाली है। और इसी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक कपल काफी ज्यादा क्लोज आ रखा था और यहाँ पर एक डीजे नाइट चल रही थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सभी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे एक डीजे था जिसने हेडफोन्स लगा रखे थे, देखते ही देखते उन हेडफोन्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और डीजे वहीं पे मर जाता है, जिसके बाद में एला कॉल करके लूसीफर और क्लोई को यहीं क्राइम सीन पे बुलाती है, यानी कि ये दोनों उखड़े उखड़े से क्राइम सीन पे पहुंचते हैं क्योंकि इन दोनों का मूवमेंट होने वाला था लेकिन कोई केस आ गया। जिसके बाद में एला विक्टिम के बारे में बताती है कि विक्टिम का नाम मैट है, जो कि एक बहुत बड़ा डीजे स्टार है। इसी के साथ में क्लोई यहाँ पे सारे सिस्टम को देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि तार काटे गए हैं और ये एक सोचा समझा मर्डर है। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है एमिनेडील और लिंडा पे, जहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली काफी ज्यादा रो रहा है। इसी के साथ में मेज आती है लिंडा से मिलने के लिए, यहाँ लिंडा को मेज का एक अपॉइंटमेंट लेना था लेकिन लिंडा का ध्यान पूरी तरीके से अपने बच्चे पे था, इसी कारण लिंडा मेज को बस यही कह के जाती है कि तुम्हें खुद को चांस देना पड़ेगा और तुम्हें लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके तुम खुद को शांत कर सकती हो। यहाँ हम देखते हैं कि एला से आके एक लड़का मिलता है जिसका नाम पीट था, वो खुद को एक रिपोर्टर बताता है और एला से खुफिया जानकारी लेने की कोशिश करता है। एला हालांकि पीट को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है और इसी के साथ ये भी मना कर देती है कि मैं अभी कोई डेट नहीं करना चाहती हूँ। लूसीफर आके एला को कहता है कि तुम्हें खुद को चांस देना चाहिए और वैसे भी ये बहुत स्मार्ट लड़का है। यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी क्राइम सीन पे था और उसके आसपास बहुत सारी पब्लिक थी, इस लड़के का नाम जेट था। क्लोई जब जेट से आके मिलती है तो उसे बहुत अच्छे से खिलखिला के बातें करने लगती है। दूर खड़ा लूसीफर जब ये चीज देखता है तो उसे पता चलता है कि क्लोई और जेट काफी पुराने दोस्त हैं, या फिर कहें तो दोस्त से भी बढ़कर, जिसके बाद में लूसीफर को होने लग जाती है जेलसी। यहाँ जब क्लोई जेट को बताती है कि मैट के हेडफोन से उसकी डेथ हुई है तो जेट कहता है कि वो हेडफोन्स तो मेरे थे और मैट ने कल इवेंट के अंदर जाने से पहले मुझसे वो मांगे थे, यानी कि क्लोई का कहना था कि कोई जेट के पीछे पड़ा है और जेट को मारने की प्लानिंग बनाई गई थी लेकिन बेवजह मैट यहाँ पे मारा गया। इसी कारण क्लोई जेट को बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, जहाँ लूसीफर बीच में कूद पड़ता और बोलता है कि ठीक है इसे तो मैं अपने साथ ले चलूंगा, ये मेरे साथ बिल्कुल सेफ रहेगा। यहाँ जब सभी लोग पुलिस स्टेशन में थे तो डैन और लूसीफर की अच्छी खासी बन रही थी, क्योंकि डैन का कहना था कि जेट से तो उसकी भी नहीं बनती थी क्योंकि क्लोई उसे बहुत पसंद करती थी और हमारी शादी से कुछ टाइम पहले ही क्लोई और जेट का ब्रेकअप हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि मेज एला के पास पहुँचती है, जो कि उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना अच्छा बनने का बिहेव कैसे कर पाती हो। वहीं दूसरी तरफ जेट से लूसीफर और क्लोई को पता चला था कि एक आदमी है जो कि काफी दिनों से उन्हें परेशान कर रहा है और जेट के ऑफिस के बाहर इन लोगों ने काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है, इसी कारण लूसीफर और क्लोई इसी आदमी से मिलने के लिए पहुंचे थे जो कि एक मार्च लगाए हुए था। यहाँ पे क्लोई को पता चल चुका था कि यहाँ जितने भी लोगों को बुलाया गया है उन्हें पैसे देके बुलाया गया है, इसी कारण वो उस आदमी को कहते हैं कि आखिर तुम जेट के पीछे क्यों पड़े हो, जहाँ पे ये आदमी बोलता है कि इसने जब से अपना ऑफिस बनाया है यहाँ पे मेरा काम ठप हो चुका है, यहाँ पे मुझसे कोई प्रॉपर्टी ले ही नहीं रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोकेशन और ज्यादा बर्बाद हो, बल्कि यहाँ तो मैंने जेट के ऑफिस में एक लड़की को भी घुसते हुए देखा था। यहाँ लूसीफर और क्लोई कहते हैं कि अगर कोई लड़की घुसी है और वो वहाँ से बाहर निकली है तो जरूर जेट से उसका कुछ लेना देना होगा। इधर ये दोनों जेट के ऑफिस में जाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ से ये दोनों एक दूसरे को पूछते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो ना। इसका मतलब अब साफ साफ था कि जेट के ऑफिस में बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि लूसीफर तो यही सोच रहा था कि जरूर जेट ने ही एक पब्लिसिटी स्टंट किया होगा। इधर क्लोई का ध्यान एक टूटे हुए टुकड़े पे जाता है और वो कहती है कि अगर कोई लड़की यहाँ से बाहर निकली है तो जरूर उसके फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ पे आ चुके होंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि एमिनेडील और डैन एक साथ में बैठे थे, जहाँ एमिनेडील डैन से पूछता है कि आखिर बच्चों को कैसे संभाला जा सकता है और इसी के साथ ही एक दोनों की बहुत तारीफ करते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। दूसरी तरफ क्लोई और लूसीफर को फिंगरप्रिंट्स मिल चुके थे जो कि एक बेलिंडा नाम की लड़की के थे, ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी और यहाँ पे अभी भी एक फोटोग्राफी कर ही रही थी। बेलिंडा यहाँ पे बताती है कि जेड एक नंबर का चोर है, उसने मेरे एनिमल्स के साउंड को अपने गाने में यूज किया है जिसका
उसने मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया है। मैं उसके ऑफिस में जाके माइक्रोफोन्स लगाने वाली थी और मैंने लगा भी लिए थे ताकि मैं सबको साबित कर पाऊँ कि जो साउंड उसने यूज किया है उसकी क्रिएटर मैं हूँ। यहाँ पे लूसीफर और क्लोई जब पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं तो जेड बोलता है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ और मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जा रहा है। इसी कारण लूसीफर जेड को बोलता है कि चलो फिर तुम्हें मैं अपने साथ ले चलता हूँ, यानी कि वन एंड ओनली द लक्स में, जहाँ जेड इस घर को देख के बहुत ही खुश था। और इसी के साथ में लूसीफर जेड से ये भी पूछता है कि तुम्हारा क्लोई के साथ में रिलेशनशिप कैसा था, जहाँ लूसीफर को पता चलता है कि क्लोई ने जेड को छोड़ा था। इसी कारण लूसीफर जेड के पीछे पड़ जाता है कि मुझे रीजन बताओ कि आखिर तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, ताकि मैं वो गलतियां वापस से ना दोहराऊं। इधर सीन शिफ्ट हो जाता है एला की लैब में, जहाँ पे ये लोग उन माइक्रोफोन्स की आवाजें सुन रहे थे जो बेलिंडा ने जेड के ऑफिस में लगाई थी। यहाँ पे एला को एक आवाज आती है जो कि वो क्लोई को बताती है कि ये आवाज हियरिंग एड की है और मैं इस आवाज को अच्छी तरीके से जानती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी दादी भी बिल्कुल बहरी थी और उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता था, इसी कारण वो हियरिंग एड पहनती थी और ये आवाज जरूर उसी की है। यहाँ दूसरी तरफ जेड लूसीफर को बताता है कि क्लोई को बस मिस्ट्रीज पसंद है, अगर उसकी मिस्ट्री सॉल्व हो गई तो उसका लड़कों में से इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद में जेड कहता है कि मैंने क्लोई को बहुत ज्यादा प्यार कर लिया, इसी कारण एक टाइम के बाद उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। और अब लूसीफर कहता है कि मुझे भी फिर अपनी मिस्ट्री बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो कल को क्लोई का मुझ में से भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वही हम लोग देखते हैं कि मेज को, जो कि बिल्कुल एला की तरह ड्रेस अप करके पहुंची होती है, हालांकि मेज अपने हमेशा वाले कॉस्ट्यूम में ज्यादा अच्छी लगती है, यानी कि लेदर सूट में। वही दूसरी तरफ क्लोई और एला मिलकर एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिसके अंदर जेड को एज अ गेस्ट बुलाया गया था ताकि वहाँ पे मर्डरर वापस से जेड को मारने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ एमिनेडेल डैन को कॉल करके बुलाता है, जहाँ पे डैन को आने से पता चलता है कि चार्ली काफी ज्यादा रो रहा है और यहाँ पे लिंडा भी नहीं है, तो आखिर लिंडा कहाँ गई होगी। और सीन शिफ्ट हो जाता है लक्स की पार्टी के अंदर, जहाँ पे लिंडा, मेज, क्लोई और एला सभी लोग थे। इन सभी को मर्डरर को ढूंढना था, यानी कि जिसने इयररिंग एट को पहना हो। वहीं दूसरी तरफ एमिनेडेल के घर पे डैन तो था ही, और अब यहाँ पे लूसीफर अपने साथ में जेड को भी ले आया था। पार्टी में एला यहाँ पे सभी के कानों को चेक कर रही थी ताकि किसी को भी इयररिंग एट मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मेज किसी लड़की के साथ में क्लोजनेस बढ़ा रही थी ताकि उसे कोई पार्टनर मिल सके। इस लड़की का नाम कैरन था। यहाँ पे काफी मेहनत के बाद में डैन ने चार्ली को सुला दिया था। वहीं पे दूसरी तरफ एला और मेज पार्टी के अंदर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये अपने काम से भटक जाते हैं। इधर जब लिंडा क्लोई से बात करती है तो क्लोई पूछती है कि लूसीफर न जाने कैसा बिहेव कर रहा है, जिसके बाद में लिंडा क्लोई को कहती है कि वो इस अर्थ का नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी का सबसे पुराना और मैच्योर इंसान है, तो शायद उसे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जेड लूसीफर को चकमा देके भाग गया था, जहाँ डैन कहता है कि मैं उसे बाहर तक ढूंढ के आता हूँ। वहीं लूसीफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिर जेड ने मेरे साथ क्यों किया, जहाँ पे गुस्सा आने के कारण लूसीफर पूरी तरीके से डेविल में बदल जाता है। यहाँ एमिनेडेल की गोद में चार्ली था, जो कि लूसीफर का डेविल फेस देखते ही चुप हो जाता है। और ये बात एमिनेडेल लूसीफर को फिर से कहता है कि जरा फिर से अपना वही फेस बनाना, तो और चार्ली इस फेस को देख के हंसने लग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जेड लक्स में पहुंच गया था इसी पार्टी का गेस्ट बनने के लिए, और वो वहाँ पे क्लोई के लिए एक परफॉर्मेंस देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सभी को लगा था कि शायद यहाँ पे मर्डरर है ही नहीं, क्योंकि एक लड़की की नाम की आईडी थी और किसी भी लड़की ने यहाँ पे इयररिंग एट नहीं पहन रखा है। तभी यहाँ पे एला को कैरन के जेस्चर कुछ अच्छे नहीं लगते हैं, और तभी यहाँ पे मेज कैरन के ऊपर कूद पड़ती है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि कैरन तो बस एक पिक्चर क्लिक करवाने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़का जेड के ऊपर गन तान देता है। इस लड़के का नाम रॉन था, जो कि कैरन का हस्बैंड था। वो जेड को कहता है कि मेरी वाइफ तुमसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार करती ही नहीं है। तो जेड कहता है कि मेरे बहुत सारे फैंस हैं, अब इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन नहीं करता है। जिसके बाद में क्लोई जेड को समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने आज इसे मार दिया तो शायद अपनी वाइफ को तुम कभी नहीं पा सकते हो। इधर रॉन का ध्यान भटकता है, तभी क्लोई जेड को कहती है कि यहाँ से हटो, कि तभी रॉन वापस से गन चलाने ही वाला था कि क्लोई उसे धक्का दे देती है और फाइनली रॉन पकड़ा जाता है। जिसके बाद में क्लोई जेड को बोलता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारा रीयूनियन इस तरीके से होगा। वहीं दूसरी तरफ पीट आके एला से मिलता है और इस बार एला उसे नहीं मना कर पाती है। इसी के साथ वो अपना फोन नंबर भी पीट को दे देती है। वहीं पे एला मेज को कहती है कि तुमने काफी अच्छा ट्राई किया, लेकिन तुम्हें किसी के भी जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे खुद हो तुम वैसे ही रहो, तभी तुम्हें लोग पसंद कर पाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ एमिनेडेल अब चार्ली को सुला चुका था, और तभी यहाँ पे डैन पहुँचता है, जहाँ पे लूसीफर और एमिनेडेल कहते हैं कि तुम अब जा सकते हो, हम बेबी चार्ली को सुला लेंगे। और डैन यहाँ पे जैसे ही जाने लगता है, और तभी यहाँ पे डैन को लूसीफर का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम अपनी कोई चीज घर में ही भूल गए हो। डैन जब पीछे मुड़ता है तभी यहाँ पे डैन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि एमिनेडेल के साथ लूसीफर खड़ा था, जिसका चेहरा पूरी तरीके से डेविलिश था और उसके हाथ में चार्ली भी था। ये बात डैन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो किसके ऊपर बिलीव करे। और ये कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि माइकल था, यानी कि लूसीफर का भाई फिर से आ चुका था और उसी ने डैन को कॉल करके
करके लूसीफर की सच्चाई बताने की कोशिश करी थी। यहाँ एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि क्लोई लूसीफर के घर पे पहुंची थी, जहाँ पे लूसीफर और क्लोई दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि शायद मैंने तुम पे शक किया। जहाँ लूसीफर क्लोई को कहता है कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, हम दोनों आज भी पार्टनर है। और जाने से पहले क्लोई वापस से लूसीफर के पास ही रुक जाती है और इन दोनों के बीच में पूरा सीन क्रिएट हो चुका था। और फाइनली ये टाइम था जब लूसीफर और क्लोई एक साथ में थे। इसी के साथ गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर का लास्ट एपिसोड हम सभी को पता है कि कैसे खत्म हुआ था, यानी कि लूसीफर और क्लोई एक साथ में थे, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सस्पेंस था, यानी कि डैन ने लूसीफर का डेविल फेस देख लिया था। तो आखिर अब डैन क्या करेगा और इसी के साथ लूसीफर और क्लोई का रिलेशनशिप कैसा जाएगा? तो चलिए फिर इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे लूसीफर की मॉर्निंग क्लोई के साथ में हुई थी। यहाँ पे दोनों बहुत खुश थे, जहाँ पे क्लोई ब्रेकफास्ट के बारे में पूछती है और इसी के साथ लूसीफर से हंसी मजाक में पूछती है कि बताओ तुम्हारे दिल की ख्वाहिश क्या है, जिसके बाद भी लूसीफर अपने मन की ख्वाहिश बोलने लगता है और क्लोई कहती है कि तुमने मुझसे मजाक किया है ना, और लूसीफर भी कहने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ये मजाक ही है। क्लोई के जाने के बाद लूसीफर को रियलाइज होता है कि क्लोई ऐसा कैसे कर सकती है, यानी कि वो डेविल की ख्वाहिश कैसे पता कर सकती है। इसी बड़े से कंफ्यूजन के साथ में और बहुत सारे सवालों के साथ वो पहुंच जाता है लिंडा के पास में और उसे कहता है कि कल रात में क्लोई के साथ में था और हमारे साथ रहने के बाद में मेरी पावर्स उसके अंदर चली गई है। यहाँ पे लिंडा समझ नहीं पाती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि कहीं वो उन सारी लड़कियों के साथ तो नहीं हुआ है जो कि लूसीफर के साथ सोई थी। तो लूसीफर और ज्यादा परेशान हो जाता है कि इसका मतलब हजारों लड़कियों से पूछना पड़ेगा। लेकिन लिंडा जब यही चीज लूसीफर के ऊपर ट्राई करती है तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्लोई ही ऐसी है जिससे लूसीफर सच में बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच है। यहाँ क्लोई जब क्राइम सीन पे पहुंचती है तो वहाँ उसे एला मिलती है और एला के पूछने पे क्लोई बता भी देती है कि लास्ट नाइट वो लूसीफर के साथ में थी। इसी के साथ में एला क्लोई को बताती है कि वो पीट को डेट कर रही है, पीट वही बंदा जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। यहाँ पूरी टीम अब एक विक्टिम के सामने बैठी थी और इस विक्टिम के बारे में एला बताती है कि लड़की का नाम डायन अलोना है जो कि एक ओपेरा सिंगर है। क्लोई देख के बताती है कि इसके वोकल कॉर्ड्स कटे हुए हैं, यानी कि ऐसा कौन कर सकता है। जहाँ लूसीफर कहता है कि जरूर कोई इसकी पावर्स चुराना चाहता है। लूसीफर के दिमाग में यही चल रहा था कि क्लोई ने उसकी पावर्स चुरा ली है, जिसके बाद में उसे बुलाया जाता है जिसने फर्स्ट टाइम बॉडी को देखा था। ये डायना का नेबर था जो कि बताता है कि यहाँ पे पूरी रात झगड़े की आवाजें आ रही थी, इतनी आवाजें कि मैंने मेरे हेडसेट के साउंड बढ़ा लिए, जिससे क्लोई कहती है कि इसका मतलब यहाँ पे कोई और भी है। लूसीफर क्लोई को कहता है कि जरा इसके मन की ख्वाहिश तो पता करके बताओ, जिसके बाद में लूसीफर सोचता है कि वो इस लड़के की ख्वाहिश पता कर लेगा, लेकिन लूसीफर ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता और अब तो लूसीफर बिल्कुल श्योर हो चुका था कि उसकी पावर्स चोरी हो चुकी है। यहाँ क्लोई इस लड़के से सारी चीजें पूछती है कि क्या तुम्हें कोई यहाँ से आता जाता हुआ दिखा। वहीं दूसरी तरफ लूसीफर हर एक इंसान पे ट्राई कर रहा था ताकि वो किसी से ख्वाहिश उगलवा सके, लेकिन लूसीफर का जादू किसी पे भी नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई जब लूसीफर से फिर से उसकी ख्वाहिश पूछती है तो क्लोई का जादू चल जाता है। जहाँ पे क्लोई तो इस बात से बहुत खुश थी कि वाओ उसके पास में पावर्स आ गई है, लेकिन लूसीफर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि एमेनाडील अपने घर पे बैठा था, जहाँ वो कहता है कि डैन के साथ मेरा एक मैच देखने का प्रोग्राम था, लेकिन जब डैन ने मुझे मना किया तो मेरे पास कोई काम ही नहीं बचा सिवाय चार्ली के अलावा। जहाँ मिस कहती है कि तुम पहले से कितना ज्यादा बदल गए हो, उस बच्चे को इतना ज्यादा पैम्पर करोगे तो वो बिगड़ जाएगा। और अब एमेनाडील समझ चुका था कि सच में उसके लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ क्लोई एला और लूसीफर बैठ के बात करते कि आज से सालों पहले ऐसा ही एक केस मिला था और उसके कुछ सालों बाद में सेम एक और ऐसा केस मिला था, लेकिन उन दोनों की मर्डर के अंदर काफी ज्यादा टाइम था, जिसके बाद में सेम पैटर्न से आज मर्डर हुआ है। यहाँ एला क्लोई को ये भी बताती है कि डायना का लास्ट अपॉइंटमेंट किसी मारियो नाम के बंदे का था। जब क्लोई इस मारियो नाम के बंदे की प्रोफाइल चेक करती है तो एक वोकल कोच निकलता है, लेकिन इसकी वेबसाइट पे इसकी फैमिली की पिक्चर भी थी। जहाँ पे ये सभी मिलके सोचते हैं कि डायना जरूर मारियो को ब्लैकमेल कर रही होगी और डायना का मुंह बंद कराने के लिए मारियो ने उसे मार दिया होगा, तो अब उसी से पूछताछ करनी पड़ेगी। जहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर एला से मिलने के लिए पीट भी आता है और उसे अपने साथ एक कॉन्सर्ट में ले जाने के लिए भी कहता है। यहाँ हम देखते हैं कि लूसीफर और क्लोई मिलने के लिए आते हैं मारियो से, लेकिन मारियो बताता है कि डायना उसके बेस्ट स्टूडेंट थी, उसी ने ही मुझे फेमस कराया है और आज मेरे पास जितना भी नेम फेम है सब कुछ उसी के कारण है, लेकिन वो ये सब कुछ बर्बाद करना चाहती थी क्योंकि वो एक बहुत बड़े नेम के ऊपर इल्जाम लगाना चाहती थी जिसका नाम नील शूमैन है। मैंने उसे मना भी किया था कि अगर वो ऐसा करेगी तो शायद उसे पछताना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोई जब मारियो की आंखों में देखती है तो उससे भी वो सच उगलवा लेती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है डैन पे। लास्ट एपिसोड में हम सभी को पता था कि डैन के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था, यानी कि उसने लूसीफर का असली फेस देख लिया था। अब इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वो कुछ सही और गलत नहीं समझ पा रहा था, इसी कारण वो शॉलेट के पास पहुंच जाता है और उसके टॉम पे बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो
से पूछने लगता है कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ मेरे लिए, क्लोई के लिए और ट्रिक्सी के लिए, और मुझे पता है कि मैं कभी भी हेवन नहीं आने वाला हूँ। तुमने बहुत चीजों को ठीक किया लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि जब डैन शार्लेट से कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है, कि तभी डैन के फेस पे बहुत तेज रोशनी आने लगती है और तभी यहाँ पे पहुँच जाता है एक एंजल। ये एंजल लूसीफर नहीं बल्कि माइकल था। डैन ने कल रात को ही एक डेविल को देखा, जिसके बाद एक एंजल विंग्स के साथ में एंजल को देखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। माइकल कहता है, डैन घबराओ मत, मैं लूसीफर नहीं हूँ बल्कि उसका भाई एक आर्क एंजल माइकल हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। यानी कि माइकल के दिमाग में कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही थी जहाँ वो मदद डैन से लेना चाहता था। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है लक्स में, जहाँ क्लोई लूसीफर के पास में पहुँचती है क्योंकि नील से मिलने के लिए उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। यहाँ लूसीफर रेडी था ताकि वो क्लोई से अपनी पावर्स वापस ले सके, लेकिन क्लोई इस चीज के लिए कहती है कि हमारे रिलेशनशिप को टाइम ही कितना हुआ है, आखिर अगर हम कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। मुझे बुरा इस चीज से लग रहा है कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारी पावर्स नहीं है तो तुम इस चीज से खुश नहीं हो। जिसके बाद में अब ये दोनों ही पहुंच जाते हैं कपल थेरेपी के लिए, जहां लिंडा क्लोई को समझाती है और एक एग्जांपल देती है कि लूसीफर यहां पे बिल्कुल भी गलत नहीं है। लूसीफर की पर्सनालिटी है एक डेविल होना और इसी के साथ में लोगों की ख्वाहिश जानना। लिंडा क्लोई से कहती है कि समझो तुमसे तुम्हारा गन और बैच ले लिया जाए तो तुम कैसा महसूस करोगे। जिसके बाद में क्लोई को भी समझ में आने लगता है कि लूसीफर के पास अगर उसकी पावर्स नहीं है तो उसे बुरा लग सकता है। वही दूसरी तरफ मेज एमेनाडील का पुराना रोब लेके आती है और उसे पहनने के लिए कहती है। एमेनाडील को कुछ समझ में नहीं आता है, जिसके बाद में मेज बिना रुके एमेनाडील के ऊपर अटैक कर देती है। वो एक तरीके से एमेनाडील को उकसाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो वापस से अपने पुराने फॉर्म में आ जाए। इन दोनों की फाइट होती है, इसके बाद में ये दोनों ही एक मूवमेंट पे आके रुक जाते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। एमेनाडील को समझ में नहीं आता कि आखिर मेज ऐसा क्यों कर रही है। वही मेज एमेनाडील को दूर करती हुई बोलती है कि कुछ फायदा नहीं हुआ है। एमेनाडील कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। मेज एमेनाडील को बोलती है कि इससे तुम्हें नहीं बल्कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है, और वहां से वो चली जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है नील शुमैन पे, जिससे मिलने के लिए लूसीफर और क्लोई पहुंचे थे। नील की हरकतें देख के लूसीफर और क्लोई को पहले ही पता चल चुका था कि ये कितना इगोइस्टिक आदमी है। यहाँ क्लोई नील से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने ही डायना को मारा है ना। जहाँ नील कहता है कि मेरे बहुत सारे हेटर्स हैं और अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लग जाता है तो ये मेरे करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। ज्यादा एलिगेशन इसका मतलब ज्यादा पॉपुलैरिटी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझ पे कोई भी एलिगेशन लगे, लेकिन मर्डर का ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा क्योंकि मैंने डायना को नहीं मारा था। यहाँ पे लूसीफर से क्लोई कहता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके देखो। क्लोई नील की आंखों में देखती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, तो लूसीफर सोचता है कि शायद पावर्स उसमें वापस आ चुकी है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। इस कारण नील कहता है कि तुम दोनों पागल वागल हो गए हो क्या, ऐसी हरकतें करते हो तुम लोग पुलिस वाले होके। यहाँ अब जब लूसीफर और क्लोई फिर से पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके थे तो लूसीफर बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गया था कि आखिर ये चल क्या रहा है, कभी पावर्स तुम्हारे पास रहती है और कभी नहीं रहती है। जहाँ पे क्लोई कहती है कि मारियो मेरा बहुत बड़ा फैन था, यानी कि मैं एक एक्ट्रेस थी तो उसने मेरी मूवीज देखी थी, बस वो इसी कारण मेरी बातों में आ गया और बस वो बोल पड़ा, लेकिन नील के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ लूसीफर कहता है कि मैं ये बात मान ही नहीं सकता हूँ, तुम ये मुझ पे ट्राई क्यों नहीं करके देखती। क्लोई जब लूसीफर की ख्वाहिश पूछती है तो फिर से लूसीफर अपनी ख्वाहिश बता देता है और फिर लूसीफर कहता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है एक लड़की के ऊपर जो कि बंधी हुई थी और अपने ही घर के अंदर थी। वहाँ वो दूर से एक आदमी को आते हुए देखती और कहती है कि अच्छा हुआ जो तुम आ गए, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो, लेकिन तभी उसकी चीख निकल पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और उसी लड़की के हाथ में बुके था, लेकिन वो पूरी तरीके से खून से सना हुआ था। और अब यहाँ पे पूरी पुलिस टीम आ चुकी है, जहाँ क्लोई फिर से देख के बताती है कि इसके भी वोकल कॉर्ड्स काट दिए गए हैं, लेकिन आखिर ऐसा कोई कर क्यों रहा है। एला कहती है कि सारी गलती मेरी है, मुझे फर्स्ट क्राइम सीन को अच्छे से चेक करना चाहिए था, जरूर कुछ मिलता। वहीं दूसरी तरफ अब जब सब पुलिस स्टेशन में आ चुके थे तो क्लोई एला से पूछती है कि आखिर तुम्हें पीट कैसा लगता है। जहाँ एला बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी, वो कहती है कि पीट मुझे कहता है कि तुम हर काम कर सकती हो और मुझे पार्टनर की जरूरत है। ये चीज सुन के क्लोई अब स्टार्ट हो जाती है और हर चीज में लूसीफर की बड़ाई करने लगती है। जो बुके विक्टिम के पास में मिल रहे थे वो बुके बहुत ही रेयर थे, इसी कारण क्लोई और लूसीफर शहर के हर बुके स्टोर में जाने लगे ताकि उन्हें इन बुके के बारे में पता चल सके। लेकिन यहाँ के लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज नहीं आती थी, इसी कारण क्लोई लूसीफर की तारीफ करते हुए बोलती है कि मेरे पार्टनर को दुनिया की हर लैंग्वेज आती है। जहाँ शॉपकीपर बोलता है कि मेरे ग्रैंड माँ को पुलिस वाली पसंद नहीं है और उन्होंने ही वो फ्लावर बेचे थे, तो अगर तुम बात करना चाहो तो कर सकते हो। लूसीफर को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, इसी कारण वो ग्रैंड माँ से बात कर लेता है और कुछ चीजें पता लगा लेता है। वहीं क्लोई की नजर शॉपकीपर के हाथ में रखे रिबन पे पड़ जाती है और वो लूसीफर को पास बुला के बोलती है कि हमें जो क्राइम सीन से ग्लिटर मिला था वो इसी रिबन का है। वहीं लूसीफर बताता है कि कल जिसने ये बुके खरीदा था वो एक ऊबर से गया था। यहाँ क्लोई
जोई ऊबर की साइट पर जाके मर्डरर के बारे में पता कर सकती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एमिन डील और मेस एक साथ थे। डील को बताती है कि कैसे वो बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है, एक डीमन जिसके पास में सोल नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी को ढूंढना चाहती है। जहाँ एमिन डील बोलता है कि आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है, जब एक एंजल को बेबी हो सकता है, एक डेविल को किसी से प्यार हो सकता है, तो जरूर एक डीमन को भी सोल मिल सकता है। यानी कि एक तरीके से मेस को किसी दोस्त की जरूरत थी, जिसके बाद में एमिन डील से बात करके वो बहुत खुश थी। यहाँ लूसिफर और क्लोई वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से ऊबर का इन्हें एड्रेस मिला था, जिसके बाद ये दोनों एक ऐसे घर में पहुँचते हैं जहाँ अंदर ऐसी चीजें रखी थी जिससे इन्हें पता चल चुका था कि ये मर्डरर का ही घर है। यहाँ डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी लड़कियों की पिक्चर्स रखी थी, जहाँ पे सबसे ऊपर एक लड़की की पिक्चर थी जो कि नेक्स्ट विक्टिम होने वाली थी। और अब तभी यहाँ पे एला पहुँच जाती है, जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड पीट भी था। और अब ये चारों मिलकर यहाँ पे नई चीजें ढूंढने लगते हैं कि शायद इन्हें मर्डरर के बारे में और कुछ पता चल सके। यहाँ पे एला को एक ऐसा रूम मिलता है जो कि पिक्चर्स का ब्लू प्रिंट और इसी के साथ में नेगेटिव प्रिंट की रील्स थी। यहाँ पे एला और पीट मिलकर क्लोई और लूसिफर को बुलाते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट विक्टिम की पिक्चर थी और विक्टिम के पीछे जो कारपेट लगा था वो इसी बिल्डिंग का कारपेट था। यानी कि इसी बिल्डिंग के अंदर उन्हें नई विक्टिम मिलने वाली थी। अब सभी 9th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें विक्टिम मिल सकती थी। लूसिफर जिस कमरे के अंदर जाता है तभी कोई पीछे से आके लूसिफर को एक इंजेक्शन मार देता है, लेकिन लूसिफर को कहाँ कुछ होने वाला था। तभी वो उस आदमी को गले से ऊपर उठा लेता है। यहाँ ये आदमी बोलता है कि इंजेक्शन के लगते ही एक नॉर्मल इंसान की वोकल कॉर्ड्स खराब होने लगते हैं और वो बहुत जल्दी गिर पड़ता है, लेकिन मैं मान चुका हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन देखते ही देखते डेविल की भी हालत यहाँ खराब होने लगती है और लूसिफर वहाँ बिना कुछ बोले गिर जाता है। क्लोई जब ढूंढते हुए इसी घर के अंदर पहुँचती है तो वो लूसिफर की ऐसी हालत देखती है जहाँ लूसिफर कुछ भी नहीं बोल पाता है। यहाँ वो विक्टिम भी बंधी हुई थी। क्लोई लूसिफर को कहती है कि कुछ तो बोलो, लेकिन तभी वही मर्डरर क्लोई के पीछे खड़ा था। जहाँ उसके पैरों की आवाज भी क्लोई को आ चुकी थी, वहीं लूसिफर की आंखें भी कुछ बता रही थी। क्लोई यहाँ पे बच जाती है और पीछे मुड़ के सीधे अपने गन से उसके शोल्डर पे शूट कर देती है। और अब देखते ही देखते यहाँ पे पूरी पुलिस टीम पहुँच चुकी थी और मर्डरर को अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ क्लोई पीट को कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ा, लेकिन पीट कहता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं कोई आर्टिकल लिख के ऐसे चोरों को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ। वहीं पे जब क्लोई और एला आगे जाते हैं तो पीछे से पीट और लूसिफर बात करते हैं, जहाँ पीट लूसिफर को बस यही बताता है कि अगर कोई लड़की आपकी लाइफ में आना चाहती है तो उसे बस आने दो, बाकी चीजें अपने आप सेटल हो जाती है। कि लिंडा एक पार्टी में जाने के लिए तैयार थी, वहीं पे पीछे से एमिन डील चार्ली का ख्याल रखने के लिए रुका था। इसी के साथ एमिन डील मेस के साथ वो इंसिडेंट लिंडा को बताता है। तो लिंडा एमिन डील को कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे डैड हो और उसी के साथ बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड भी हो। यहाँ हम देखते हैं कि लक्स में पहले से ही क्लोई बैठी थी और इस केस के ऊपर अभी भी स्टडी कर रही थी। जब लूसिफर यहाँ पहुँचता है तो वो क्लोई से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो क्लोई कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर हम हमारी लाइफ की शुरुआत यहीं से करें। लूसिफर इस बात से बहुत खुश था। वो कहता है कि इसमें आखिर बुरा क्या हो सकता है, तुम काम करो और मैं ड्रिंक करूँ, तो चलो मैं ड्रिंक लेके आता हूँ। यहाँ क्लोई लूसिफर को ये भी बताती है कि मुझे इस केस में कुछ ना कुछ डाउट लग रहा है, यानी कि इतना इजीली मर्डरर आखिर कैसे पकड़ा जा सकता है। जिसके बाद में क्लोई और लूसिफर बात करने लगते हैं कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है और शायद कुछ बुरा नहीं हो सकता है, और अगर तुम्हारी पावर मुझ में आई है तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ क्लोई कहती है कि मैं जल्दी से आती हूँ, लेकिन यहाँ क्लोई से पहले पहुँच जाता है डैन, जिसके हाथ में गन थी। वो लूसिफर को शूट करने वाला था, जहाँ लूसिफर कहता है कि डैन मैं तो तुमसे बस मजाक किया करता हूँ, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। तभी यहाँ क्लोई पहुँच जाती है और वो डैन को कहती है कि ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। डैन को ये नहीं पता था कि क्लोई को पहले से ही पता है कि लूसिफर एक डेविल है, जिसके बाद में डैन यहाँ पे लूसिफर को शूट कर देता है और लूसिफर बहुत दूर जाके गिरता है, जिसके बाद में क्लोई रोती रोती लूसिफर के पास पहुँचती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसिफर के लास्ट एपिसोड में गाइस जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा था कि कैसे डैन ने लूसिफर को शूट कर दिया है और वो बहुत दूर जाके गिर गया है। इसी के साथ डैन से माइकल भी मिला था और उसी ने लूसिफर को शूट करने के लिए डैन से कहा था। तो इसी कंटिन्यूटी के साथ में गाइस आज हम लोग एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत करेंगे, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि माइकल आखिर करना क्या चाहता है और जब इन सारे एंजल्स के बीच में लड़ाई होगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डैन ने लूसिफर को गोली मार दी है और यहाँ पे लूसिफर गिर चुका है, जिसके बाद में क्लोई उसे उठाने की कोशिश करती है और 1-2 सेकंड के अंदर ही लूसिफर वापस जग जाता है। ये चीज ना तो क्लोई को समझ आ रही थी ना ही लूसिफर को कि आखिर जब क्लोई आसपास रहती है तो लूसिफर इमॉर्टल हो जाता है, तो आखिर आज उसकी जान बच कैसे गई। क्लोई ने इस थ्योरी को साइड में रखा और पहले डैन के पास भाग के गई और उसके ऊपर चिल्लाई कि आखिर तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है, तुमने इसे मारा क्यों। जहाँ पे डैन क्लोई को कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ये एक डेविल है। जहाँ क्लोई डैन को कहती है कि मुझे सब कुछ पता है लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैन कहता है कि मैं सबको बचा रहा हूँ, तुम्हें बचा रहा हूँ, मेरी बेटी ट्रिक्सी को बचा रहा हूँ, पूरी दुनिया को बचा रहा हूँ। क्लोई डैन से पूछती है कि आखिर तुमने लूसिफर
लूसिफर के बारे में कब जाना, जहाँ डैन कहता है कि मैंने इसका वो भयानक चेहरा देखा, कल रात को ही मुझे इसके बारे में पता चला। जहाँ लूसिफर कहता है कि डैन मुझे भी कोई तुम्हारी खास शक्ल पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद में डैन कहता है कि तुम सब लोग मिलके मुझे फंसा रहे हो, मैं पागल हो जाऊंगा, और डैन यहाँ से भाग जाता है। बाद में क्लोई लूसिफर से पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ लूसिफर कहता है कि इसका मतलब है कि मैं अब और ज्यादा कमजोर नहीं हूँ, यानी कि तुम्हारे आसपास रहने से मैं नहीं मर सकता, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी एक तरीके से डेविल शील्ड बन चुका हूँ, तो अब हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है पीट और एला पे, जहाँ पीट ने अपने घर की चाबी एला को दे दी थी, इसी कारण एला यहाँ पे पुलिस स्टेशन पहुँच के क्लोई को कहती है कि कहीं ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा है, वो इतनी चीजी चीजी बातें कर रहा है और मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ क्लोई अपने रिलेशन को समझने की कोशिश कर रही थी, जहाँ क्लोई देखती है कि लूसिफर डैन के डेस्क के अंदर एक बहुत बड़े सांप को रख रहा था। तभी यहाँ क्लोई आके कहती है कि लूसिफर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ लूसिफर को लगता है कि हाँ ये सांप तो जहरीला भी नहीं है, डैन ने मुझे मारने की कोशिश की, तो शायद मुझे इससे भी ज्यादा बड़ी सजा देनी चाहिए डैन को। जहाँ क्लोई लूसिफर को समझाने की कोशिश करती है कि मुझे अभी भी हमारे पुराने केस में कुछ डाउट लग रहा है, हमें वो केस मिलके सॉल्व करना चाहिए। जिसके बाद में ये दोनों विस्पर किलर के पास पहुंच जाते हैं। ये विस्पर किलर अपना नाम सुन के कहता है कि मेरे पास और बहुत अच्छे नाम है, मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ। जहाँ क्लोई कहती है कि अगर तुम हमारे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दोगे तो हम तुम्हारी बात को जरूर सुनेंगे। जहाँ पे क्लोई जब उसे पूछती है कि तुम अपने विक्टिम्स को कैसे मारा करते हो और अपनी जो लास्ट विक्टिम थी तुमने उसको झाड़ियों में क्यों फेंका था, जिसके बाद में विस्पर किलर इन चीजों का गलत आंसर देने लगता है। इससे क्लोई और लूसिफर को पता चल जाता है कि विस्पर किलर ने तो पहले वाले मर्डर किए ही नहीं है, इसका मतलब है कि जो असली मर्डरर है वो बाहर कहीं घूम रहा है। यहाँ क्लोई लूसिफर से मदद मांगने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें इस केस पे काम करना चाहिए। जहाँ लूसिफर का दिमाग अभी भी डैन को पनिशमेंट देने के लिए चल रहा था, इसीलिए क्लोई यहाँ पे रात भर बैठ के विस्पर किलर के मर्डर के बारे में हर विक्टिम की चीजें पता कर रही थी। रात भर स्टडी करने के बाद उसे आखिरकार कुछ क्लूज मिल चुके थे, इसी कारण वो लूसिफर को कॉल करती है और बताती है कि मुझे कुछ क्लू मिले हैं, हम सुबह 8 बजे आर्ट गैलरी में जाएंगे। इसके बाद क्लोई कुछ बोल पाती तभी कोई पीछे से आके क्लोई का मुंह पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाता है। यहां सीन शिफ्ट होता है लक्स में, जहां लूसिफर अभी डैन को मारने की प्लानिंग बना रहा था, और तभी वो शांति से आके जब बैठता है तो अपने फोन को देखता है, जहां क्लोई का एक वॉइस मेल था। जब लूसिफर उस वॉइस मेल को सुनता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस वॉइस मेल में क्लोई की आवाज थी और आखिर में क्लोई किडनैप हो जाती है। लूसिफर सीधा क्लोई के घर पे जाता है, जहां हर तरफ सामान बिखरा हुआ था, जिसके बाद लूसिफर पूरी पुलिस टीम को यहां बुला चुका था और एला हर चीज को देख रही थी कि सारा कीमती सामान यहीं पड़ा है, और जिस तरीके से सामान गिरे हुए हैं इसका मतलब है कि क्लोई चोर से लड़ने की कोशिश कर रही थी। लूसिफर अपने गिल्ट में था और कहता है कि काश मैं यहीं पे रहता तो सब कुछ ठीक हो जाता, और एला भी इस चीज को देख के रोने लगती है कि तुम्हें क्लोई के पास ही होना चाहिए था। यहाँ पे ये दोनों मिलके क्लोई के डेस्क से एक चिट उठाते हैं, जहाँ पे एक बंदी का नाम लिखा था, और इसी के साथ लूसिफर को पता था कि 8 बजे क्लोई ने उसे आर्ट गैलरी में जाने के लिए कहा था। ये दोनों उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जैसे एक बंदा निकल के आता है तभी लूसिफर उसे पकड़ लेता और कहता है कि बता क्लोई को तूने कहाँ पे रखा है। जहाँ पे ये बंदा कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, यहाँ पे जितने भी प्रॉप पड़े हैं वो सब हमारे शो का हिस्सा है, इससे हम चीजों को और ज्यादा जानते हैं, हम लोगों की एक वेबसाइट है और मेरी पूरी टीम उसी पे बैठ के काम करती है, और अगर आप क्लोई डेकर की बात कर रहे हैं तो वो मुझसे मिलने के लिए आने वाली थी लेकिन वो नहीं आई। यहाँ पे लूसिफर और एला इस बंदे से पूछते हैं कि क्लोई आखिर तुमसे क्या पता करने के लिए आने वाली थी। ये बंदा अपनी टीम के पास एला और लूसिफर को लेके जाता है, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि एक ऐसा ऐप है जहाँ पे लोगों को मारने के सारे ऑप्शंस आते हैं, लोग यहाँ पे चैटिंग भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पे एक लिली मैन की इन्हें आईडी मिलती है जिसके ऊपर क्लोई रिसर्च कर रही थी। एला कहती है कि मैं इसका आईपी एड्रेस हमारे फॉरेंसिक में चेक करवा लूंगी लेकिन इसमें बहुत टाइम लग सकता है। तभी यहाँ पे खड़ा बंदा बोलता है कि आप मेरी टीम का यूज कर सकते हैं, वो इन सब में माहिर है। जिसके बाद में एला जब इस चैट को पढ़ती है तो हूबहू वही सारे विक्टिम और मर्डर के सिनेरियो मिलते हैं जो कि अब तक बताया जा रहा था कि विस्पर मैन ने लोगों को मारा है, लेकिन असल में विस्पर मैन के जाने के बाद में भी मर्डर हो रहे थे, यानी कि वो मर्डर किसी और ने किए थे जो कि अभी भी खुला घूम रहा है। यहाँ मेज जो कि अभी एमिनेडील के घर पे थी और उसे पता चलता है कि चार्ली की तबीयत बहुत खराब है और एमिनेडील उसे हॉस्पिटल लेके जाने वाला है। वहीं पे एमिनेडील को पता चलता है कि मेज के फोन पे लूसिफर का कॉल आ रहा है, लेकिन मेज उस चीज को इग्नोर कर रही है। इसी कारण एमिनेडील मेज को कहता है कि आखिर लूसिफर को ये तो पता चले कि तुम गुस्सा किस बात से हो, यानी कि मेज इस बात से अभी तक गुस्सा थी कि लिलिथ के बारे में लूसिफर ने हर चीज उससे छुपा के रखी थी। यहाँ पे एला और लूसिफर ने जब आईपी एड्रेस चेक किए थे तो इन्हें एक घर का पता चला था, इसी कारण जब ये इस घर पे पहुँचते हैं तो हर जगह बहुत स्मेल आ रही थी, और इसी के साथ एक कमरे में पहुँचने पे इन्हें एक बॉडी मिलती है, जहाँ लूसिफर को लगता है कि काश ये क्लोई ना हो। जहाँ पे एला को पता चलता है कि इस लड़की को 3 से 4 दिन पहले मारा गया था, इसका मतलब है कि विस्पर किलर ने जिस लड़की को मारा था उससे पहले ही इस लड़की की मौत हो चुकी थी। वहाँ दूसरी तरफ ये कॉप
किलर जेल के अंदर बैठा था कि तभी यहाँ पे मीस पहुँच जाती है, जहाँ ये किलर डर के मारे कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे पहुँची। यहाँ मीस तो ठहरी सबसे बड़ी टॉर्चरर, जिसके बाद में वो किलर को कहती है कि तुम जैसे लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, तो अब अपना मुंह खोलना शुरू करो। सीन शिफ्ट हो जाता है पीट और एला पे, जहाँ पीट एला को कहता है कि हम दोनों काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यही चीज तो एला के दिमाग में थी, इसी कारण एला पीट को कहती है कि तुम कितने स्वीट हो, तुम मेरी हर बात को समझ जाते हो। जहाँ जाने से पहले पीट एला को ये भी कहता है कि मैंने इस किलर के बारे में बहुत सारी चीजें रिसर्च कर रखी है, तो तुम चाहो तो एक बार मेरे घर पे जाके चेक कर सकती हो। जहाँ एला पीट को कहती है कि तुम कितने अच्छे हो जो तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ लूसीफर एमिनाडील को कहता है कि तुम वापस से वक्त को धीरे करने की कोशिश करो, लेकिन एमिनाडील के पास में अभी उसकी पावर्स नहीं थी। कि तभी लूसीफर इस बात से गुस्सा हो जाता है कि तुम क्लोई के किडनैप पे मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते हो। जहाँ एमिनाडील लूसीफर को कहता है कि तुम क्लोई के साथ इतने सालों से काम कर रहे हो, तो अगर क्लोई यहाँ होती तो क्या करती, तुम्हें उसके जैसे सोचना पड़ेगा। जिसके बाद में लूसीफर यहाँ पे क्लोई की हर थीसिस को इकट्ठा कर लेता है और सारे विक्टिम्स को एक जगह ले आता है, जहाँ पे एला भी उसकी मदद करने लग जाती है और कहती है कि लूसीफर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ मेज आके बताती है कि उस किलर से मुझे बस इतना ही पता चला है कि वो मेन किलर से नहीं मिला है और वो अपने विक्टिम्स को रेस्टोरेंट में से चेक करता है। जहाँ लूसीफर कहता है कि चारों विक्टिम जो अभी तक मरी है वो सारी की सारी एक रेस्टोरेंट में मरने से एक दिन पहले गई थी, जहाँ के रिसिप्ट हमें पता है। एला कहती है कि वहाँ के कैमरे हमें चेक करने पड़ेंगे, जहाँ से सिर्फ एक रेस्टोरेंट के कैमरा फुटेज इन्हें मिल सकी। इधर एला कहती है कि मैं पीट के घर पे जाके आती हूँ। वहीं पे मेज और लूसीफर इस कैमरा फुटेज को चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे गार्ड इस फुटेज को दिखाने के लिए मना करता है। और तभी यहाँ पे लूसीफर कहता है कि अब भी मेरे पास मेरी पावर्स होती तो मैं इसे पूछ लेता कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, लेकिन असल के अंदर लूसीफर की ये पावर काम कर गई थी और गार्ड ने अपने मन की ख्वाहिश बता दी थी। जिसके बाद लूसीफर बहुत खुश होता है और कहता है कि वाओ, मेरे पास मेरी पावर्स वापस आ चुकी है। इसी कारण वो गार्ड को कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं एक क्लब का ओनर हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पे नौकरी दे सकता हूँ, इसके बदले तुम मुझे फुटेज दे दो। यहाँ पे मेज और लूसीफर जब इन्हीं फुटेजेस को चेक कर रहे थे तो इन्हें पता चलता है कि आखिर असली मर्डरर कौन है। वहाँ दूसरी तरफ एला पहुँच जाती है पीट के घर पे, जहाँ पे वो पेपर्स को चेक कर ही रही थी कि तभी उसमें से एक पेपर उतर के स्विच बोर्ड के पास में रह जाता है, लेकिन आखिर वो चिपक क्यों रहा था। जब एला उस स्विच बोर्ड को खोल के देखती है तो वहाँ से तेज रोशनी आ रही थी, इसी कारण वो वहाँ पे रखे पूरे यूनिट को हटाती है तो उसे वहाँ पे एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। यानी कि पीट के घर में ऐसा रूम आखिर कहाँ से आया। जहाँ अंदर जाने के बाद एला को दिखाई देते हैं कि जितने भी विक्टिम के पास में फ्लावर्स रखे थे उन सारे फ्लावर्स को यहीं उगाया जाता है और इसी के साथ वोकल कॉर्ड्स को खराब करने के इंजेक्शन भी यहीं पे पड़े थे। एला ये सारी चीजें समझ चुकी थी कि इन सब के पीछे पीट ही है। जहाँ एला वापस से इस रूम को बंद करके भागने के लिए निकल ही रही थी कि तभी यहाँ पीछे खड़ा था पीट। जहाँ पीट कहता है कि मैंने आने में शायद थोड़ी देरी कर दी। इधर एला के हाथ से चाबी गिर जाती है और पीट जैसे उस चाबी को उठाने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उस रूम का स्विच बोर्ड ओपन है। जिसके बाद पीट को लगता है कि एला को सब कुछ पता चल चुका है तो अब उसके जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पीट एला को उठा के बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद में वो एला को जान से मारने ही वाला था कि तभी एला के हाथ में वही इंजेक्शन था जो कि वो पीट के बैक में लगा देती है और पीट वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद में सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पीट को इन्वेस्टिगेशन रूम में रखा गया था। यहाँ पे मेज और लूसीफर सोचते हैं कि हम दोनों इसे मार पीट की सारी चीजें उगलवा लेंगे, लेकिन लूसीफर कहता है कि हम ये चीज नहीं कर सकते, नहीं तो ये बंदा सन की है और कुछ भी नहीं बोलेगा। ये जाते तब तक तो वहाँ एला पहुँच चुकी थी और वो पीट को कहती है कि तुमने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया, इसका मतलब है कि तुम जिन लड़कियों को चुनते हो बहुत ज्यादा बातें करती है और तुम मुझे भी मारने वाले थे, तो आखिर बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जहाँ पीट बताता है कि बचपन में उसकी मॉम उसके ऊपर बहुत चिल्लाती थी, बस यही रीजन था कि वो लड़कियों को मार दिया करता था। जिसके बाद एला सारी कोशिशें कर लेती है और हर चीज पूछती है, लेकिन पीट बस यही कहता है कि उसने क्लोई को नहीं मारा है और न ही क्लोई का उसे कुछ लेना देना है। जहाँ पे लूसीफर और एला भी ये मान चुके थे कि पीट सच कह रहा है, उसने क्लोई को किडनैप नहीं किया है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है एक केव के अंदर, जहाँ पे हमें क्लोई को दिखाया जाता है। क्लोई यहाँ से निकलने का रास्ता बना रही थी कि तभी यहाँ पे पहुँच जाता है माइकल और माइकल ने ही क्लोई को किडनैप किया था। जिसके बाद में माइकल अब क्लोई को लूसीफर के लिए प्रोवोक करने लगता है। वो उसे बोलता है कि मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन मैं हर किसी के डर को बाहर निकाल सकता हूँ और क्लोई तुम्हारे अंदर तो हर तरीके का डर कूट कूट के भरा हुआ है। तुम ही बताओ कि लूसीफर के पास अगर उसकी पावर्स आ गई तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि तुम डरी हुई हो, आज तक उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया और ये बात तुम्हें भी पता है कि लूसीफर कभी झूठ नहीं बोलता, तो इसका मतलब क्या है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। यहाँ सीन शिफ्ट होता है लूसीफर के ऊपर, जहाँ मेज डैन को ढूंढ के लेके आई थी जो कि एक बार में बहुत बुरी तरीके से टुन हुआ हुआ था। डैन यहाँ पे जैसे लूसीफर को देखता है वो डर के मारे भागने लगता है। जहाँ लूसीफर डैन से पूछता है कि मुझे बस इस बात का जवाब दो कि तुम आखिर वापस उस दिन एमिनाडील के घर पे क्या करने के लिए आए थे, तो डैन कहता है कि तुमने ही तो मुझे कॉल किया था। तो लूसीफर कहता है कि वो कॉल मैंने
मैंने नहीं किया था, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि वो कॉल किसने किया। जिसके बाद में लूसीफर डैन को कहता है कि क्लोई किडनैप हो चुकी है। डैन कहता है कि ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे, तो आखिर है कहाँ वो। जहाँ लूसीफर कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि माइकल ने ही मुझे मारने के लिए तुम्हें कहा था, और अब वो क्लोई को भी किडनैप कर चुका है, तो तुम बस ये बताओ कि उसने तुमसे बात कब की थी और कहाँ पे की थी। डैन बताता है कि मुझे उस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, बस वो एक ऐसी केव थी जो कि बहुत टाइम से बंद पड़ी थी और वहाँ पे हर एक चीज आर्टिफिशियल लग रही थी। यहाँ लूसीफर को समझ आ चुका था कि वो जगह कौन सी हो सकती थी। अगले सीन में क्लोई एक डंडा लेके खड़ी थी और जैसे ही वहाँ कोई एंटर करता है, क्लोई मिला के देती है उस डंडे को उसके सर पे। क्लोई उस केज से जब बाहर निकलती है तो उसके सामने डैन और मीस खड़े थे। जहाँ क्लोई कहती है कि तुम लोगों ने मुझे ढूंढ कैसे लिया, वहीं पीछे से निकल के लूसीफर आता है, यानी कि क्लोई ने जो मिला के दी थी वो लूसीफर के सर पे पड़ी थी। जहाँ लूसीफर क्लोई को कहता है कि तुम्हारा हाथ तो बहुत भारी है डिटेक्टिव। यहाँ क्लोई इस बात से बहुत खुश थी कि फाइनली लूसीफर ने उसे ढूंढ लिया, और डैन भी मेस को कहता है कि लूसीफर सच में क्लोई की बहुत केयर करता है। यहाँ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि माइकल एमिनेडील से मिलने के लिए आया था, जहाँ पे वो एमिनेडील को कहता है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे बच्चे को कोल्ड हुआ है। तो एमिनेडील कहता है कि इसमें बुरी बात क्या है, हर बच्चे को हो सकता है। जिसके बाद में ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो आखिर इसका मीन क्या है, ये बात आपको आगे पता चलेगी। यहाँ माइकल जब क्लोई से वापस मिलने के लिए आया था, तब तक यहाँ से सब जने भाग चुके थे और यहाँ पे सिर्फ माइकल का वेलकम करने के लिए मेज खड़ी थी। मेज यहाँ पे रेडी थी कि वो माइकल को मार डाले, लेकिन माइकल ने फिर से मेज को अपनी बातों में फंसा लिया और वो कहता है कि लूसीफर ने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मैं दे सकता हूँ। इसका मतलब था कि मेज को एक सोल की जरूरत थी और माइकल ने मेज को सोल देने का वादा किया, जिसके बाद में मेज अब माइकल के साथ हो गई थी। यहाँ क्लोई अपने पूरी टीम को थैंक यू बोलती है कि उन सब ने क्लोई को बचाने में मदद की थी। वहीं एमिनेडील आके लूसीफर से बात करने की कोशिश करता है कि मुझे चार्ली से रिलेटेड तुमसे बात करनी है, लेकिन लूसीफर कहता है कि मैं अभी पहले क्लोई से बात करूंगा, उसके बाद तुमसे बात करूंगा। यहाँ लूसीफर और क्लोई आपस में बात करते हैं, जहाँ पे ये सारी चीजें एक दूसरे को बताते हैं कि आखिर अब तक क्या हुआ, लूसीफर ने कैसे उस मर्डरर को पकड़ा और कैसे हर चीज उसने अकेली की, और इसी के साथ उसकी पावर्स भी वापस आ चुकी है। कहीं ना कहीं क्लोई इन बातों से खुश थी, लेकिन उसके मुंह से पता चल चुका था कि वो खुश नहीं है। जहाँ लूसीफर पूछता है कि आखिर बात क्या है, जिसके बाद क्लोई बताती है कि तुम जो बोलते हो सब कुछ सच बोलते हो, लेकिन आज तक तुमने वो नहीं बोला जो तुम्हें बोलना चाहिए था। यहाँ लूसीफर इन बातों को समझ चुका था और क्लोई को प्रपोज करने ही वाला था कि तभी हर चीज वहाँ पे रुक जाती है। जहाँ लूसीफर को लगता है कि एमिनेडील को यही टाइम मिला था कि मुझसे बात करने के लिए, जब हम दोनों बात करने वाले थे। यहाँ लूसीफर भागता है एमिनेडील के पास में कि टाइम को वापस नॉर्मल करो, मुझे डिटेक्टिव से बात करनी है। जहाँ एमिनेडील कहता है कि मैंने टाइम को नहीं रोका है, बल्कि असलियत के अंदर ये सब कुछ फ्रीज हो चुका है और तुम देखो चार्ली को क्या हुआ है। जहाँ लूसीफर कहता है कि ये भी फ्रीज है और क्या, तो एमिनेडील कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सेलेस्टियल लोग ही यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं और चार्ली यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, और इसी के साथ इसे फीवर भी हुआ था, हम एंजल्स को फीवर नहीं होता है। जिसके बाद में लूसीफर को कुछ समझ में आता है कि चार्ली एक नॉर्मल बेबी है, और तब तक यहाँ पे पहुँच जाता है माइकल। जिसके बाद में लूसीफर एमिनेडील और माइकल के बीच में बहस हो जाती है कि आखिर तुमने टाइम को फ्रीज क्यों किया है। जहाँ माइकल कहता है कि एमिनेडील इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने टाइम को फ्रीज कर दिया। लूसीफर एमिनेडील को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल ही है। वहीं दूसरी तरफ माइकल चार्ली के लिए एमिनेडील को भड़काने लगता है कि ये बस एक नॉर्मल बच्चा है। इसी कारण एमिनेडील गुस्से में आके माइकल का गला पकड़ लेता है। यहाँ माइकल एमिनेडील को बोलता है कि देखो तुम्हारी वाइफ को कितनी कमजोर है तुम्हारे बच्चे की जैसे। जहाँ एमिनेडील को गुस्सा आने के बाद में माइकल को मिला के वो एक पंच देता है कि तभी यहाँ मेज आ जाती है और माइकल को बचा लेती है। जिसके बाद में लूसीफर आके मेज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेज लूसीफर को बोलती है कि मैं अब इसके साथ में हूँ, उसने मुझे सोल देने का वादा किया है। लूसीफर कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम सिर्फ एक डीमन हो। जब मेज खुद की ये इंसल्ट सुनती है तो फिर वो एक सेकंड भी नहीं रुकती है और वो लूसीफर को उठा के फेंक देती है। यहाँ पे हमें एक बहुत आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है, यानी कि स्लो मोशन, जहाँ कांच टूट रहा है लेकिन वो गिर नहीं रहा है। यहाँ मेज लूसीफर को कहती है कि तुमने आखिर मुझे लिलित के बारे में बताया क्यों नहीं, तो लूसीफर कहता है कि मैंने लिलित से प्रॉमिस किया था। मेज कहती है कि क्या वो प्रॉमिस मुझसे भी ज्यादा बड़ा था, और यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद में एमिनेडील और माइकल लड़ते हैं, जहाँ एक तरफ एमिनेडील भारी पड़ता है तो वहीं दूसरी तरफ माइकल भी इसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। इन चारों के बीच में ही फाइट होनी शुरू हो जाती है। यहाँ माइकल एमिनेडील को मारने ही वाला था कि तभी लूसीफर पीछे से आ जाता है अपने भाई को बचाने के लिए, यानी कि एक भाई को बचाने के लिए दूसरे भाई को मारना पड़ रहा है। यहाँ एमिनेडील और लूसीफर दोनों मिलके माइकल को मारना शुरू करते हैं। जहाँ लूसीफर के एक पंच से मेज तो बहुत दूर जाके गिरती है, वहीं माइकल गुस्से में आने के कारण अपने विंग्स ओपन कर देता है। जिसके बाद में लूसीफर और एमिनेडील भी कहाँ रुकने वाले थे, इन दोनों ने भी अपने एंजल विंग्स ओपन कर दिए थे, यानी कि अर्थ पे एंजल्स की बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। जिसके बाद में पीछे से आवाज आती है कि तुम सभी लोग रुक जाओ, तुम लोगों को पता है ना कि मुझे ये सब कुछ
नहीं पसंद है। यहाँ पे लूसीफर समझ चुका था कि ये तो डैड की आवाज है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर के लास्ट एपिसोड में जैसा कि हम सभी को पता है कि अब गॉड अर्थ पे आ चुके हैं, जो कि तीनों एंजल ब्रदर्स की फाइट के बीच में खड़े थे, वहीं पे लूसीफर शिकायतें करना शुरू कर देता है कि आखिर आज आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। वहीं पे एमेनाडील को इस बात के लिए बहुत बुरा लगता है और वो गॉड को कहता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, मुझसे अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं हुई, इसी कारण हर जगह फ्रीज हो गए। मुझे बड़ा भाई होने के नाते इन दोनों को रोकना भी चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं पे माइकल गॉड के सामने अच्छा बनता है और कोशिश करता है कि वो अपने दोनों भाइयों को गले लगाए ताकि उसकी कोई भी गलती किसी को ना पता चल सके। तभी वहाँ लूसीफर भड़क जाता है और गॉड के सामने सब कुछ बोलने लगता है कि इतने सालों तक आखिर आप कहाँ थे जब मैं हेल के अंदर अपनी सजा काट रहा था। यहाँ पे माइकल नीचे आके मेरी ही शक्ल बना के हर जगह सबको परेशान कर रहा था। मेरी जिंदगी पहले कम बर्बाद नहीं थी जो इसने यहाँ आके और बर्बाद कर दी। जिसके बाद में गॉड यहाँ पे सभी को शांत करते हैं और कहते हैं कि ऐसा मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि तुम सब लोग आपस में ही लड़ पड़ो। यहाँ पे गॉड इनके फाइट का कोई आंसर नहीं देते और इसी के साथ एमेनाडील को कहते हैं कि हमारा ग्रैंडसन कहाँ पर है। जिसके बाद में टाइम अनफ्रीज हो जाता है। वहीं पे गॉड अपने ग्रैंडसन यानी कि लिंडा और एमेनाडील के बेटे को अपने हाथ में उठाते हैं, जहाँ लिंडा पूछती है कि आखिर आप है कौन। वहीं जब क्लोई अनफ्रीज होती है तो उसके सामने लूसीफर नहीं था, लेकिन टाइम फ्रीज होने से पहले लूसीफर उसके सामने ही था। तभी यहाँ पे पुलिस वाली आके क्लोई को बताती है कि यहाँ बहुत बुरी तरीके से अर्थक्वेक आया था, क्या तुम ठीक तो हो ना। क्लोई जब बाहर आके देखती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हुई होगी और यहाँ पे लूसीफर भी नहीं है। जिसके बाद हम लूसीफर को देखते हैं जो कि लक्स में काफी परेशान होकर ड्रिंक कर रहा था कि तभी वहाँ क्लोई उससे मिलने के लिए आती है। और क्लोई का कहना था लूसीफर से कि मैं तुम्हें टाइम देना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो मेरे कारण, तो तुम थोड़ा टाइम ले लो और उसके बाद में हम हमारी बात कंटिन्यू करेंगे। जहाँ लूसीफर कुछ भी नहीं कह पाता है, यानी कि वो एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये सारी चीजें क्लोई के कारण नहीं बल्कि उसके फैमिली मैटर के कारण हो रही है। लेकिन लूसीफर की चुप्पी क्लोई को बहुत बुरी लगती है, इसी कारण वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ गॉड पहुँच चुके थे लिंडा के घर पे और अपने ग्रैंडसन के साथ भी बहुत खुश थे। लिंडा बेचारी ये चीज समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी आंखों के सामने गॉड है। एमेनाडील यहाँ पे गॉड से कहता है कि मैं वैसे लूसीफर की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बार माइकल की सच में गलती थी, कुछ चीजें उसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन लूसीफर को भी आपकी बात माननी चाहिए थी। जिसके बाद में गॉड कहते हैं कि हमें पता है कि परिवार को एक करने के लिए आज किसकी जरूरत है। यह सीन शिफ्ट हो जाता है क्लोई और डैन पे, जहाँ पे क्लोई डैन को कहती है कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि लास्ट एपिसोड में डैन को पता चल चुका था कि लूसीफर एक डेविल है। जहाँ डैन कहता है कि क्लोई तुमने तो खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभाला, मैंने तो उसे शूट कर दिया था। जहाँ क्लोई कहती है कि डेविल के बारे में पता चलना इतना भी आसान नहीं है, मैंने एक प्रीस्ट के चक्कर में आके उसे जहर देने की कोशिश करी थी। वहीं पे एला का भी हाल बुरा था क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसका ये एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम पीट था और वो ही एक किलर निकला था। उसके बावजूद भी एला खुद को संभालती हुई केस सॉल्व कर रही थी। क्राइम सीन एक वंडर पार्क था जहाँ पे काम करने वाले यहीं के ओनर थे। उन्हीं में से एक भाई जिसका नाम क्रिस था वो पूरी तरीके से जल चुका था। सभी को एक्सपेक्टेशन थी कि लूसीफर यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा और तभी यहाँ पे लूसीफर आ जाता है, जो कि कहता है कि इन सारे भाई बहनों को तो देखो, इसने अपने ही भाई को मार डाला। जहाँ पे डैन कहता है कि लूसीफर को कुछ पता ही नहीं है तो फिर वो केस क्यों सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे लूसीफर से आके गॉड मिलते हैं और वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसीफर अभी भी बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ था। यहाँ पे गॉड उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, यानी कि एक फैमिली डिनर। जहाँ लूसीफर कहता है कि मैंने अनंत काल तक अपनी पनिशमेंट हेल में निकाली है और उसके बाद आज आप मुझे टॉर्चर करने के लिए फैमिली डिनर पे लेके जाना चाहते हैं, जहाँ हर जगह सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ में टॉर्चर होगा। आप ये कभी भूल के भी मत सोचिएगा कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट होऊंगा। यहाँ पे क्लोई डैन को कहती है कि लूसीफर यहाँ पे खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जिसके बाद में क्लोई को समझ में आता है कि लूसीफर के पास में मेरी प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपनी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इस केस के कारण वो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इस वंडर पार्क में काम करने वाले सभी सिबलिंग से पूछताछ की जाती है, जहाँ पे कुल मिला के चार भाई बहन थे जिसमें से एक क्रिस था जिसकी मौत हो चुकी थी। बाकी तीनों से पूछताछ की जा रही थी कि आखिर तुम लोगों का क्रिस से क्या लेना देना था और तुमने उसको क्यों मारा। लूसीफर तो यही सोच रहा था कि इन्हीं तीनों भाई बहनों में से किसी ने क्रिस को मारा होगा, लेकिन तभी यहाँ पे इनकी बहन कहती है कि हमारे पास एक कंपेटिटर है जिसका नाम हुआन है और उसका वंडर पार्क भी हमारे आसपास ही है। कई दिनों से वो हमको धमकियां दे रहा था और इसी के साथ उसने हमारे कैसल पे ये भी लिखा था कि आई विल डिस्ट्रॉय यू। जहाँ लूसीफर और क्लोई पहुंच जाते हैं हुआन से पूछताछ करने के लिए। इसका भी वंडर पार्क बहुत अच्छा था, लेकिन हुआन जैसे ही लूसीफर और क्लोई को देखता है वो भागने लग जाता है। बेचारे हुआन की कार आगे ही नहीं बढ़ पाती क्योंकि डेविल ने उसे पकड़ रखा था। अब हुआन से पूछा जाता है कि आखिर पुलिस वालों को देख के तुम भाग क्यों रहे थे, तो हुआन कहता है कि मैं बस अपनी रेसिंग कार्स के अंदर ZX3 मिलाता हूँ और ये चीज एक इल्लीगल है, मुझे लगा आप लोग ZX3 के लिए मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। जहाँ क्लोई कहती है कि क्रिस की मौत हो चुकी
चुकी है और जहाँ पे उसकी बॉडी मिली है वहाँ पे ZX3 भी मिला है, यानी कि तुम्हारी गैस फ्यूल। तो अब बताओ तुमने क्या किया उसके साथ में। जहाँ पे हुआन कहता है कि हम लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे मार दूंगा, बल्कि क्रिस्की तो खुद अपने परिवार से नहीं बनती थी, वो तो मुझसे जॉब तक मांगने के लिए आया था। जहाँ पे क्लोई कहती है कि ये बात उसके भाई बहनों ने तो नहीं बताई थी। जिसके बाद में यहाँ पुलिस स्टेशन में क्रिस की गर्लफ्रेंड को बुलाया जाता है। यहाँ पे क्लोई और लूसीफर उससे पूछते हैं कि आखिर क्रिस का अपनी फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर था। क्रिस की गर्लफ्रेंड बताती है कि क्रिस की फैमिली वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, उसके कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। जरूर उसके फैमिली वालों में से ही किसी ने उसे मारा होगा। जिसके बाद में क्लोई भी अब लूसीफर की इस थ्योरी पे बिलीव कर लेती है कि शायद क्रिस की फैमिली में से ही कोई है जिसने उसे मारा है। इसलिए क्लोई लूसीफर को कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली में से कोई मारना चाहता तो वो कौन होता, यानी कि माइकल। तो हमें इस फैमिली में से माइकल को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि गॉड रात के डिनर की प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी कि वो खुद के हाथ से खाना बना रहे थे कि तभी यहाँ पे हमारी डीमन यानी कि मैजिकिन आके गॉड से मिलती है। गॉड मैजिकिन के लिए एक बहुत अच्छा ड्रिंक बनाते हैं जो कि मैजिकिन को बहुत पसंद आता है, लेकिन वो बताती नहीं है। यहाँ पे मैजिकिन का कहना था कि मुझे मेरी सोल चाहिए। गॉड कहते हैं कि डीमंस को कभी सोल नहीं दी जाती है, तुम जैसी भी हो तुम खुद हो और तुम्हें आखिर सोल क्यों चाहिए। जहाँ पे मेस कहती है कि सबके पास में सोल है और सबके पास अपने पार्टनर है और एक मैं ही हूँ जिसके पास में सोल नहीं है। तो गॉड कहते हैं कि मैंने जब तुम्हें बनाया था तो बहुत सोच समझ के बनाया था, तुम जैसी भी हो बहुत परफेक्ट हो, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। जहाँ मेज अपने असली चेहरे यानी कि डीमन फेस में आती है और फिर गॉड से पूछती है कि अब बताइए कि क्या मैं अधूरी हूँ या फिर पूरी हूँ। तो गॉड कहते हैं कि मुझे तुम अभी भी पसंद हो, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, यानी कि मेज का काम गॉड नहीं करते हैं। वही दूसरी तरफ एमेनेडील लूसीफर को मनाने के लिए आता है कि तुम मेरी बात मानो और हमारे साथ फैमिली डिनर पे चलो, जो भी बात होगी तुम वहाँ पे कर लेना। लूसीफर एमेनेडील को कहता है कि इतनी मुश्किल से तुम मेरी बात मानने लगे थे, तुमने गॉड को मानना छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही गॉड आए तुम उनके चमचे बन चुके हो और उनकी बातों में आ रहे हो, मैं वहाँ पे कभी नहीं आने वाला। यहाँ दूसरी तरफ एला अपने काम में लगी हुई थी क्योंकि वो खुद का ध्यान भटकाना चाहती थी। तब वहाँ पे डैन आता और उसे समझाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पे हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, हम दोनों अपनी अपनी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पे लूसीफर और क्लोई पीटरसन फैमिली के हर बच्चे से पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ पे सारे बच्चे यही कहते हैं कि हम हमारा काम कर रहे थे उस दिन, क्रिस को हमने नहीं देखा था। और इसी के साथ में वो तीनों लोग आपस में कहने लगते हैं कि मैंने मेरे भाई को नहीं देखा एक घंटे के लिए, मैंने मेरी बहन को नहीं देखा, तो तुम उनसे पूछो। लेकिन इन सारी बातों से ये साबित नहीं हो रहा था कि किसने क्रिस को मारा था। यहाँ क्लोई और लूसीफर जब इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर आते तो तभी इन्हें पीटर मिलते हैं यानी कि क्रिस के फादर, और वो खुद ही सरेंडर कर देते हैं। वो बोलते हैं कि क्रिस को मैंने मारा था, वो पूरे वंडरलैंड को जलाने वाला था, इसी कारण मेरी उसे हाथापाई हो गई, मैं उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन उसे चोट लग गई और हमारे हाथ में गैस सिलेंडर था। यहाँ क्लोई पीटर के लिए कहती है इन्हें ले जाइए और इनका स्टेटमेंट ले लीजिए। जिसके बाद में लूसीफर को ये चीज सुन के अच्छा और बुरा दोनों लगता है। अच्छा इसलिए कि फादर होने के कारण भी उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की कि वो एक बुरे पिता है, और लूसीफर को बुरा इसलिए लग रहा था कि उसके फादर ने ही अपने बेटे को मार दिया, यानी कि वो खुद को गॉड से कनेक्ट कर रहा था। जिसके बाद में लूसीफर अब फैमिली डिनर पे जाने के लिए तैयार हो चुका था। यहाँ पे फैमिली डिनर पे एमेनेडील और गॉड तो थे ही, तभी यहाँ पे माइकल पहुँचता है और इसी के साथ वो लूसीफर को टोन देता है कि वो यहाँ पे कभी नहीं आने वाला, उसे फैमिली की कदर ही नहीं है। लेकिन सभी को गलत साबित करते हुए लूसीफर यहाँ पहुँच चुका था। इसी के साथ लिंडा यहाँ से जाने लगती है, तो गॉड कहते हैं तुम हमारे ग्रैंडसन की मदर हो, यानी कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो अब से तुम भी हमारे साथ ही रहोगी। अब जब यहाँ पे डिनर शुरू हो चुका था तो यहाँ पे माइकल पहले से ही लूसीफर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था। लूसीफर अपनी सारी बातों में टॉन्ट मिला के दिए जा रहा था गॉड को कि माइकल इस अर्थ पे आया, मेरी शक्ल ले ली, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे हेल मिला। लूसीफर के पास में इतनी सारी कंप्लेंट्स थी। यहाँ पे एमेनेडील लूसीफर को चुप कराने की कोशिश करता है और इसी के साथ में माइकल को भी। लूसीफर यहाँ अपने फादर यानी कि गॉड को भी नहीं छोड़ता है और वो उन्हें कहता है कि क्या आप हमें प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे बस सिंपल सा आंसर दीजिए। जहाँ गॉड कहते हैं कि अगर मुझे ये चीज बतानी पड़े तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो लूसीफर कहता है कि देखा तुम सब लोगों ने, वो हमें नहीं प्यार करते हैं। एमेनेडील कहता है कि उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। जिसके बाद में यहाँ लूसीफर माइकल और सभी के बीच में आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गॉड इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि यहाँ पे सारी लाइट्स चली गई थी, कैंडल बुझ चुकी थी, यहाँ बारिश के साथ बिजली भी कड़कने लग गई थी। गॉड जब शांत होते हैं जिसके कुछ सेकंड बाद में लाइट वापस आ चुकी थी। अब बारी थी लिंडा के बोलने की। यहाँ लिंडा गॉड से बस यही कहती है कि आपके बच्चों को आपका प्यार चाहिए, ये बच्चे बस ऐसे हैं कि अगर इन्हें आपका प्यार मिले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लूसीफर यहाँ गॉड को कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये हमें कभी प्यार कर ही नहीं सकते हैं। लूसीफर के मन में बहुत सारी चीजें थी, इसी कारण वो वहाँ से परेशान होकर चला गया। वही दूसरी तरफ क्लोई को अभी भी डाउट था कि अगर पीटर ने आके अपना कन्फेशन किया है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, इसी कारण वो हुआन के सीसीटीवी कैमरे को चेक कर रही थी। वहाँ पे पता चलता है कि
डेनिस हुआन के पास में जॉब मांगने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे क्रिस की गर्लफ्रेंड भी है। क्रिस की गर्लफ्रेंड ने पूछताछ के टाइम पे नहीं बताया था कि वो हुआन के साथ में ही है। इधर डैन आके बताता है कि पीटर अपने घर से भाग रहा है। वहीं दूसरी तरफ एमिनाडील के घर में हम लोग गॉड और एमिनाडील दोनों को देखते हैं, जहाँ एमिनाडील अपने फादर को कहता है कि चार्ली एक मॉर्टल बच्चा है, यानी कि वो बड़ा होगा, बूढ़ा होगा और मर जाएगा, इंसानों के जैसे उसे भी दर्द होगा। जहाँ गॉड कहते हैं कि अगर वो मॉर्टल है इसका मतलब है ये सारी चीजें तो होंगी ही। जिसके बाद में एमिनाडील कहता है कि आप मेरी सारी पावर्स ले लीजिए और मेरे बच्चे को एंजल बना दीजिए, मुझे नहीं जीना और ज्यादा, बस आप चार्ली को एंजल बना दीजिए। जहाँ गॉड एमिनाडील को कहते हैं कि तुम अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, तो एमिनाडील कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ गॉड कहते हैं कि काश फादर बनना इतना ही आसान होता। कि तभी यहाँ माइकल आता है और गॉड को कहता है हमारे चलने का टाइम आ चुका है, तो क्या आप रेडी है। यहाँ गॉड माइकल को कहते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि सिल्वर सिटी तुम जा रहे हो। तो माइकल कहता है ठीक है फिर मैं भी थोड़े दिन के लिए रुक जाता हूँ। जिसके बाद में गॉड यहाँ पे पनिशमेंट देते हुए माइकल को कहते हैं कि तुम्हें सिल्वर सिटी जाना है और वहाँ से आज के बाद तुम कभी भी अर्थ पे नहीं आओगे, यानी कि माइकल को उसकी सजा मिल चुकी थी। इधर सभी लोग स्टेशन की तरफ भागते हैं, जहाँ पे लूसीफर और क्लोई ने पीटर को देख लिया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पीटर ने तो गन पॉइंट पे क्रिस की गर्लफ्रेंड को ले रखा था। यहाँ पीटर बोलते हैं कि मैंने अपने सारे बच्चों से पूछा, मुझे लगा था कि मेरे बच्चों में से किसी ने क्रिस को मारा होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि उन्होंने नहीं मारा तब मुझे लगा कि इसी लड़की का काम होगा। यहाँ क्रिस की गर्लफ्रेंड कहती है कि इनकी फैमिली इतनी बुरी थी कि क्रिस कभी कुछ कर ही नहीं पाया, मैं बस उसे हमेशा अच्छी तरीके से देखना चाहती थी, इसी कारण मैं इस पूरे वंडपा को जलाना चाहती थी, लेकिन गलती से क्रिस बीच में आ गया। देखते ही देखते वहाँ पे आग काफी ज्यादा बढ़ गई और क्रिस उसी में जल के मर गया। जहाँ लूसीफर को रियलाइज होता है कि क्रिस अपने फैमिली और वंडपा को बचाते हुए मरा था। यहाँ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि माइकल से मिलने के लिए मेज आई थी, जहाँ मेज बताती है कि गॉड से उसने सोल मांगने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसी कारण वो माइकल को कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था सोल देने का तो अब तुम दो। तो माइकल कहता है कि मैंने तुम्हें गॉड से मिलाने का प्रॉमिस किया था, सिर्फ और सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं। तो मेज कहती है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ में झूठा वादा किया। जहाँ माइकल कहता है कि हर चीज पॉसिबल हो सकती है और खेल अभी खत्म कहाँ हुआ है। जिसके बाद में माइकल एक ही सेकंड में वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखते हैं कि लूसीफर से आके क्लोई मिलती है। लूसीफर को कहती है कि मैं ये समझ चुकी हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम नहीं बल्कि तुम्हें अपनी फैमिली से प्रॉब्लम है, जब तुम इस फैमिली के प्रॉब्लम से क्लियर हो जाओ तब तुम मेरे पास आ सकते हो। जिसके बाद लूसीफर कहता है कि मैं ये चीज समझ चुका हूँ कि मैं ना चाहते हुए भी बिल्कुल मेरे डैड के ऊपर गया हूँ, यानी कि हम लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें प्यार कभी नसीब ही नहीं हो सकता है। और मैं सच बताऊँ तो क्लोई मैं कभी झूठ नहीं बोलता, या फिर अगर मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया तो इसका मतलब होगा कि मैंने तुम्हें झूठ में प्रपोज किया है, मुझे बस इन सारी चीजों के लिए टाइम चाहिए। जहाँ क्लोई तो बस ये बातें सब कुछ सुन ही रही थी कि सिर्फ और सिर्फ जैसे क्लोई को ही प्यार हुआ हो और लूसीफर को कुछ भी नहीं, यानी कि लूसीफर इस रिलेशनशिप के लिए मना कर देता है क्लोई को। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर के लास्ट एपिसोड्स में गाइस हम सभी लोगों ने देखा था कि कैसे गॉड अब अर्थ पे आ चुके हैं और इसी के साथ गॉड अब लूसीफर के साथ अपने रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं। तो क्या अब लूसीफर और गॉड के बीच वापस से बन पाएगी या और कोई नए झगड़े हो जाएंगे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम लूसीफर को अपने ही लक्स में देखते हैं जो कि खुद के लिए म्यूजिक प्ले कर रहा था और साथ ही साथ क्लोई को भी याद कर रहा था, क्योंकि लूसीफर ने लास्ट एपिसोड में कहा था कि उसे क्लोई के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ गॉड आ जाते हैं, जिसके बाद में लूसीफर और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि आखिर आप यहाँ पर आए क्यों हैं, आप अपने बेटों के पास जाइए या फिर वापस से अपने घर चले जाइए। जहाँ गॉड लूसीफर को बताते हैं कि माइकल को तो मैंने भेज दिया है वापस से। लूसीफर को पता चलता है कि आपने जरूर उसे पनिशमेंट देके भेजा होगा और वो लायक भी है इसके, लेकिन आप मेरी जिंदगी में आखिर क्यों आए हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था और फाइनली आप आ धमके, तो आप बस मेरी लाइफ से चले जाइए। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है क्राइम सीन पे, जो कि एक प्लेग्राउंड था जहाँ पे पहले से ही क्लोई और बाकी पूरी फॉरेंसिक टीम भी थी। यहाँ पे क्लोई लूसीफर को कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कैसे किसी से प्यार नहीं कर सकते हो। जहाँ लूसीफर कहता है कि ये सारी चीजें अब मेरे बस में नहीं है, तो क्लोई कहती है कि भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो लेकिन हम दोनों पार्टनर बनके तो रह ही सकते हैं, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बदलेगा। लूसीफर इस बात को सुन के खुश हो जाता है और कहता है कि हम दोनों हमेशा पार्टनर रहेंगे। जिसके बाद में एलाइन विक्टिम के बारे में बताती है कि विक्टिम का नाम स्टीव है और ये एक रेफरी है। रेफरी एक ऐसा इंसान होता है जो कि एक टीम को जिताता है तो वहीं दूसरी टीम को हराता भी है, इसी कारण कई लोगों से उसकी दुश्मनी हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें एला, डैन, क्लोई और लूसीफर कोई भी नहीं रुकता है। कुछ चीजें नॉर्मल होने के बाद लूसीफर को पता चलता है कि यहाँ गॉड आए हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे भी गॉड होते हैं वहाँ पे लोग अपने आप अपने मन की खुशी से डांस करना शुरू कर देते हैं। लूसीफर कहता है कि आखिर आप लोगों को नचाना कब बंद करेंगे। जहाँ
गॉड कहते हैं कि हम तो बस ये देखने आए थे कि हमारा बेटा आखिर करता क्या है। लूसीफर कहता है कि एक क्राइम सीन है जहाँ पे आप ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्लोई विक्टिम की वाइफ जिसका नाम डार्ला था उससे पूछताछ करती है। यहाँ डार्ला कहती है कि स्टीव के कई दुश्मन बन चुके थे, जो टीम भी हार जाया करती थी उस टीम को स्टीव पे बहुत गुस्सा आया करता था। एक बार तो हद पार हो गई और लोगों ने हमारे घर पे अंडे तक फेंक दिए थे। इसी के साथ स्टीव को कई सारे मेल्स भी आया करते थे। जहाँ पे लूसीफर अभी भी अपने डैड से लड़ ही रहा होता है तभी क्लोई आती है और लूसीफर से पूछती है कि आखिर ये कौन है। जहाँ लूसीफर कहता है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसे ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम इससे मत ही मिलो। लेकिन क्लोई के पूछने पे लूसीफर बता देता है कि ये डैड है। हालांकि क्लोई को यहाँ पे अच्छा बिहेव करना चाहिए था क्योंकि ये गॉड है, लेकिन क्लोई तो यहाँ गॉड के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि आपने भले ही यूनिवर्स बनाया हो, आपने इंसानों को बनाया हो और भी बहुत अच्छे काम किए हो, लेकिन आप एक पेरेंट्स अच्छे साबित नहीं हो पाए। मैं भी एक पेरेंट हूँ और वर्किंग पेरेंट हूँ, तो मैं इन चीजों को समझ सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे से गलती क्या हुई? आपने उसे सिल्वर सिटी से ही बाहर निकाल दिया। यहाँ गॉड क्लोई की सारी बातों को एक स्माइल के साथ में सुन रहे थे और क्लोई को कहते हैं कि क्लोई डेकर, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे बेटे को अच्छी तरीके से संभाल रही हो। यहाँ क्लोई ये भी कहने वाली थी कि आपने तो मुझे एक तोहफे के रूप में भेजा है, लेकिन तभी लूसीफर क्लोई को वहाँ से ले जाता और बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है। सीन शिफ्ट हो जाता है एमिन डील पे, जो कि अपने घर को अब सेफ मान रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि चार्ली एक नॉर्मल बेबी है, यानी कि वो एक एंजल बेबी नहीं होने के कारण उसके विंग्स नहीं निकलेंगे। लिंडा जब पूछती है कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, तो एमिन डील कहता है कि गॉड से मेरी बात हुई है, चार्ली तुम लोगों जैसा ही है। तो लिंडा कहती है कि ये तो अच्छी बात है, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इस चीज से इतना दुख क्यों हो रहा है? तो एमिन डील बोलता है कि इंसान कितने कमजोर होते हैं, हम एंजल्स को देखो कितने पावरफुल होते हैं, हम कभी मरते नहीं है, हमें बहुत सारी पावर्स होती है और इसी के साथ हमें दर्द भी नहीं होता है। लिंडा एमिन डील को कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, कि इंसान अच्छे नहीं होते या फिर पावरफुल नहीं होते हैं? लिंडा इस चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी कि एमिन डील एंजल्स को इंसानों से ज्यादा अच्छा मानता है। यहाँ स्टीव के मेल को चेक किया जाता है, जहाँ पे जीजे नाम के लड़के की मेल आईडी को ट्रैक किया गया था। ये एक टीनेज बच्चा था, इसी कारण इसके मॉम को भी यहाँ बुलाया गया था। क्लोई पूछती है जीजे से कि आखिर तुमने स्टीव को इतने हेट मेल्स क्यों किए थे? जहाँ जीजे की मॉम बोलती है कि सिर्फ एक वही मैच था जिससे जीजे को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन स्टीव ने ये पूरे मैच का गलत आंसर दिया, एक ऐसी टीम को जिता दिया जो कि डिजर्विंग भी नहीं थी। मेरा बेटा अगर जीत जाता तो आज वो बहुत अच्छे कॉलेज में होता। जिसके बाद फिर से यहाँ गाना शुरू हो जाता और सभी लोग डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। लूसीफर पहुंच जाता है अपने डैड के पास में और कहता है कि ये सब चीजें बंद करो। चीजें नॉर्मल होने के बाद जीजे अपने मुंह से ही बता देता है कि मैंने स्टीव को हिटमेल्स भेजे थे, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है, असलियत में मैं एक प्लेयर नहीं बल्कि कुक बनना चाहता हूँ। जिसके बाद में क्लोई और लूसीफर दोनों यही सोचते हैं कि जीजे की मॉम उसके ऊपर रूल करती है, वो अपने बच्चे को वो नहीं करने देना चाहती जो वो करना चाहता है। साथ ही जाने से पहले जीजे इन दोनों को ये भी बताता है कि स्टीव का एक बंदे से झगड़ा हो रहा था और वो कोच है। इसी के साथ वो येलो कलर की बहुत पुरानी गाड़ी में आता है। यहाँ लूसीफर का क्लोई से कहना था कि जीजे की मॉम ही सारी कसूरवार है, इन दोनों को आपस में झगड़ा कर लेना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को मार देना चाहिए, ये अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। वहीं पे क्लोई लूसीफर को कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि आपस में बैठ के बात की जा सके। जिसके बाद लूसीफर इस चीज से कनेक्ट कर रहा था, यानी कि उसे अपने फादर से बैठ के बात करनी चाहिए जिससे शायद सारे मसले सॉल्व हो सके। और अब यहाँ पे लूसीफर अपने डैड को इन्वाइट करता है अपने घर में रहने के लिए। लूसीफर का कहना था कि अगर मेरी आपसे सुलह हो गई तो इसका मतलब है कि मेरी बाकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे गॉड लूसीफर के साथ पुलिस स्टेशन आते और देखते हैं कि आखिर उनका बेटा काम कहाँ करता है। इसी के साथ वो लूसीफर का सिंहासन पूछते हैं कि तुम्हारा थ्रोन कहाँ पर है। लूसीफर कहता है कि यहाँ पे सभी लोग एक साथ काम करते हैं। जिसके बाद में लूसीफर यहाँ डैन को गॉड से मिलवाता है। डैन को अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं होता कि उसके सामने यूनिवर्स के क्रिएटर यानी कि गॉड है। वो इतना ज्यादा हेजिटेट हो जाता है कि कभी तो अपने घुटनों पे बैठ चुका था और एक्साइटमेंट के कारण उनसे गले भी मिल लेता है। डैन को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो गॉड से आखिर क्या बोले, लेकिन तभी यहाँ पे गॉड का एक डायलॉग आता है कि तुम डैन हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी बीवी से भी मिले थे ना, और मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। गॉड जब ये डायलॉग डैन को बोल के जाते हैं, उसके बाद डैन के सारे फ्यूज उड़ चुके थे कि आखिर गॉड कहना क्या चाहते थे। यहाँ हम देखते हैं कि मेज एक बाउंटी हंटिंग करके आई थी और इसी के साथ वो एला से बात करती है, लेकिन तभी यहाँ पे फिर से डांस शुरू हो जाता है क्योंकि आसपास कहीं ना कहीं गॉड थे। यहाँ एला क्लोई को उस कोच की डिटेल्स बता देती है कि वो कोच कौन है जिससे स्टीव का झगड़ा हुआ था। इसी के साथ लूसीफर का फिर से अपने डैड के साथ में झगड़ा हो जाता है कॉफी को लेके। असल में सच में लूसीफर ने कॉफी एक अल्कोहलिक कॉफी बनाई थी जिसे गॉड भी नहीं पीना चाहते थे। यहाँ पे ये दोनों अपना झगड़ा सॉल्व करने के लिए पहुंच जाते हैं लिंडा के पास में, यानी कि लिंडा गॉड को थेरेपी दे रही थी। जहाँ पे लूसीफर और गॉड दोनों की बातें सुनने के बाद लिंडा कहती है कि दोनों अपनी जगह पे ठीक हो। लूसीफर जो कि एक आर्क एंजल है और उसे सब कुछ आता है, वो लोगों की ख्वाहिशें सुन सकता है, लेकिन उसे अपने डैड की बात भी सुननी चाहिए। अच्छा होगा कि ये
दोनों एक दूसरे से बात करे और इसी के साथ गॉड को कहती है कि आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए। जहाँ गॉड कहते हैं कि अगर मैं इससे कुछ बात करता हूँ तो ये कहता है कि आप मेरे मैटर में दखल अंदाजी कर रहे हैं, और अगर मैं इसे कुछ राय नहीं देता हूँ तो ये बोलता है कि मैं इसे प्यार ही नहीं करता। तो अब आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ लिंडा सारी प्रॉब्लम समझ चुकी थी और लास्ट में यही कहती है कि आप दोनों को बैठ के अपने खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। यहाँ क्लोई और लूसीफर पहुँच जाते हैं इसी दूसरे कोच से मिलने के लिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ गॉड भी थे। लूसीफर इस कोच से इसके कार की चाबियां ले लेता है, जिसे देख के गॉड को बड़ी खुशी होती है कि उसका बेटा कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दूसरी तरफ डैन यहाँ लक्स के अंदर ड्रिंक कर रहा था और एमिनाडील को बोलता है कि मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और इसी के साथ मैं गॉड से भी मिलके आया, लेकिन मुझे बस एक चीज से डर लग रहा है कि क्या तुम लोगों में भी जेलेसी नाम की चीज होती है। गॉड ने मुझे ये कहा कि मैं उनकी वाइफ से मिला था जो कि शार्लेट में थी, तो क्या शार्लेट की बॉडी में गॉडेस उस टाइम पे थी जब मैं उनकी बॉडी में था। यानी कि डैन के कहने का मतलब था कि अगर वो शार्लेट के साथ में था तो गॉडेस भी उसी टाइम शार्लेट की बॉडी में थी। एमिनाडील इन सारी बातों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था क्योंकि एमिनाडील को तो ये सारी चीजें पता थी और अपनी मॉम के लिए आखिर वो क्या बोल सकता था। डैन अब समझ चुका था कि उसकी तो लग चुकी है, गॉड तो उससे अच्छा खासा पंगा लेने वाले हैं क्योंकि वो गॉडेस के साथ में जो सोया था। जिसके बाद फिर से डांस शुरू हो जाता है हर जगह, और जिसके बाद में लूसीफर बोलता है कि लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाना बंद करो, तो गॉड कहते हैं कि आखिर इसमें हर्ज ही क्या है, देखो सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि लूसीफर अपने सोफे पे ही न्यूड सो चुका था, तभी यहाँ पे गॉड अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। लूसीफर जब अपनी नींद से उठता है तो डैड को कहता है कि आखिर आप ऐसे कैसे आ गए, आपने मुझे ऐसे क्यों देखा। तो गॉड बोलते हैं कि क्या मैंने तुम्हें पहली बार ऐसे देखा है, तुम मेरे सामने ही तो बड़े हुए हो। जहाँ लूसीफर गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आप मुझे थोड़ी तो प्राइवेसी दीजिए, आखिर आज आपकी छुट्टी है और जाके कहीं और घूम के आइए। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एला क्लोई को बताती है कि मैंने पूरी कार को चेक किया लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ क्लू नहीं मिला, बस एक ऐसा बाल मिला है जिसे डाई किया गया है, ऐसा बाल जो कि चीयरलीडर्स के पास में हो सकता था। यहाँ क्लोई और लूसीफर समझ चुके थे कि इन्हें किन के पास में जाना है पूछताछ करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गॉड पहुंच चुके थे पार्क में, यानी कि वो अपने ग्रैंड सन को देखने के लिए आए थे और इसी के साथ एमिनाडील और लिंडा को कि वो अपने सन को कैसे संभाल रहे हैं। यहाँ क्लोई और लूसीफर पहुंच जाते हैं डार्ला के पास में, जिसे क्लोई झूठ मूठ में कहती है कि वहाँ हमें एक बाल मिला है जो कि बिल्कुल तुम्हारे बाल के जैसा दिखता है, हम उसका डीएनए टेस्ट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि तुमने ही तुम्हारे पति को मारा है। डार्ला ये चीजें सुन के डर जाती है और खुद ही खुद से कन्फेस कर देती है कि स्टीव इतने ज्यादा नुक्स निकालता था हर चीज में कि मैं 20 सालों से तंग आ चुकी थी, तो आखिर मैं अब क्या कर सकती थी। तो लूसीफर कहता है कि भले ही वो कैसा भी हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे मार ही डालोगी। तभी डार्ला यहाँ खुद की जान बचाते हुए वहाँ पे रखे हुए बीकर को हाथ में ले लेती है, जिसके कारण वहाँ आग लग जाती है और लूसीफर ये सारी आग अपने हाथ पे ले लेता है। क्लोई डर चुकी थी कि आखिर लूसीफर ये कैसे कर रहा है, लेकिन लूसीफर ने अपने हजारों साल हेल की आग में बिताए थे तो ये आग उसके लिए बहुत मामूली थी। और अब लूसीफर और क्लोई में बात होती है कि शायद उन्हें एक दूसरे के लिए टाइम देना चाहिए, एक बार बस ये फैमिली मैटर सुलझ जाए उसके बाद ये लोग मिलके सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे। जब क्लोई अपने घर पे आती है तो यहाँ हम ट्रिक्सी को देखते हैं। इसी के साथ में क्लोई को वो हर मोमेंट याद आता है लूसीफर के साथ, जो इतने सालों तक उसने लूसीफर के साथ में बिताए थे। यहाँ हम देखते हैं कि लूसीफर जब अपने लक्स में ड्रिंक कर रहा होता है तो अपने डैड से पूछता है कि आखिर ये सारी चीजें चल क्यों रही है, आप आखिर कब मेरी लाइफ को छोड़ के जाएंगे, और अगर कुछ नहीं तो लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाना बंद करिए। जिसके बाद में फिर से लूसीफर यहाँ गाना स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते यहाँ पे गॉड कहते हैं कि मैं ये सारी चीजें कंट्रोल करना चाहता हूँ लेकिन ये मुझसे नहीं हो रही है। लूसीफर कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो गॉड कहते हैं कि मेरे पास अब मेरी पावर्स का कंट्रोल नहीं रहा है, मैं चीजों को ठीक करना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं हो पा रही है। यहाँ हम देखते हैं कि गॉड रोने भी लग गए थे। लूसीफर जब पलट के देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसके फादर बिल्कुल सच कह रहे हैं, यानी कि गॉड के पास में अब उनके पावर्स का कंट्रोल नहीं रहा है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर के लास्ट एपिसोड में जैसा कि हम सभी को पता था कि कैसे गॉड ने अपना कन्फेशन लूसीफर के सामने किया कि अब उनके पास उनकी पावर्स का कोई कंट्रोल नहीं रहा है, वो चाहते हैं इन्हें कंट्रोल करना लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। और लूसीफर के कंफ्यूजन के साथ वो एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है और नया एपिसोड की कंटिन्यूटी के साथ एपिसोड नंबर 11 शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एमिनाडील और लूसीफर दोनों रेडी थे किसी से बात करने के लिए। ये दोनों फुल टशन के अंदर निकलते हैं लेकिन बार बार लूसीफर एमिनाडील से एक ही सवाल करता है कि क्या तुम उनकी बातों में तो नहीं आओगे वो चाहे कितना भी बहकाए। जहाँ हमें पता चलता है कि लूसीफर और एमिनाडील अपने डैड के बारे में बात कर रहे हैं, वो दोनों कहना चाहते हैं कि हम दोनों को उन्हें वापस से सिल्वर सिटी भेजना ही पड़ेगा। लेकिन लक्स में तो गॉड मिलते ही नहीं है। तब वहाँ एमिनाडील बारटेंडर को पूछता है कि क्या आपने एक लंबे चौड़े कद के आदमी को देखा है जिसके चेहरे पे नूर हो और वो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। तो वो बारटेंडर कहती है कि क्या आप प्लम्बर की बात कर रहे हैं, यानी कि गॉड के पास अर्थ पे रह के कुछ काम नहीं बचा तो वो लक्स के पाइप ठीक कर रहे थे। जहाँ एमिनाडील और लूसीफर कहते हैं कि हम दोनों को आपसे बात करनी है, आपको सिल्वर
सिटी वापस से जाना पड़ेगा, जहाँ गॉड कहते हैं कि मुझे भी तुमसे यही बात करनी थी, और बात यह है कि मैं अपनी पावर्स को रख के कहीं पे भूल गया हूँ। और गॉड फिर से कोई दूसरा काम करने में लग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है क्लोई पे, जो कि एक चोर से सवालात कर रही थी, और ये क्वेश्चंस और किसी से नहीं बल्कि ट्रिक्सी से पूछे जा रहे थे। यानी कि ट्रिक्सी ने अपने स्कूल में अपने ही एक क्लासमेट को लंच टेबल पे क्लोई के हैंडकफ से बांध दिया था, इसी कारण ट्रिक्सी को सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ ट्रिक्सी को इस बात का गिल्ट था कि क्लोई को अपना सारा काम छोड़ के ट्रिक्सी को संभालना पड़ रहा है, जहाँ क्लोई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काम मेरा है। जहाँ ट्रिक्सी कहती है कि वो बच्चा बहुत ही बुरा था, सबको परेशान कर रहा था, और मैं भी आपके जैसा ही काम कर रही हूँ। यहाँ क्लोई कहती है कि मैं मेरा काम अच्छी तरीके से जानती हूँ, और तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, और आज मुझे एक अर्जेंट केस के लिए जाना है, और वहीं पे तुम्हारे डैड भी बिजी है। इसी कारण क्लोई ट्रिक्सी का ध्यान रखने के लिए उसे लिंडा के पास छोड़ आती है। यहाँ लूसीफर अपना केस सॉल्व करने के लिए पहुंच चुका था क्लोई से पहले ही पुलिस स्टेशन में, जहाँ क्लोई का चेहरा देख के लूसीफर पूछता है आखिर बात क्या है, और तब इन्हें पता चलता है कि क्लोई के पास में भी अपनी खुद की फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि गॉड फिर से पुलिस स्टेशन में आ चुके थे, जिसके बाद में डैन काफी हिम्मत करके गॉड से मिलता है, और गॉड को कहता है कि देखिए मैं आपकी बीवी के साथ में सोया था, लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकता हूँ, तो आखिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। जहाँ पे गॉड डैन का हाथ पकड़ते और बोलते हैं कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेरी एक्स वाइफ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डैन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि गॉड उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। जहाँ लूसीफर दूर से खड़ा होकर देखता है, और उसे पता चलता है कि गॉड इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि डैन के चीथड़े उड़ चुके थे, और एक ही सेकंड में हर चीज पहले के जैसे हो चुकी थी। जहाँ लूसीफर भागता हुआ गॉड के पास आता है और कहता है आपने ये क्या किया, तो गॉड कहता है हम उसके ऐसे टुकड़े हुए हुए तो नहीं छोड़ सकते थे ना, हमें उसे पूरा तो करना पड़ता। इसका मतलब था कि असल में गॉड डैन से गुस्सा थे कि डैन उनकी वाइफ के साथ में था। यहाँ पे डैन को इस चीज का बिलीव हो चुका था कि गॉड ने उसके साथ कुछ न कुछ तो जरूर किया है। यहाँ क्लोई और लूसीफर केस से रिलेटेड बात कर ही रहे थे, तभी लूसीफर कहता है कि मुझे मेरे डैड को छोड़ के आना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले ही गॉड तो यहाँ से गायब हो चुके थे। जहाँ लूसीफर और क्लोई एक क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, जहाँ एला बताती है कि ये बिल्कुल एक फाइटर के जैसे मरा है, असलियत में ये एक बहुत बड़ा फाइटर है जिसका नाम वॉलकॉट है। क्लोई इस फाइटर को नहीं जानती थी। जहाँ लूसीफर और एला विक्टिम के पूरे डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फाइटर था जिसने 2015 के अंदर एक बहुत बड़ी फाइटिंग मैच को जीता था, लेकिन कुछ टाइम बाद में इसका करियर खराब हो गया एक एक्सीडेंट के बाद में, और उसके बाद ये कभी कमबैक कर ही नहीं पाया। यहाँ क्लोई विक्टिम को देख के बताती है कि इसके गले पे एक निशान है, यानी कि ये जरूर कोई दवाइयां लेता होगा। और तभी यहाँ पे लूसीफर को दिखाई दे जाते हैं अपने डैड, जहाँ गॉड कहते हैं कि तुम्हें हमारी पावर से बहुत ज्यादा तकलीफ थी ना, तो लो मैं अब इंसान में बदल चुका हूँ, और अब मैं भी एक बूढ़ा आदमी हूँ, यानी कि बाकी इंसानों के जैसे। जहाँ लूसीफर कहता है कि आपने आखिर ऐसा किया ही क्यों, आपको ऐसा करने की जरूरत क्यों आई। जहाँ लूसीफर कहता है क्लोई को कि हमें पहले इन्हें घर छोड़ के आना पड़ेगा, लेकिन क्लोई कहती है कि क्यों नहीं हमारे साथ ही चल चले। और अब गॉड भी हर जगह जगह इनके साथ केस सॉल्व करने लग जाते हैं। जहाँ पे पहली बार जब गॉड आइसक्रीम पीते हैं तो उन्हें एक फ्रोजन अटैक भी आता है, यानी कि उनका माइंड काफी ज्यादा नम हो चुका था, गॉड को इंसान बनने की आदत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ एला क्लोई और लूसीफर को एक फुटेज दिखाती है जहाँ पे वॉलकॉट का झगड़ा हुआ था एक फार्मेसी के अंदर, तो शायद अभी ने फार्मेसी में जाके पूछना पड़ेगा कि वॉलकॉट आखिर उस हॉस्पिटल में करने क्या गया था। यहाँ हम देखते हैं कि बार के अंदर डैन अभी भी धुत हो रखा था, और वहीं पे मेज आ जाती है जो कि उसे एकदम से डरा देती है, और डैन यहाँ पे पूछता है कि अब जब मुझे सब कुछ पता चल ही चुका है तो तुम भी एक डीमन हो, तो आखिर हेल के क्या हालचाल है। जहाँ मेज डरे हुए डैन को और ज्यादा डरा देती है कि हेल कितना ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। यहाँ दूसरी तरफ लूसीफर और क्लोई पहुंच जाते हैं इसी हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर से पूछताछ करने पे पता चलता है कि एक ऐसा ड्रग था जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइटर्स को ही दिया जाता था, वॉलकॉट भी वही ड्रग लेता था। एक टाइम के बाद में वो इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो फार्मेसी में झगड़े करने लग गया था। गॉड इन बातों के बीच बीच में बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर रहे थे। वहीं लूसीफर अपने पॉकेट में से एक ड्रग बॉक्स निकालता है जिसमें तरह तरह के दुनिया का हर ड्रग था, और लूसीफर डॉक्टर को यही ड्रग दिखा के पूछता है कि क्या आप इसी ड्रग के बारे में बात कर रही हैं। डॉक्टर उस ड्रग को पहचान जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारे पास कहां से आया। लूसीफर को अपना जवाब मिल चुका था, जहां क्लोई पूछती है कि सच में तुम्हारे पास ये ड्रग था। लूसीफर कहता है कि डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा, ये ड्रग हर जगह नहीं मिल सकता है, बहुत लिमिटेड लोग हैं, और मैं उन लिमिटेड लोगों को अच्छे से जानता हूँ। जिसके बाद में अब इन सभी लोगों को मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन करना था। जिसके पास ये ड्रग मिल सकता था वो एक कर्नल थी। यहाँ लूसीफर जब इस कर्नल के पास पहुँचता, उससे पहले ही गॉड यहाँ पहुँच चुके थे और कर्नल से हंसी मजाक करना शुरू भी कर चुके थे। यहाँ ट्रक के अंदर अभी क्लोई और डैन एक साथ बैठे थे, जहाँ डैन अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था और क्लोई को बताता है कि क्या ट्रिक्सी सेफ तो रहेगी। जहाँ क्लोई कहती है कि हमारी बेटी सिर्फ 11 साल की है, वो हेवन जाएगी या हेल जाएगी, ये बहुत बात की बातें हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है लिंडा के घर पे, जहाँ ट्रिक्सी बैठी थी और लिंडा की थेरेपी स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि वो ट्रिक्सी के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर उसने अपनी क्लासमेट के साथ ऐसा क्यों किया। जिसे लिंडा को पता चलता है कि ट्रिक्सी एक बहुत समझदार
लड़की है और इसी के साथ वो किसी के ऊपर बहुत गुस्सा है, तो शायद वो चीजों को नकार रही है। और लिंडा सजेस्ट करती है ट्रिक्सी को कि तुम जिससे भी गुस्सा हो उससे जाके बात करो। यहाँ लूसीफर कर्नल से इसी ड्रग के बारे में कहता है और कहता है कि अपने पैसे लो और मुझे वो ड्रग दे दो, जिसके बाद में गॉड यहाँ कर्नल से लूसीफर के बारे में बात करने लगते हैं। कर्नल कहती है कि तुम्हारे फादर कितने अच्छे हैं, यानी कि वो एटलीस्ट तुम्हारा साथ तो दे रहे हैं। जहाँ गॉड कहते हैं कि देखो मेरा बेटा कितना इंडिपेंडेंट है, वो यहाँ एले आ गया, अकेले रहने लग गया और अब तो वो काम भी करने लग गया है। यानी कि गॉड के मुंह से सब कुछ निकल चुका था कि मेरा बेटा एक कंसल्टेंट है और इसी के साथ एलएपीडी में काम करता है। ये बात सुनते ही कर्नल ने गन तान दी थी। और यहाँ डैन और क्लोई का कहना था कि इन दोनों को तो कुछ भी नहीं होगा, एक गॉड है एक डेविल है, इन्हें क्या हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ गॉड कहते हैं कि बेटा मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद में कर्नल गॉड के चुप नहीं होने के कारण उन्हें मिला के एक पंच देती है और गॉड जो कि अभी एक असल में गॉड नहीं है उनके मुंह पे लग जाती है। यानी कि एक बूढ़े इंसान को अगर कोई मारेगा तो उसे खून तो निकलना ही था। लूसीफर को ये देख के इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक के बाद एक सबको वहीं पे पटक देता है। यहाँ लूसीफर अपने असली डेविल रूप में भी आ चुका था, जिसके बाद में क्लोई और डैन यहाँ भाग के आते हैं। गॉड लूसीफर को कहते हैं कि बेटा मुझे वॉयलेंस नहीं चाहिए, तुम ऐसा मत करो। लेकिन तब तक तो काफी देर हो चुकी थी, वहाँ पे सब लोग मर चुके थे। यहाँ लूसीफर क्लोई को बताता है कि मेरे डैड को कोई हाथ तो लगा के दिखाए तो फिर मैं बताता हूँ। जिसके बाद लूसीफर अब गॉड को लेकर लक्स में आ चुका था और कहता है कि आपको ऐसी चीजें करनी ही नहीं चाहिए थी, सबसे पहले तो ये याद करिए कि आपने अपनी पावर्स कहाँ रखी है, आप ऐसे इंसान बन के इधर उधर नहीं घूम सकते, वो आपको मार डालते। जहाँ गॉड कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ लूसीफर गॉड को ड्रिंक ऑफर करता है, जैसे ही गॉड वो पीते हैं कि तभी वहाँ ट्रिक्सी पहुँच जाती है। ट्रिक्सी लूसीफर से गुस्सा थी और कहती है कि लिंडा ने मुझे यही बोला है कि जिससे गुस्सा हो उससे जाके बात कर लो। यहाँ लूसीफर कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ भेजा किसने है, जल्दी जाओ अपने डैड के पास में। और तभी लूसीफर देखता है कि गॉड यहाँ पे सो चुके थे। दूसरी तरफ अब कर्नल को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो बच चुकी थी और इसी के साथ उसे पूछताछ की जा रही थी कि ताकि वो सारा सच उगल दे। लेकिन कर्नल तो टस से मस भी नहीं हो रही थी। क्लोई अब उसके ऊपर इमोशनल अत्याचार करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को कॉल लगाऊंगी और बोलूंगी कि तुम अभी क्या काम कर रही हो, वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और उन्हें जब पता चलेगा कि उनकी बेटी ड्रग डील करती है तो उन्हें कैसा लगेगा। जिसके बाद में ये ट्रिक काम कर जाती है और कर्नल अपना मुंह खोलना शुरू कर देती है। यहाँ कर्नल बताती है कि मैंने वो ड्रग किसी फाइटर को नहीं दिए थे बल्कि एक कोच को दिए थे जो कि कई सारे फाइटर को ट्रेन करता है, जिसका नाम क्रिस्टोफ है। दूसरी तरफ एमिनेडी लक्स में पहुंचता है, जहां वो मेस को देखता है और मेस को कहता है कि मुझे डैड का ध्यान रखना है, उनके पास अब उनके पावर्स नहीं है और सिर्फ अब एक नॉर्मल इंसान है। जहां मेस कहती है कि मुझे उनसे माफी मांगनी है, मैंने उनसे सोल मांगी और उन्हें बुरा लगा। हालांकि ये एक मेस का तरीका था ताकि वो गॉड के पास पहुंच के उनके इंसानी शरीर को खत्म कर सके। लेकिन एमिनेडिल और मेस जब लक्स में पहुंचते हैं तब तक देर हो चुकी थी, यानी कि गॉड तो यहां से गुम हो गए थे। इधर लूसीफर और क्लोई पहुंच जाते हैं क्रिस्टोफ के पास में, जो कि फाइटर्स का कोच हुआ करता है। हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे टॉयज के साथ में खेला करता है और बताता है कि मुझे ये काम ही पसंद है, नहीं तो बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठ के कौन काम करना चाहता है। मैं बहुत सारे ड्रग्स लेना चाहता हूँ और इसी के साथ में फाइटर्स को भी देना चाहता हूँ, इससे वो फोकस रहते हैं और अपने काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जिसके बाद में क्लोई क्रिस्टोफ से पूछती है कि तुमने वॉलकॉट को क्यों मारा, तो क्रिस्टोफ कहता है कि वो इतना अच्छा लड़का था जिसका फ्यूचर काफी अच्छा था, लेकिन वो इंसान ड्रग लेना छोड़ो कभी अल्कोहल तक नहीं लेता, अल्कोहल छोड़ो कभी उसने मेडिसिन तक नहीं ली, तो फिर वो ड्रग कहाँ से ले सकता है। जिसके बाद में लूसीफर और क्लोई बिल्कुल क्लियर थे कि वॉलकॉट ने अगर ड्रग लिए ही नहीं है तो उस डॉक्टर ने कैसे बोला कि वॉलकॉट को उसकी डोज दिए जाते हैं। जिसके बाद में सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है एक रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे गॉड अपने आप ही अकेले चल रहे थे और तभी हम देखते हैं कि मेज उनका पीछा कर रही है। गॉड पीछे मुड़ के देखते हैं तो वह उन्हें ट्रिक से दिखाई देती है। सीन यहाँ फिर से शिफ्ट हो जाता है क्लोई के ऊपर, जो कि हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी और वो डॉक्टर को कहती है कि मुझे पता है कि आपके हाथ कांपते हैं और वो ड्रग आप लेती थी ना कि वॉलकॉट लेता था, आप इससे कई लोगों की जान बचाती है, लेकिन मैंने आपका रिकॉर्ड देखा है, आपने वॉलकॉट का ऑपरेशन ठीक नहीं किया था और उसे ये बात पता चल चुकी थी। आप अगर चाहे तो आप कई लोगों की जान बचा सकती है, लेकिन डॉक्टर फिर भी ये बात नकारती रहती है। तब क्लोई उसे अच्छे से समझाती और कहती है कि अगर आप आज भी एक जान बचाना चाहती है तो अपने हाथ से सारे इंस्ट्रूमेंट नीचे रख दीजिए। यहाँ दूसरी तरफ गॉड और ट्रिक्सी एक साथ बैठे थे, जो कि आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि आखिर आप अकेले क्यों निकल आए। जहाँ गॉड कहते हैं कि मुझसे कोई चीज गुम हो गई है, वहीं ट्रिक्सी बताती है कि मैं लूसीफर से गुस्सा थी लेकिन मैंने उससे बात की और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसी चीजें क्यों करता है कि मेरी मॉम उससे गुस्सा है। यहाँ गॉड कहते हैं कि तुम बहुत समझदार लड़की हो, मैं भी कुछ चीजों से परेशान हूँ कि मैं आखिर करूँ क्या, और इसी के साथ मुझे ये भी पता चल चुका है कि मैंने अपनी वो चीज कहाँ पे रखी है। बच्चों को संभालना इतना भी आसान नहीं होता है। मेज इन दोनों की बातें सुन के गॉड को मारने का प्लान छोड़ देती है, उसे लगता है कि गॉड इतने भी बुरे नहीं है जितना कि वो दिखते हैं। यहाँ एमिनेडिल और लूसीफर अभी भी गॉड की तलाश कर रहे थे कि आखिर गॉड कहाँ चले गए होंगे, और तभी यहाँ गॉड पीछे से आते हैं। जहाँ लूसीफर कहता है कि आपको समझ में नहीं आता कि हम आपको कितना ढूंढ रहे थे, आपको हर
हर जगह ढूंढा लेकिन आप कहीं भी नहीं मिले। जिसके बाद में गॉड कहते हैं कि मुझे पता था कि कहाँ आना है और कहाँ जाना है, मैंने अपनी चीज कहाँ रखी है, मुझे ये भी याद आ चुकी है। तभी वहाँ लिंडा पहुँचती है चार्ली के साथ में। गॉड चार्ली के हाथ से एक खिलौना लेते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वह बहुत तेज रोशनी आने लग जाती है और सारी पावर्स गॉड में फिर से आ चुकी थी। जिसके बाद में लक्स में सीन शिफ्ट होता है जहाँ डैन मेस से पूछता है कि आखिर तुम्हारा दिन कैसा रहा। मेस कहती है कि मैंने गॉड को नहीं मारा। वहीं डैन से पूछा जाता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो डैन कहता है कि मुझे भी गॉड ने नहीं मारा। यहाँ डैन मेस के लिए ड्रिंक लेने जाता है। वहीं गॉड मेस के पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ जो तुमने मुझे नहीं मारा। तो मेस कहती है कि वो बस मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं मारा, आपने मुझे मारने के लिए बनाया और मैं फिर भी किसी को नहीं मार पाई, अब बताइए मैं कैसे परफेक्ट हूँ। जहाँ गॉड कहते हैं कि हर रोज एक मिरेकल होता है जब एंजल्स को किसी इंसान के साथ परिवार बनाते हुए देखा गया। इसी के साथ डेविल को प्यार हुआ तो डीमन को सोल भी मिल सकती है। तो मेस कहती है कि ये ऐसा चीज कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो गॉड पीछे मुड़ते हुए कहते हैं क्या वाकई, और इसके बाद मेस को कुछ फील होता है जिसके बाद मेस के चेहरे के स्माइल देख के हमें पता चल चुकी थी कि मेस को सोल दे दी गई है। इसी के साथ डैन के हाथ में जो ड्रिंक्स थी वो गॉड के ऊपर गिर जाती है और डैन इस बार पूरी हिम्मत के साथ गॉड को कहता है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, मैं हमेशा आपसे डरता रहूंगा, अगर आपको मुझे मारना ही है तो आज मार डालिए, मैं बार बार ये चीज नहीं दोहरा सकता कि मैं अगर आपकी वाइफ के साथ सोया तो इसमें मेरी गलती नहीं थी। जहां गॉड कहते हैं कि मेरी एक्स वाइफ किसी के साथ में भी रहे मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, कुछ ना कुछ कमी मुझ में ही रही होगी और मैं खुश हूं कि उसे तुम जैसा इंसान मिला। और फाइनली अब गॉड से डैन के गिले शिकवे खत्म हो चुके थे। यहां सीन शिफ्ट हो जाता है ट्रिक्सी और क्लोई पे, जहां क्लोई ट्रिक्सी से बात करती है और कहती है कि शायद मैंने ही गलती करी, मुझे तुमसे हर चीज शेयर करनी चाहिए। जहां ट्रिक्सी कहती है कि आप लूसीफर के कारण परेशान है ना, और अब ये दोनों आपस में बात करते हैं कि आखिर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, लेकिन जो भी हो ये दोनों पेरेंट्स मिलकर ट्रिक्सी को बहुत प्यार करेंगे। इसी के बाद में गॉड एमेनाडील और लूसीफर के साथ बैठते और कहते हैं कि मुझे तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद गॉड कहते हैं कि मेरा मेरी पावर्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा है कुछ टाइम तक, और इसी के साथ में अब टाइम आ चुका है कि मैं रिटायरमेंट ले लूं। लूसीफर और एमेनाडील जैसे ही ये बात सुनते हैं रिटायरमेंट की तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जब वो सामने देखते हैं तब तक गॉड यहाँ से जा चुके थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर के लास्ट एपिसोड में जैसा कि हम सभी लोगों को पता था कि गॉड अब यहाँ से जा चुके हैं, यानी कि वो लूसीफर और एमेनाडील को अपने रिटायरमेंट की बात बोल के चले गए हैं। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें इस बारे में तो जरूर पता चलेगा कि गॉड के रिटायरमेंट का क्या हुआ है। लेकिन गाइस लूसीफर सीरीज के अंदर कुछ एपिसोड इतने फैंटास्टिक है कि आप उनकी बात ही नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि उन्हीं एपिसोड्स में से एक एपिसोड ये भी है। ये पूरा एपिसोड डैन के ऊपर बेस्ड है जो कि पूरी तरीके से कॉमेडी से भरा हुआ है। तो चलिए फिर इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग में हमें डैन दिखाया जाता है जिसे पता चल चुका था कि गॉड और डेविल सब कुछ इसी अर्थ पे ही है। जहाँ वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है और बिल्कुल नॉर्मल से जिंदगी जी रहा था, जहाँ पे लूसीफर आके डैन से हंसी मजाक करने की कोशिश करता है, यानी कि उसकी लेग पुलिंग करता है, उसे छेड़ता है, लेकिन डैन उसे कोई रिप्लाई नहीं करता है। डैन कहता है कि अब जब मुझे पता चल चुका है कि तुम डेविल हो तो तुम बस एक विलन से ज्यादा और कुछ नहीं हो। ये बात सुन के तो लूसीफर को बुरा लग जाता है। लूसीफर कहता है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैं कोई बी ग्रेड का विलन थोड़ी ना हूँ। तभी लूसीफर ये बात लेके क्लोई के पास जाता है कि डैन का मूड आज शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा है, वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। जहाँ पे क्लोई कहती है कि उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, हम लोगों को जब तुम्हारे सेलेस्टियल सिटी के बारे में पता चलता है तो इंसानों को ये बात समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो तुम्हें डैन को समझना चाहिए। जिसके बाद में क्लोई एक केस के बारे में भी लूसीफर को बताती है कि हमें बस एक क्रिमिनल को पकड़ के लेके आना है और उसे अरेस्ट करवाना है। तो लूसीफर बोलता है इतना छोटा काम, ये छोटा मोटा काम मैं नहीं करता। और तभी उसको डैन के बारे में याद आती है कि डैन इससे बिजी भी रहेगा और उसे काम भी मिल जाएगा। डैन के पास जब वो यही केस लेके जाता है तो क्लोई डैन को बोलती है कि तुम्हें इस केस के बारे में पता है ना कि तुम्हें कहाँ जाना है, और तुम्हें लुईस मिलेगा, वो बंदा जो तुम्हारी ट्रेनिंग में तुम्हारे साथ था, शॉर्टकट लेने वाला आदमी, क्राइम करने वाला आदमी। जहाँ डैन कहता है कि मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ क्लोई, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पे डैन ने इसलिए बोला था क्योंकि डैन भी पहले वाले टाइम में क्रिमिनल ही था, वो पाब्लो के साथ मिला हुआ था सीजन 1 याद करिए गाइस, जहाँ पे डैन भी किसी क्रिमिनल से कम नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार वो क्लोई को प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप जाके क्रिमिनल को ले आएगा। यहाँ डैन बहुत लंबी दूरी तय करते हुए पहुंच जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे एक अपना बहुत पुराना दोस्त मिलता है। हालांकि ये भी एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम लुईस था, वो डैन से मिलके बहुत ही खुश था। जहाँ लुईस डैन को बताता है कि क्या तुम्हें फॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आज प्रिजनर को नहीं लेके जाया जा सकता है, इस प्रोसीजर में रात लग जाएगी और तुम कल सुबह प्रिजनर को लेके जा सकते हो। जहाँ डैन कहता है तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो, मैं इतनी दूर से सिर्फ उसे
लेने के लिए आया हूँ, मुझे आज ही सब कुछ क्लियर चाहिए। जहाँ लुईस बोलता है कि इतने टेंशन मत लो यार, तुम इतने सालों बाद आए हो और थोड़ा यहाँ पे रुको तो सही, मैंने तुम्हारे रुकने का इंतजाम कर दिया है, तो चलो दोनों मिलके बैठ जाते हैं और कल सुबह तुम निकल जाना। जहाँ डैन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो लुईस के पास बैठ जाता है। लुईस फिर से उसे अपने कामों के बारे में बताता है कि वो छोटे छोटे से पत्थर स्मगल करता है लोगों को हीरे बता के। डैन मना करता है कि तुम आखिर ऐसा काम कब तक करते रहोगे। जहाँ लुईस बोलता है कि बस कुछ टाइम की ही बात है, हालांकि मैं एक जगह बहुत बुरी तरीके से फंस रखा हूँ जहाँ पे रशियन मॉब है। मैंने उनसे कुल मिला के $2,00,000 लिए थे और आज के टाइम में मेरे पास में वो है, लेकिन मुझे बस एक हॉर्स रेस पे पैसे लगाने हैं जहाँ पे मुझे विद इंटरेस्ट पैसे मिल जाएंगे। डैन कहता है तू फिर से इन बातों में क्यों घुस रहा है, तू फिर से फंस जाएगा, रशियन वाले कितने खतरनाक होते हैं। जहाँ लुईस बोलता है कि मुझे नहीं पता कि रशियन कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन तू उनके साथ काम करता है तो भाई तू मेरी हेल्प कर दे। जहाँ डैन साफ मना कर देता है कि मैं इन कामों में तेरी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। जहाँ लुईस कहता है कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मुझे आके जान से मार डालेंगे, तो बस तू उन्हें पैसे लौटा दे। डैन दोस्त होने के नाते लुईस की बात मान जाता है, रात में वही रुक जाता है और अगली सुबह पैसे लौटाने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन डैन की यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। डैन की आंखें खुलती है, वो भी एक डेड बॉडी के साथ में। बेचारा बिना कपड़ों के डैन नींद में से भागता हुआ सीधा बार में पहुंच जाता है और लुईस को बोलता है कि मेरी आंखें किसके सामने खुली, आखिर बेनिटो को किसने मार दिया। बेनिटो यहाँ पे लुईस का एक अकाउंटेंट होता है जो उसके लिए काम किया करता है। तो लुईस बोलता है कि मुझे पता है कि किसने मारा है। डैन बोलता है कि भाई मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा है। तो लुईस बोलता है मुझे पता है तुमने नहीं मारा है बल्कि रशियंस ने मारा है। वो बेनिटो को मार के बताना चाहते हैं कि मैं उनका पैसा जल्द ही लौटा दूं। डैन कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो लुईस बोलता है कि काफी देर हो चुकी है, अगर मैंने पुलिस वालों को बता दिया तो वो मेरे सारे काले काम पता कर लेंगे। और अब फाइनली डैन निकल जाता है उसी क्रिमिनल को साथ में लेके जिसे उसे पुलिस स्टेशन छोड़ना है, और साथ ही लुईस का पैसों से भरा हुआ बॉक्स, जहाँ पे पूरे रास्ते ये क्रिमिनल लड़की डैन का सर खा जाती है और आलतू फालतू बातें करती रहती है। और तभी यहाँ पे डैन की एक जोरदार टक्कर हो जाती है, जहाँ पे एक कार वाला आके डैन की कार को उड़ा देता है। डैन का यहाँ पे अच्छा खासा एक्सीडेंट हो चुका था और इसी के साथ डैन की कार पे लूजर का साइन भी बन चुका था। डैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास रखे हुए लुईस के पैसे भी चोरी हो चुके थे। तो आखिर डैन अपनी जेब से तो $2,00,000 भरता नहीं, तभी यहाँ पे भगवान का भेजा हुआ दूत आ जाता है। कहने का मतलब कि डैन का एक बहुत पुराना दोस्त वहीं से गुजर रहा था, जो कि डैन को लिफ्ट देता और बोलता है कि हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। डैन यहाँ पे बिना वक्त गवाए पहुंच जाता है लूसीफर के पास में और सारी बात बताता है। लूसीफर सबसे पहले तो जोर जोर से हंसता और बोलता है कि आखिर तुम मेरे पास ही क्यों आए, तुम्हें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। तो डैन कहता है कि प्लीज इस टाइम पे मेरी हेल्प करो, मुझे बस तुमसे फेवर चाहिए। और अब लूसीफर डैन को अच्छी खासी प्लानिंग बताता है कि जो लड़की तुम्हारे यहाँ से भाग गई थी, हमें उन्हीं के पास जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पैसों का बॉक्स भी उन्हीं के पास होगा। डैन यहाँ पे कैसे तैसे करके चोरों की तरह गेट से दूसरी तरफ चला जाता है और पीछे वाले रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसे पैसों का बॉक्स भी मिल जाता है। वहीं पर जिस लड़की को डैन ने अरेस्ट किया था उसका तो पूरा साइकिल का ग्रुप था। यहाँ लूसीफर आके इन लोगों से मिलता है और दोस्ती भी करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पीछे से डैन देखता है कि कोई और आके उस पैसे के बॉक्स को चुराना चाहता है। डैन उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और बोलता है कि भाई मेरे लिए पैसे बहुत जरूरी है। ये बंदा बोलता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन डैन फिर भी इस बॉक्स को लेकर निकल जाता है। लेकिन डैन का तो आज दिन ही खराब था। जाने से पहले उसे एक बहुत मासूम डॉगी मिलता है जो कि उसके चिथड़े उड़ाने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। यहाँ लूसीफर इन साइकिल वाले गुंडों को अपना दोस्त बना चुका था और तभी उसे डैन की आवाज आती है। डैन बेचारा भागता हुआ शॉप में पहुंचता है जहाँ एक क्रिमिनल लड़की बोलती है यही तो वो ऑफिसर था जिसने मुझे अरेस्ट किया। और अभी सारे लोग लूसीफर को बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे दोस्त थे। लूसीफर बोलता है दोस्त है तभी तो हम लोग लड़ेंगे नहीं। और लूसीफर डैन को बोलता है कि निकलो यहाँ से, इन लोगों को मैं देख लूंगा। लेकिन लूसीफर अपने कार की चाबी डैन को नहीं देता है, जहाँ डैन को भागने के लिए और कुछ नहीं बल्कि एक साइकिल का सहारा लेना पड़ता है। इधर लूसीफर उस क्रिमिनल फौज को संभाल रहा था, वहीं डैन का एक्सीडेंट फिर से एक कार से हो जाता है और बेचारा फिर डैन गिर जाता है। और इस बार तो उसके हाथ से वो बॉक्स भी गिर चुका था। बॉक्स में गाइस पैसे नहीं बल्कि एक कटी हुई मुंडी थी। लुईस ने उस कटे हुए चेहरे को उठाया जो कि बेनिटो का था, जिसके बाद में डैन को अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि ये सब कुछ लुईस का किया धरा है। डैन कहता है कि लुईस आखिर तुम इस कामों में क्यों फंस रहे हो, ना तो तुमने रशियन वालों से कोई पैसे लिए हैं और ना ही तुम्हें उन्हें कुछ लौटाना था, तो तुम आखिर चाहते क्या हो। जहाँ लुईस बोलता है कि ये बंदा मेरे लिए काम करता था लेकिन मेरे साथ साथ वो रशियन वालों से भी मिला हुआ था, इसीलिए मैंने बेनिटो का सर काट के रशियंस को ही भेज दिया और अब तुम्हें बस मेरा काम करना है, तुम्हें जाके रशियन के अकाउंटेंट को मारना है। जहाँ डैन कहता है कि मैं आखिर तुम्हारा ये काम क्यों करूंगा, तुम्हें पागल लगता हूँ क्या मैं। तो लुईस बोलता है मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ये काम नहीं करोगे, इसीलिए तुम्हारी गर्दन में जो दर्द हो रहा है ना तुम इसे संभालो, आने वाले 10 घंटे के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैंने तुम्हें ऐसा इंजेक्शन दिया है और इसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है, अगर तुमने उस अकाउंटेंट को नहीं मारा और सबूत नहीं लेके आया तो 10 घंटे में तुम वैसे भी मर जाओगे। यहाँ डैन
की हालत बिल्कुल खराब थी कि आखिर अब करे तो क्या करे। वो सीधा पहुंच जाता है एला के पास में और एक चीज पूछता है कि अगर हम किसी को मारे और वो मरे भी ना तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं। जहां हमें पता चलता है कि एला खुद के ऊपर एक बायोग्राफी लिख रही थी और उसमें वो यही स्टोरी लिख रही थी कि कैसे किसी को मारा जाए लेकिन असल में वो मरे ही ना। इसी कारण एला से वो सारी चीजें पूछ के रशियन की अकाउंटेंट के पास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे ये अकाउंटेंट भी बहुत स्मार्ट निकलती है। वो डैन को कहती है पीछे देखो, जरूर कुछ है तुम्हारे पीछे। बेचारा डैन जैसे ही पीछे देखता है वो अकाउंटेंट मिला के डैन के सर में एक देती है। बेचारा डैन वहीं पे गिर जाता है। डैन की जब आंखें खुलती है तो अच्छा खासा शेप बना हुआ होता है उसके सर पे। और अब डैन इस दलदल के अंदर फंसता ही जा रहा था क्योंकि अब तो ये अकाउंटेंट जिसे मारने का झूठा मोटा सबूत उसे लुईस को देना था, जबकि वो अकाउंटेंट को मारने भी वाला नहीं था, वो लड़की भी भाग गई। तो अब डैन क्या करता। डैन यहाँ पे सबसे पहले एमिनेडील कॉल लगाता है एक उबर वाले की तरह कि मुझे यहाँ से जल्दी ले जाओ क्योंकि सिटी बहुत दूर है। एमिनेडील बिना देरी किए यहाँ पे डैन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उबर वाला लगता हूँ क्या। तो डैन कहता है कि प्लीज बस तुम मेरी अभी मदद करो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। यहाँ लड़कियों के जैसे डैन एमिनेडील की गोदी में चिपक के बैठ जाता है, वहीं एमिनेडील अपने एंजल विंग्स निकालता है और उसे अपने घर पहुंचा देता है। इधर डैन से मिलने के लिए मेस पहुंचती है। मेस को पता चलता है लूसीफर से कि डैन की हालत खराब है, इसी कारण वो डैन से कहती है कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर हुआ क्या है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। डैन को बिलीव नहीं था कि मेस उसकी बातें समझ पाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब कुछ मेस को बताता है। और यहाँ मेस की भी हंसी नहीं रुकती कि डैन को आखिर कितने लोगों ने पागल बनाया है। लेकिन फाइनली मेस डैन की मदद करती है और कहती है कि रशियन वाले लोगों से मेरी अच्छी बनती है, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगी। और उन लोगों की लुईस से अगर दुश्मनी है तो लुईस अगर उन्हें मिल गया तो वो वैसे ही अपना काम कर लेंगे। यहाँ डैन कहता है कि बहुत खतरा है इस चीज में। तो मेस कहती है तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। यहाँ डैन अब सीधा रशियन वाले लोगों से मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं आपको लुईस से मिलवा दूंगा और बाकी का काम आप खुद से कर लीजिएगा, बस मुझे मेरा एंटीडोट चाहिए। और यहाँ गलती से पहुंच जाती है लिंडा जो कि डैन का असली नाम ले देती है। यहाँ रशियंस कहते हैं कि तुमने तो अपना नाम कुछ और बताया था, तो ये बंदी तुम्हें डैन क्यों कह रही है। तो डैन लिंडा के पास जाता है और उसे समझाता है कि प्लीज इस टाइम मेरे ऊपर कुछ मारो फेंको, मैं स्टिंग ऑपरेशन में फंसा हुआ हूँ। जिसके बाद में लिंडा ओवर एक्टिंग करती है, डैन को एक पंच मारती है, उसके मुंह पे ड्रिंक भी फेंकती है। हालांकि लिंडा के 10 रुपए जरूर काटने चाहिए ओवर एक्टिंग के, फिर भी उसने अच्छी एक्टिंग की। यहाँ पे रशियंस को बिलीव हो जाता है कि लिंडा उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है। और फाइनली डैन अब लूसीफर के पास पहुंच चुका था सारी चीजें सेट करके। लूसीफर ने लक्स को एक प्राइवेट पार्टी के लिए बुक कर दिया था और इसी के साथ डैन को अपने अच्छे खासे कपड़े दे दिए थे। जहाँ डैन कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो, तो लूसीफर बोलता है कि इन सब मामलों में मैं नहीं पड़ने वाला। तो डैन कहता है मुझे किसी न किसी का तो बैकअप चाहिए ना। तो लूसीफर कहता है तुम बस बातें संभाल लोगे, मुझे तुम पे बिलीव है। डैन की तो गंदी तरीके से फट रखी थी कि यहाँ पे रशियन का गैंग है, दूसरी तरफ लुईस का गैंग है, कोई ना कोई मुझे उड़ा ही देगा। लेकिन फिर भी वो कैसे तैसे हिम्मत करके जाता है जहाँ पे उसे अपने ही दोस्त मिल जाते हैं। तो डैन कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो ये लोग बोलते हैं कि लूसीफर ने हमें नकली गन दे के भेजा है और तुम्हारा बैकअप बना के भेजा है, बाकी लोगों को भी तो लगना चाहिए कि तुम्हारा गैंग है। तो डैन कहता है तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, वो लोग पहचान जाएंगे। और इतनी ही देर में यहाँ लुईस पहुंच जाता है जो कि कहता है कि क्या तुमने रशियन के अकाउंटेंट को मारा या नहीं मारा। तो डैन बोलता है कि हाँ मैंने उस अकाउंटेंट को मार दिया है और वो सबूत आता ही होगा। इतनी देर में मेज यहाँ पे सीधे अकाउंटेंट को ही ले आती है। डैन कहता है कि इसका कोई सबूत लेके आना था, ये क्या किया तुमने। देखते ही देखते यहाँ पे पूरी रशियन गैंग भी पहुंच जाती है, जहाँ लुईस कहता है कि डैन ये तो तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और बची कुची कसर वो साइकिल वाला ग्रुप पूरी कर देता है। वो साइकिल वाली ग्रुप की बंदी आके बोलती है कि ये डैन ही है जिसने हमें धोखा दिया था और ये हमारे चंगुल से भाग भी गया था। सारे लोग यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। डैन सबको समझाता है कि प्लीज कोई कुछ भी मत करो, कोई किसी को खून खराबा करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब अपनी गन नीचे करो। एक टाइम ऐसा आता है जब सब अपनी गन नीचे भी कर लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे डैन के पीछे खड़ा हुआ प्रॉम करने वाला बंदा सोचता है कि मैं सारी बातें संभाल लूंगा। वो जैसे ही आगे आता है वो साइकिल वाले क्रिमिनल ग्रुप उसके ऊपर सीधा शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार जैसे ही गोली चलती है फिर तो वहाँ कोई रुकता ही नहीं है। देखते ही देखते सारे गैंग मेंबर एक दूसरे को मार डालते हैं। डैन सबको रोकने की कोशिश करता है, तभी मेज डैन को कहती है कि अपना एंटीडोट उठाओ नहीं तो तुम मर जाओगे। बेचारा डैन कैसे तैसे करके अपना एंटीडोट लेता है, लेकिन लुईस उसे भी फोड़ देता है, यानी कि डैन के पास अपना एंटीडोट भी नहीं बचता है। जिसके बाद में लुईस अब डैन को मारने ही वाला था कि मेज वहां से उठ के डैन की जान बचाने के लिए आ जाती है और वो गोली खुद के ऊपर ले लेती है। लेकिन तभी यहाँ पे रशियन गैंग का हेड उठता है जिसमें थोड़ी बहुत जान बची थी और वो सीधा लुईस को शूट कर देता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं बचता है। यहाँ पे मेज अपना दम तोड़ चुकी थी, जहाँ डैन उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है कि मेज तुमने मेरे लिए जान दे दी, प्लीज उठो, लेकिन मेज यहाँ पे मर चुकी थी। तभी यहाँ लूसीफर आता है और कहता है कि डैन ये क्या किया तुमने। डैन कहता है कि मैंने सबको बहुत समझाया लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तो डैन कहता है अब तुम्हें समझ में आया कि कोई तुम्हारे लिए अच्छा करता है और उसकी कदर
अगर कोई नहीं करता है तो कैसा लगता है, जहाँ डैन रोता है और कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, देखो ना ये सब क्या हो गया। और तभी यहाँ डैन का दोस्त खड़ा हो जाता है, यानी कि जितने भी लोग मरे हुए थे वहाँ पे कोई मरा ही नहीं था, बल्कि ये सब कुछ एक प्रैंक चल रहा था जो कि लूसीफर ने डैन के लिए क्रिएट किया था। डैन की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसकी वजह से इतने लोग मारे गए थे, लेकिन असल में ये सब कुछ एक प्रैंक था। सभी लोग वापस से पार्टी करने लग जाते हैं, जहाँ मेस कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, हालांकि सीने पे तो गोली नहीं लूंगी। जिसके बाद में लूसीफर आता है और डैन कहता है कि आखिर तुम्हें ये सारी बातें कब से पता है और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। लूसीफर कहता है कि बहुत दिनों की कड़ी मेहनत और बहुत सारे पैसे लगाने के बाद ये सारा प्लान एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन तुम्हें उन लोगों को बताना चाहिए कि सब कुछ ठीक है जो लोग इस प्लान में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि एमिनाडील, क्लोई और एला, इन लोगों को प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ डैन लूसीफर को कहता है थैंक यू सो मच, तो तुमने मेरी जान बचा ली। तो लूसीफर कहता है कि एक मिनट, मैंने तुम्हारी कोई जान नहीं बचाई है, मैंने तो तुमसे बदला लिया है। डैन कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, कौन सा बदला। तो लूसीफर यहाँ सबसे पुरानी बात निकालता है कि तुमने मेरा डेविल फेस देखने के बाद मेरे ऊपर शूट किया था ना, ये उसी का बदला है। जिसके बाद में ये दोनों ही यहाँ पे ड्रिंक करने लग जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर के लास्ट एपिसोड में जैसा कि हम सभी लोगों ने डैन की अच्छी खासी बैंड बजते हुए देखी थी, और इसी के साथ पीछे कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो चलिए फिर इसी के साथ में एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे मेज लिंडा को बताती है कि मेरी गॉड से बात हुई थी और शायद वो मुझे इस बार तो सोल दे ही देंगे। उनकी बातों से और उनकी आंखों की चमक से लग रहा था कि इस बार मुझे सोल मिल जाएगी। जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लिंडा किसी कार का पीछा कर रही थी। मेज को इस बात का पता चल जाता है, लेकिन लिंडा उसे ये नहीं बताती है कि वो किसका पीछा कर रही है और कहाँ पे जाके रुकी है। मेज लिंडा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिंडा कहती है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है लक्स में, जहाँ लूसीफर अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई काम कर रहा था, जहाँ पे एमिनाडील आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास क्या कोई दूसरा काम भी है या नहीं है। जिसके बाद में एमिनाडील बोलता है कि मुझे डैड की बातों पे ध्यान आ रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो आखिर अब नेक्स्ट गॉड कौन बनने वाला है। जहाँ लूसीफर कहता है कि सदा बनो मत, तुम्हें ही तो हमेशा से गॉड बनना था, इसकी प्रैक्टिस तो तुमने हजारों सालों से की है, तो फिर अब इसमें शर्माना क्यों है, तुम्हें तो बस गॉड बनना है। जहाँ इस बात से एमिनाडील भी राजी हो चुका था कि चलो ठीक है, तो इसकी तैयारी मुझे अब से शुरू करनी चाहिए। यहाँ क्लोई भी लूसीफर से मिलने आई थी, जो कि लूसीफर को बोल देती है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी कि मैं आप किसी चीज का वेट नहीं करना चाहती, तुम तो एक इमॉर्टल इंसान हो, तो आखिर मैं तुम्हारा कब तक वेट करूंगी, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है तो मुझे बिल्कुल साफ साफ बताओ। यहाँ पे एमिनाडील से जब लूसीफर की बात हुई थी, तो इसमें एक बात ये भी हुई थी कि लिंडा से ली हुई थेरेपियों के कारण लूसीफर अब हर डिसीजन को लेने से पहले सोचता है, और यहाँ पे उसने वो बात साबित कर दी, यानी कि क्लोई को उसने सीधा बोल दिया कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो इसमें आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। यानी कि क्लोई को हाँ बोलने से पहले लूसीफर एक बार भी नहीं सोचता है। अब जहाँ रिलेशन में आए हुए लूसीफर और क्लोई फिर से क्राइम सीन पे पहुँचते हैं, तो एला कहती है मैं बार बार में नहीं पूछने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बताओ आखिर तुम दोनों साथ हो या नहीं हो। जहाँ पे ये दोनों किस करते हुए बताते हैं कि हम दोनों बिल्कुल साथ में हैं। यहाँ डैन आके विक्टिम के बारे में बताता है, तो क्लोई, लूसीफर और एला तीनों बोलते हैं कि इस केस में आखिर प्रॉब्लम क्या है, एक 38 mm की गोली लगी है विक्टिम को और बाकी सारी चीजें सामने ही है, तो इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो डैन कहता है प्रॉब्लम विक्टिम में नहीं है बल्कि मर्डरर में है, तुम लोग खुद चल के देखो। जहाँ क्राइम सीन पे इन्हें स्टर्लिंग नाम का विक्टिम तो दिखाई देता है, वही मर्डर करने वाला और कोई नहीं बल्कि लिंडा थी। लिंडा लूसीफर और क्लोई के आते ही बोलती है कि इसे मैंने मारा है, मुझे अभी के अभी अरेस्ट कर लो। लूसीफर कहता है क्लोई को कि इसकी बातों में बिल्कुल मत आना डिटेक्टिव, ये डॉक्टर है जो कि अपनी बातों में फंसा लेगी। इसी कारण लूसीफर लिंडा की आंखों में आंखें डाल के देखता है और पूछता है कि अब बताओ आखिर सच क्या है, तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो लिंडा कहती है कि मुझे बस अपने बच्चे को बचाना है। ये बात सुनते ही क्लोई कहती है कि चार्ली को क्या हुआ है, चार्ली तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लिंडा चार्ली की बात नहीं कर रही थी, जिसके बाद में लूसीफर और क्लोई ना चाहते हुए भी लिंडा को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। मेज को जब यही बात पता चलती है, तो मेज लिंडा से पूछती है कि बताओ आखिर तुमने विक्टिम को कैसे मारा। तो लिंडा बिना सोचे समझे बोल देती है कि मैंने इतनी जोर से मारा कि वो तो मर ही गया। तो मेज समझ जाती है कि लिंडा तो साफ झूठ बोल रही है, उसने तो विक्टिम को मारा ही नहीं है। क्लोई को कहती है मेज कि आखिर तुमने इसे क्यों पकड़ा है, जबकि ये किसी और का गुनाह कबूल कर रही है। तो क्लोई कहती है मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये खुद बोल रही है कि मैंने मारा है। तभी यहाँ मेज कहती है मुझे पता है कार चलाते टाइम बोल रही थी कुछ। लिंडा मेज को चुप कराती है कि तुम चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो। तो मेज बिना रुके क्लोई और लूसीफर को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद में लूसीफर और क्लोई लिंडा के सामने बैठे थे और लिंडा को कहते हैं कि तुम्हारी एक बेटी है, इस बारे में तुम हमें आज बता रही हो, तो आखिर तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों। जहाँ लिंडा कहती है मैं बस मेरी बेटी का ध्यान रखना चाहती थी, मैं उसे स्टॉक किया करती थी, और एक दिन जब मैंने देखा कि कोई उसकी कार के पीछे पीछे जा रहा है और उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं उसी का पीछा करने लगी, लेकिन जब मैंने घर में जाके देखा तो वहाँ ऑलरेडी स्टर्लिंग मरा हुआ था, तो अब आखिर मैं क्या करती मेरी बेटी को बचाने के लिए। जहाँ क्लोई कहती है कि हम तुम्हारी बेटी
एड्रियाना को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे लिंडा। तो लिंडा कहती है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया था, अब तक तो वो बहुत दूर पहुंच गई होगी। लेकिन अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि एड्रियाना पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने के लिए आई थी। जैसे ही लिंडा अपनी आंखों के सामने एड्रियाना को देखती है, वो सीधा नीचे झुक जाती है और बोलती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम लोग मेरे बारे में उसे कुछ नहीं बताओगे। अब एड्रियाना से यहाँ क्लोई और लूसीफर बैठ के बात करते हैं, जहाँ एड्रियाना खुद के लिए बताती है कि मैंने स्टर्लिंग को मारा था, मैं वहाँ बस चोरी करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ बात ज्यादा बढ़ गई और मुझे उसे मारना पड़ा। ये बात सुनते ही लूसीफर कहता है कि अब तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल सच बोल रही है। जहाँ लिंडा इस बात से साफ मुकर जाती है कि एड्रियाना झूठ बोल रही है, तुम लोगों को देखना चाहिए ना, मैं तुम लोगों को बताती हूँ, एक दिन इसका झगड़ा एक बहुत ही भयानक आदमी से हुआ था, मैंने एक बार उसका कार का नंबर भी नोट किया था, शायद हमें उससे थोड़ी मदद मिलेगी। इस बंदे का नाम क्लिफ था, जिसे मेज पकड़ने के लिए गई थी। मेज जब क्लिफ के घर में जाती है तो वहाँ उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जहाँ इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होने के बाद में मेज जब मास्क हटाती है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि हमारी ब्यूटीफुल सी ईव दिखाई देती है। मेज का पूछना था कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो ईव बताती है कि मैं एक बाउंटी हंटर हूँ, तुमने ही तो कहा था कि अपने आप को पहचानो, और अब जब मैं अपने आप को ढूंढने के लिए गई तो मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा, मुझे बस यही समझ में आया इतने टाइम के अंदर कि मैं सबसे खुश किस टाइम थी, और मैं खुश जब थी जब मैं तुम्हारे साथ में थी, तो मुझे बाउंटी हंटिंग करना बहुत पसंद है, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखती। मेज इन सारी चीजों को इग्नोर करती है क्योंकि मेज का दिल टूटा हुआ था, और वो ईव को बोलती है अपने काम से काम रखो और मुझे क्लिफ को ढूंढने के लिए जाना है। जहाँ ईव कहती है हम दोनों का एक ही तो निशाना है, तो चलो हम दोनों मिलके क्यों नहीं ढूंढते उसे। वैसे तो मन में मेज चाहती थी कि वो ईव के साथ रहे, और अब जब ईव आगे होके उसे बोलती है तो मेज हाँ कर देती है उसे अपने साथ रखने के लिए। इसी के साथ इन्हें एक पेंटिंग भी दिखती है जो कि जैमी की थी, एक बहुत बड़ी पेंटर थी, लेकिन इस कबाड़ से घर के अंदर ये पेंटिंग क्या कर रही थी, ये सोचने वाली बात थी। यहाँ पे पुलिस स्टेशन में क्लोई के पास में एक बंदा आता है जिसका नाम ओवेन था, और ये एड्रियाना का बॉयफ्रेंड था। वो क्लोई को आके बोलता है कि एड्रियाना ने किसी को नहीं मारा है, आप मेरी बात पे बिलीव करिए। क्लोई कहती है कि हमें भी पता है कि उसने किसी को नहीं मारा, तो वो झूठ क्यों बोल रही है। तो ओवेन कहता है कि उसकी एक लड़की से बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था जिसका नाम जैमी है, तो आखिर आप लोगों को एक बार उसी से पूछताछ करनी चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एमिनडेल हर इंसान को देखने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे जब डैन आता है तो एमिनडेल डैन को कहता है कि मैं बहुत ही जल्द गॉड बनने वाला हूं, तो डैन कहता है कि ये कितना कूल होगा, यानी कि पूरी दुनिया तुम्हारे बस में होगी। दूसरी तरफ लूसीफर, क्लोई और लिंडा एक साथ थे। यहाँ लिंडा को नहीं छोड़ा जा सकता था क्योंकि लिंडा क्लोई और लूसीफर का पीछा करती ही रहती, इसलिए ये दोनों अपने साथ लिंडा को ले आए थे। अब जैमी से पूछताछ करने के लिए क्लोई अकेली जाती है और लिंडा को बोल के जाती है तुम्हें यहीं बैठना होगा, तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आओगी। लूसीफर यहाँ अपने रिलेशन की बात लिंडा से करना चाहता था, लेकिन लिंडा इस टाइम पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, वो बस ये देखना चाहती थी कि आखिर जैमी को पकड़ लिया गया है। तभी उसे एक ट्रक दिखता है जो लूसीफर को दिखाती है और बोलती है कि यही वो ट्रक था जो स्टर्लिंग के घर के बाहर मिला था, इसके अंदर चोरी का सामान मिलता है, तो हमें बाहर जाके देखना चाहिए। लूसीफर लिंडा को बिठा देता और बोलता है हमें कहीं नहीं जाना, क्लोई ने मना किया था। तो लिंडा लूसीफर को उकसा देती है और बोलती है कि तुम तो डेविल हो, तुम तो खुद के मन का करते हो। अब लूसीफर को पिन करने के बाद लूसीफर कहाँ रुकने वाला था, यानी कि लिंडा और लूसीफर दोनों बाहर निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ क्लोई जैमी से बात करती है और सारी पूछताछ करने की कोशिश करती है, तो जैमी साफ मना कर देती है कि मैं किसी क्लिव और एड्रियाना दोनों को ही नहीं जानती हूँ, और न ही मैं कोई इलीगल काम करती हूँ, यानी कि क्लोई उससे कुछ भी नहीं पूछ पाती है। कि तभी यहाँ पे क्लाइंट बन के लूसीफर और लिंडा पहुँचते हैं, जहाँ जैमी उन्हें अटेंड करती है और अपने सबसे महंगी पेंटिंग दिखाते हैं। वहीं पे लूसीफर और लिंडा आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आखिर अगर हमें इससे चीजें उगलवानी है तो कुछ ना कुछ और तरीका करना पड़ेगा। तभी लूसीफर अपने पॉकेट में रखी हुई बड़े से नोटों की गड्डी निकालता है और जैमी को कहता है हमें कुछ और आइटम देखना है जो कि आपके पास बिल्कुल यूनिक हो। जैमी कहती है बहुत ही जल्द मैं आपको ऐसा आइटम प्रोवाइड करवा दूंगी, यानी कि कोई इलीगल आइटम। ये सारी चीजें लूसीफर ने रिकॉर्ड कर ली थी। बाहर आने के बाद क्लोई को बताता है कि मैंने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली और देखो तुम्हारे लिए पेंटिंग भी लाया हूं। यानी कि क्लोई को तो अंदर जाने का प्लान पहले से ही पता था, लूसीफर ने पहले ही क्लोई को मैसेज कर दिया था कि हम लोग अंदर जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एला चार्ली को संभालने के लिए आई थी। जब एमिनडेल सामने आता है तो एला बोलती है आखिर तुम बच्चे को कैसे संभालते हो, सच में ये एक बहुत हेक्टिक काम है। जहाँ एमिनडेल कहता है कि एला मुझे तुमसे कुछ चीज पूछनी है, अगर तुम्हारे सामने गॉड हो तो तुम क्या उनमें कुछ चेंजेस करना चाहती हो। तो एला बोलती है कि नहीं, गॉड जैसे भी है बहुत परफेक्ट है, वो मेरे लिए एक ऐसी आस्था है जिसका नाम है एक्सेप्ट करना, इसे ही तो गॉड कहते हैं। यानी कि एला हमेशा से ही गॉड के ऊपर बिलीव करती थी और उसे गॉड में कुछ बदलाव नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ मेज एक ऐसे गोडाउन के अंदर आई थी जहाँ से उन्हें क्लिफ के बारे में पता चल सकता था, जहाँ पे पीछे पीछे ईव भी आ गई थी जो कि मेज से कहती है कि मुझे बस तुम्हारे साथ रह के काफी सारी चीजें सीखनी है। तो मेज कहती है कि मुझसे ज्यादा चालाक मत बनो, जिस तरीके से तुमने मुझसे फाइट की थी ये किसी नौसिखिए का काम बिल्कुल नहीं है, तो अब सच बताओ कि आखिर बात क्या है। जहाँ ईव कहती है कि इतने दिनों तक मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी और तुम्हारा दिल तोड़ने के बाद में मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कैसे बात करती, इसलिए मैंने ये सारी प्लानिंग की और तुम तक पहुँच गई। ये बात सुन के मेज को मन ही मन में अच्छा तो लग रहा था, लेकिन इसी के साथ उसे
बुरा भी लग रहा था क्योंकि एक टाइम पहले ईव उसे छोड़ गई थी। यहाँ मेज और ईव को पता चलता है कि गोडाउन के अंदर जरूर कोई ना कोई गया है, जहाँ इन दोनों को गोडाउन में जाने के बाद एक बॉक्स मिलता है जहाँ इलीगल आइटम मिलता है और इसी के साथ मर्डर वेपन भी मिलता है। तभी मेज के ऊपर कोई अटैक कर देता है, वहीं ईव भी उससे लड़ने की कोशिश करती है और इन दोनों से जो लड़ रहा था वो क्लिफ था। इन सभी की हाथापाई के अंदर गन चल जाती है जो कि ना तो मेज को लगती है ना ही क्लिफ को लगती है, वो सीधा लग जाती है ईव को। यहाँ मेज ईव को संभालने की हर कोशिश करती है और उसे संभालती हुई सीधा हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ दूसरी तरफ लिंडा इस बात से बहुत परेशान हो गई थी कि क्लिफ को ढूंढने के चक्कर में ईव बेचारी हॉस्पिटल में पहुंच गई और इसी के साथ वो लूसीफर से ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एड्रियाना बिल्कुल निर्दोष है, यानी कि क्लिफ ने ही स्टर्लिंग का मर्डर किया है। लेकिन असलियत में लूसीफर आके बताता है कि क्लिफ ने तो किसी को मारा ही नहीं था, वो तो शहर से ही बाहर था। असल के अंदर एड्रियाना जैमी और क्लिफ के साथ काम करती थी और ये सारी प्लानिंग एड्रियाना की थी। लिंडा मानने के लिए ही तैयार नहीं थी कि उसकी बेटी ने किसी का मर्डर किया होगा। लूसीफर यहाँ बोलना चाह रहा था कि मैं और डिटेक्टिव, तभी यहाँ लिंडा बोलना शुरू कर देती कि तुम्हें बस तुमसे मतलब है, तुम इतने ईगोइस्टिक हो, इतने सेल्फिश हो कि हमेशा अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें ये नहीं मतलब है कि मेरी बेटी यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर है। लेकिन यहाँ लूसीफर कहना चाहता था कि तुम्हारे कहने के कारण हम सिर्फ और सिर्फ एक बार और एड्रियाना का कन्फेशन लेना चाहते हैं, इससे शायद कुछ पता चल सके। जहाँ लिंडा माफी मांगती है लूसीफर से कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, वहीं पे एड्रियाना से फिर से पूछताछ की जाती है जहाँ एड्रियाना बताती है कि मुझे बस मेरी माँ का ध्यान रखना है। हमें लगता है कि वो लिंडा के बारे में बात कर रही है लेकिन असल में एड्रियाना उस माँ की बात कर रही है जिसने एड्रियाना को अब तक बड़ा किया है, यानी कि अडॉप्टेड मॉम। एड्रियाना बोलती है कि मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे थे, तब जाके मुझे जैमी ने ऑफर दिया कि वो मुझे बहुत सारे पैसे देगी, बस मुझे उन क्लाइंट्स के बारे में बताना है जिनके घर में बहुत पैसे हो, जहाँ पे जैमी और क्लिफ दोनों मिलकर चोरियां किया करते थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये काम करने के लिए मना किया तो इन्होंने मुझे धमकी दी कि ये मेरी माँ को मार डालेंगे, बस मैंने इसीलिए ये काम किया। तो क्लोई कहती है इसलिए तुमने क्लिफ को मैसेज किया और सारी चोरी खुद करनी चाहिए। तो एड्रियाना बोलती है कि क्लिफ ने तो मेरा कॉल ही नहीं उठाया था जब मैंने उसे किया था। तो क्लोई बोलती है कि तुमने जब क्लिफ को मैसेज नहीं किया तो फिर आखिर तुम वहाँ पे क्या करने के लिए गई थी। तो एड्रियाना बोलती है कि स्टर्लिंग का प्लान चेंज हो गया था, वो अगले दिन वेकेशन पे जाने वाला था, मुझे लगा क्लिफ वहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा जाएगा इसीलिए मैं वहाँ गई थी। तो क्लोई बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, फ्राइडे के दिन तुम कहाँ थी। तो एड्रियाना बोलती है कि फ्राइडे के दिन तो मैं घर पे ही थी, मैं तो उस दिन मूवी देख रही थी, तो मूवी के टाइम पे आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। जहाँ ये सारी बातें लिंडा समझ जाती है और इसी टाइम बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ एला बताती है कि मैं तो असलियत में जीनियस हूँ, मुझे गन के ऊपर ऐसे निशान मिले हैं जो कि टेप से चिपकाए गए हैं, उस गन के ऊपर एड्रियाना का सिर्फ एक फिंगरप्रिंट मिला है, यानी कि एक फिंगर से आखिर कोई कैसे गन चला सकता है। जहाँ क्लोई और लूसीफर सोचते हैं कि अगर एड्रियाना फ्राइडे के दिन मूवी देख रही थी तो मूवी के टाइम पे उसका फोन कौन ऑपरेट कर सकता है, क्लिफ को आखिर किसने मैसेज किया होगा। ये बात जैसे ही क्लोई समझती है तब तक उसे ये भी पता चल जाता है कि लिंडा भी ये बात समझ चुकी है और सीधा उसी इंसान के पास जाएगी जिसने एड्रियाना का फोन ऑपरेट किया था, वो और कोई नहीं बल्कि ओवन था। इसी कारण लिंडा अपनी सीधी गन ले जाती है और ओवन के ऊपर तान देती है और कहती है कि अब सच सच बताओ कि आखिर तुमने एड्रियाना के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए थे ना। तो ओवन कहता है तुम पागल पागल हो गई हो क्या, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो। तो लिंडा बोलती है कि मैं वो हूँ जो एड्रियाना के सच में फिक्र करती हूँ, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। और इतनी ही देर में यहाँ लूसीफर और क्लोई भी आ जाते हैं जहाँ ओवन बोलता है कि ये पागल औरत है, मार डालेगी मुझे। तो लूसीफर चिल्ला के बोलता है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, ये एक डॉक्टर है और बहुत ही अच्छी औरत है, हमें सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने ही हमें जैमी तक पहुँचाया। जहाँ क्लोई ओवन को बताती है कि तुम ही चाहते थे कि हम जैमी तक पहुँचे, जैमी से हम लोग क्लिफ तक पहुँचे और उसके बाद में इनके गोडाउन तक जहाँ से हमें सारे मर्डर वेपन मिले और एड्रियाना के फिंगरप्रिंट भी मिले। और इसके बाद में ओवन को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी के साथ लिंडा जोर जोर से रोती है लूसीफर के गले लग के क्योंकि उसने अपनी बेटी को बचा लिया था। यहाँ एड्रियाना जाने से पहले लिंडा को देख लेती है और कहती है आप तो मुझसे पहले भी मिली है, एक बार मैंने आपको घर दिखाया था। तो लिंडा कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तो बस यहाँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए आई थी और मैं खुश हूँ कि तुम बच गई हो, यानी कि अभी भी इन दोनों को एक दूसरे के रिश्ते के बारे में नहीं पता था। वही लूसीफर लिंडा के पास आता और पूछता है कि इस बार तो तुम्हें थेरेपी की जरूरत है, तुम बताओ कि आखिर तुमने एड्रियाना को सारा सच क्यों नहीं बताया। जहाँ लिंडा कहती है कि मैंने बस ये सारी चीजें उसके ऊपर छोड़ रखी है, अगर वो चाहेगी तो मुझसे जरूर बात करेगी, असल में मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ। जहाँ पे लूसीफर भी खुद को क्लोई से कनेक्ट करता है, यानी कि वो क्लोई के साथ में इसलिए नहीं रहना चाहता था क्योंकि क्लोई बहुत परफेक्ट है और लूसीफर खुद को नाकाबिल मानता था। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है हॉस्पिटल में जहाँ ईव से मिलने के लिए मेज आती है और मेज का कहना था कि ईव मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती हूँ, इसीलिए मेज अपनी माँ लिलिथ की इमॉर्टल की पावर वाली रिंग दे देती है मेज को और कहती है कि बस तुम हमेशा जिंदा रहो। जहाँ मेज कहती है कि मैं बिल्कुल जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, मैं बस आज के वक्त में जीना चाहती हूँ, मुझे पता है कि अगर कोई नहीं मरता है तो उसे कितना पेन होता है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। इस बात से मेज को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें वापस नहीं खोना चाहती हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इस रिंग को रखना ही पड़ेगा और इमॉर्टल बनना पड़ेगा। ईव इस बात से साफ मुकर जाती है कि मैं और जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, बस जो टाइम है
मैं उसे ही जीना चाहती हूँ। इसी कारण मेज वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिंडा के घर को देखते हैं, जहाँ पे एड्रियाना लिंडा से मिलने के लिए आई थी। वो लिंडा को बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि पुलिस वालों की मदद आपने की है। लिंडा बेचारी कुछ भी नहीं बोल पाती है, जहाँ वो एड्रियाना को घर में आने के लिए कहती है। एड्रियाना से कुछ देर बात करने के बाद एड्रियाना खुद ही कहती है लिंडा को कि आप मेरी मॉम है। लिंडा इस बात को सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो एड्रियाना बोलती है कि एक अडॉप्टेड बच्चा हर उस इंसान को घूरता है जो उसके जैसे दिखाई देता है। मुझे तब से लगने लगा था जब आप मेरे पास घर देखने के लिए आई थी। जहाँ लिंडा बताती है कि मैं सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे ये डर था कि तुम कहीं मुझे ठुकरा ना दो, और इसी कारण मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। जहाँ एड्रियाना को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसी के साथ लिंडा अपने बच्चे के बारे में भी एड्रियाना को बताती है। यानी कि एड्रियाना अपने छोटे भाई चार्ली से मिलती है और बहुत खुश थे ये तीनों आपस में। वहीं लास्ट सीन में हम लोग एमिन अडील को देखते हैं, जो कि लूसीफर को बताता है कि मैंने पहले बहुत सोचा कि मैं गॉड के रिटायरमेंट के बाद में अगला गॉड बन सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ के लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुका हूँ। मैं इंसानों को पहले कुछ नहीं मानता था, और आज सब कुछ मेरे लिए इंसान ही है। यहाँ पे मेरे दोस्त है, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, तो मैं शायद ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो लूसीफर कहता है, इसमें तुम सेल्फिश क्यों बन रहे हो, तुम्हें आखिर सिल्वर सिटी का काम करना ही पड़ेगा। जो एमिन अडील कहीं ना कहीं पीछे हट रहा था, तो वही लूसीफर बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, यानी कि वो हूँ मैं अब अगला गॉड बनूंगा, ये सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, हमेशा से ही तो मैं यही करना चाहता था। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर के लास्ट एपिसोड में जैसा कि लूसीफर ने एमिन अडील के सामने कन्फ्रंट किया कि अब गॉड उसे बनना है, तो क्या लूसीफर की ये सोची हुई बात पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और इसी के साथ में क्या गॉड का रिटायरमेंट बिल्कुल सक्सेसफुली हो जाएगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, ये सारी चीजें गाइस आज हमें इस एपिसोड में पता चलने वाली है। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जहाँ से आप मेरी तरह जीत सकते हैं 10 करोड़ डेली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप प्लेयर स्पॉट। यहाँ पे मेरा फेवरेट है ब्रांड न्यू गेम रमी, जहाँ पे आप एक पैसे से टेबल ज्वाइन करके जीत सकते हैं 10 करोड़। मैंने तो काफी इंजॉय किया है, तो अब रमी ही खेलना है तो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है लिंक। तो और बताओ, प्लेयर स्पॉट पे खेला है क्या? और अगर आप चाहते हो कि वर्ल्ड कप पे फैंटेसी लीग खेलना, तो अभी जाओ और खेलना स्टार्ट करो इस ऐप पे। यहाँ पर मेरा दूसरा फेवरेट गेम है लूडो, और ऐसे बहुत सारे गेम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब दिखाओ अपना गेमिंग स्किल और आ जाओ इंडिया के नए मैदान पे, मुझे चैलेंज करो और 10 करोड़ जीतने का मौका। दोस्तों, प्लेयर स्पॉट है 100% सिक्योर और मेड इन इंडिया, तो आपका पैसा सेफ है। 7 मिलियन प्लस यूजर यहाँ पे रोज खेलते हैं। यहाँ इजी विड्रॉल विद नो KYC, तो जीता हुआ अमाउंट सीधा आपके अकाउंट में। और तो और यहाँ शिप फाइट, हाउस क्विज, चेस, कैरम जैसे और भी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। तो अभी जाओ और डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप और यूज करो मेरा रेफरल कोड PLAYS200 और पाओ 200 साइन अप बोनस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 14 की शुरुआत होती है, जहाँ पे लूसीफर बड़ा खुश होकर क्लोई को बताता है कि फाइनली मैं गॉड बनने वाला हूँ। जहाँ पे क्लोई ये बात सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं थी, यानी कि उसका कहने का मतलब था कि शायद एमिन अडील को नेक्स्ट गॉड बनना चाहिए। जहाँ लूसीफर क्लोई को कहता है कि तुम्हें इस बात से बिल्कुल खुशी नहीं है कि मैं गॉड बनने वाला हूँ। जहाँ क्लोई कहती है कि अगर तुम गॉड बन गए तो शायद हम दोनों के बीच में पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं रहेगी, तुम्हारे पास में और कई काम होंगे और शायद तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं दोगे। तो लूसीफर कहता है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मुझे इन सब चीजों में तालमेल करना आता है और मैं ना तुम्हारा कभी साथ छोड़ूंगा। जिसके बाद ये सभी लोग एक क्राइम सीन पे पहुंच जाते हैं, जो कि एक एक्वेरियम का क्राइम सीन था। यहाँ एला बताती है विक्टिम का नाम ब्रूना है, जो कि इस एक्वेरियम की गॉड मदर थी, लेकिन यहाँ पे इसका मर्डर काफी बुरी तरीके से हुआ था। ब्रूना की बॉडी पानी के अंदर पाई गई थी, जहाँ शार्क ने इसकी बॉडी का हर पार्ट अलग अलग कर दिया था। सारे पार्ट मिल चुके थे, लेकिन अभी भी ब्रूना का एक हाथ नहीं मिला था। जिसके बाद में पूछा जाता है कि ब्रूना की बॉडी किसे मिली, तब यहाँ की ओनर एलिजाबेथ से पूछताछ की जाती है। एलिजाबेथ कहती है, मैं रोज सुबह यहाँ पे आती हूँ, उसी तरीके से आई थी, तब यहाँ पे मुझे ब्रूना नहीं मिली और सीधा एक्वेरियम के अंदर मिली। ब्रूना यहाँ पे हर मछली को बहुत प्यार किया करती थी, उसे ये एक्वेरियम अपना घर लगा करता था। लूसीफर का ध्यान इस केस पे कम बल्कि गॉड के रिटायरमेंट पे ज्यादा था। इसी कारण क्लोई इस बात को इसके सेलेस्टियल फैमिली से ऐड कर देती है और लूसीफर को कहती है कि देखो, ब्रूना अपने आप को गॉड मानती थी। और तभी लूसीफर इस बात में इंटरेस्ट लेने लग जाता है और यहाँ पे एमिन अडील उसे दिखाई देता है, जहाँ पे एमिन अडील से पूछता है लूसीफर कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए। एमिन अडील कहता है कि तुम्हें शायद मेरे साथ चलना चाहिए। लूसीफर पूछता है कि बात क्या है, आखिर डेड रिटायरमेंट ले तो रहे हैं ना। जहाँ एमिन अडील बोलता है कि बिल्कुल वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन हमें एक बार जाना चाहिए। तो लूसीफर कहता है, चलो चलो, मुझे उनसे आशीर्वाद जो लेना है, मैं गॉड बनने वाला हूँ और सारे भाई बहन बीच में आए, इससे पहले मैं उनसे मिल लेता हूँ। तो एमिन अडील कहता है कि
शायद तुमने थोड़ी सी देर कर दी है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है एक रिटायरमेंट पार्टी में, जहाँ पे पूरी की पूरी सेलेस्टियल फैमिली अर्थ पे आ रखी थी, यानी कि हर एक एंजल जो कि अब तक सिल्वर सिटी में था वो अर्थ पे था, जहाँ इन्हें सबसे पहले गैब्रियल मिलती है और वो फिर से गॉसिप करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि गॉसिप की ही पावर गॉड ने गैब्रियल को दी थी। एमिनेडील से पूछती है गैब्रियल की बताओ तुम्हारी फैमिली के बारे में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो एमिनेडील उसे कुछ भी नहीं बताता है, तो गैब्रियल कहती है कि मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, और इसी के साथ ये भी है कि डैड की पावर्स कम होती जा रही है। लूसिफर पूछता है कि आखिर तुम्हें ये बात किसने बताई थी, तो गैब्रियल कहती है कि ये बात तो हमें शायद माइकल ने बताई थी। जहाँ एमिनेडील कहता है कि इन बातों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें आगे जाके गॉड से मिलना चाहिए। कि तभी यहाँ पे एक एंजल और आ जाता है, जिससे लूसिफर की बिल्कुल नहीं बनती है, और वो लूसिफर को कहता है कि यहाँ डेविल इन्वाइटेड बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ लूसिफर भी इसे खरी खोटी सुना देता है और इन दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है। फाइनली एमिनेडील और लूसिफर मिलकर डैड के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ एक के बाद एक सारे एंजल्स आ चुके थे और गॉड को कहते हैं कि आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं तो अपना अगला वारिस किसे चुनेंगे। जहाँ गॉड की तो कोई बात सुनता नहीं और आपस में एंजल्स बात करने लग जाते हैं। यहाँ रमाइला के सारे एंजल्स के बीच में बोलती है कि हमें सबको पता है कि अगला गॉड कौन बनने वाला है, वो गॉड एमिनेडील है। जहाँ एमिनेडील अपने बारे में कहता है आप सबको मुझसे बहुत होप है, लेकिन इस बार मैं लूसिफर के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगला गॉड लूसिफर ही बने। बाकी सभी एंजल्स ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं तो लूसिफर सभी के ऊपर चिल्लाता है, जहाँ लूसिफर बोलता है कि बस मुझे ये बताओ कि तुम में से काबिल कौन है, तुम में से किसी एक एंजल ने एक शहर तक नहीं संभाला और मैंने सदियों तक हेल संभाला है, तो बताओ सबसे ज्यादा काबिल कौन हुआ। जहाँ रैमियल का कहना अभी भी यही था कि एमिनेडील हम तुम पे बहुत बिलीव करते हैं और हम इस बागी का साथ तो कभी नहीं देने वाले हैं। जिसके बाद में फाइनली एंजल ब्रदर और सिस्टर में गर्मा गर्मी होता देख गॉड बोलते हैं कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ, सबसे पहले मेरे रिटायरमेंट की पार्टी होगी, उसके बाद वारिस चुना जाएगा। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ लूसिफर का केस पे से बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और सिर्फ उसका ध्यान अपने डैड के रिटायरमेंट प्लान पे था। जहाँ क्लोई उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी लूसिफर ध्यान नहीं देता है। यहाँ एक्वेरियम की ओनर एलिजाबेथ ने बताया था कि ब्रूना से उसके हस्बैंड की कुछ बनती नहीं थी, ये लोग आए दिन झगड़ा किया करते थे, जिसके बाद अब ब्रूना के हस्बैंड को बुलाया जाता है तो ब्रूना का हस्बैंड बोलता है कि ब्रूना पागल हो चुकी थी, वो सब कुछ इस एक्वेरियम को ही मना करती थी, सुबह से लेकर शाम तक वही रहा करती थी, मेरे बच्चों को सिर्फ मैं संभाला करता था, तो आखिर वो हमारे किस काम की थी। एक दिन तो मैंने उसे रंगे हाथों एक होटल में भी पकड़ा जर्मनी के अंदर, लेकिन वहाँ पे भी ब्रूना अपने बिजनेस से रिलेटेड बात कर रही थी, मुझे लगा कि शायद उसकी कोई और लाइफ भी होगी इसीलिए वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, लेकिन उस दिन मुझे पता चल गया कि इस एक्वेरियम के अलावा ब्रूना की कोई लाइफ नहीं है। यहाँ हम मेस को देखते हैं जो कि लिंडा से मिलने के लिए आई थी और उसे बताती है कि सोल मिलने के बाद अगर इतनी प्रॉब्लम होती है तो मुझे सोल लेनी ही नहीं चाहिए थी। बातों ही बातों में मेस को ये भी पता चलता है कि अगर उसे सोल मिला है दैट मीन्स मरने के बाद वो हेल जाएगी, ईव तो एक बहुत अच्छी लड़की है तो वो हेवन जाएगी, यानी कि फिर से ये दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ मेज अगर हेल में गई तो वहाँ पे रहने वाली डीमन मेज को बहुत टॉर्चर करेंगे। इस बात से मैजिकीन अपना हेल लुक चेंज करने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पे लूसिफर और क्लोई जर्मी नाम के रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ पे इलीगल फूड सर्व किया जाता है। इन सभी को लग रहा था कि ब्रूना ने कुछ फिशेस इलीगल तरीके से बेच दी थी, लेकिन ऐसे कोई भी रेस्टोरेंट अपने इलीगल मेन्यू को शो नहीं करता है, इसी कारण लूसिफर और क्लोई यहाँ पे गेस्ट बन के जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ तो डबल डेट होने वाली है, यानी कि गॉड भी आते हैं और इसी के साथ लूसिफर ने क्लोई की मॉम को भी यहाँ बुलाया था। यहाँ सभी आपस में अच्छी तरीके से बात करने लगते हैं, जहाँ क्लोई की मॉम गॉड से उनके काम के बारे में पूछती है और इसी के साथ क्लोई भी पूछती है कि आखिर आप सारी चीजें कैसे संभालते हैं, काम और पर्सनल लाइफ। जहाँ गॉड बताते हैं कि इतने सालों में हमने हमारी लाइफ जी ही नहीं, इसी कारण हमारी वाइफ को हमसे हमेशा से शिकायत थी। ये बात आप सभी को ध्यान है कि शार्लेट में जब गॉडेस आई थी तब वो यही बोला करती थी कि उनके उनके हस्बैंड के साथ में बिल्कुल नहीं बनती है। अब यहाँ जब वेटर आता है तो लूसिफर यहाँ पे वेटर को बोलता है कि मुझे तुम्हारी यहाँ इलीगल डिश चाहिए, तो वेटर बोलता है कि हमारे पास ऐसी कोई डिश सर्व नहीं होती है सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। लूसिफर पैसे निकाल के बताता है कि इन्फॉर्मेशन तो कुछ और मिली है, जिसके कुछ ही देर बाद यहाँ रेस्टोरेंट का ओनर पहुंच जाता है, यानी कि मेन जर्मी, और वो लूसिफर को बोलता है कि हम हर किसी को अपना मेन्यू नहीं बताते हैं, लेकिन अब जब आप कह ही रहे हैं तो हम आपको जरूर कुछ अच्छा सर्व करेंगे। और जर्मी ने जो सर्व करवाया था वो एक पैंडा से बनी हुई डिश थी जो कि पूरी तरीके से इलीगल थी, और वहीं पे जर्मी को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे मेज अपना हेल लूप चेंज करना चाहती थी, लेकिन तभी यहाँ एमिनेडील आ जाता और बोलता है कि तुम एक डॉग को मार नहीं पा रही तो तुम क्या कुछ बुरा काम कर पाओगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हेल ही मिलेगा, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, तुम एक अच्छी लड़की हो। मेज को ये भी पता चलता है कि गॉड रिटायरमेंट लेने वाले हैं और अगला गॉड लूसिफर बनने वाला है, जिसके बाद मेज के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान आता है। यहाँ दूसरी तरफ हम लोग एला को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थी और लिंडा से अपनी थेरेपी लेने के लिए आई थी। एला तब से परेशान थी जब से उसका बॉयफ्रेंड एक मर्डरर निकला था। एला का बोलना था कि वो अंदर से उसका मन बहुत काला है, वो एक बुरे इंसान है, सबके सामने अच्छा
बनने का बिहेव करती है, लेकिन असल में वो अच्छी नहीं है। जहाँ पे लिंडा एला को बहुत मोटिवेट करती है और कहती है कि हर एक इंसान में बुराई छुपी होती है, अकेली सिर्फ तुम नहीं हो जिसने कुछ बुरा सोचा हो। यहाँ पे लूसीफर अभी भी अपने डैड के रिटायरमेंट के लिए कुछ डिफरेंट प्लान कर रहा था, तभी यहाँ पे जर्मी से पूछताछ की जाती है, जहाँ क्लोई को ही सारी पूछताछ करनी पड़ती है। जहाँ जर्मी बताता है कि ब्रूना हमें फिशेस बेचा करती थी, इसके साथ में शार्क भी बेचा करती थी, लेकिन एक बार उसने एक ऐसी शार्क के लिए डील की जिससे वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी, करीबन $47,000, और इतने पैसे मेरे पास नहीं थे तो आखिर मैं कहाँ से लाता, मैंने जब ये डील मना की इसी कारण हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। जहाँ पे क्लोई और लूसीफर को समझ में आता है कि ब्रूना अपनी ही फिशेस को आखिर बेच क्यों रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि गॉड परेशान हुई भी एला को देख रहे थे ऊपर से, और तभी यहाँ लूसीफर आके गॉड से मिलता है और उन्हें अपने प्लान्स के बारे में बताता है कि देखो मैंने आपके बारे में कितनी अच्छी चीजें सोची है। जहाँ गॉड का कहना था कि बिल्कुल तुम मेरे लिए अच्छी चीजें सोच तो रहे हो, लेकिन एक बार हमें रिटायर होने से पहले चीजें देखनी पड़ेंगी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे रिटायर होने से ज्यादा ही खुश हो, शायद मेरे रिटायर होने से पहले ही तुम्हें गॉड बनना है। तो लूसीफर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तो बस आपके लिए प्लानिंग कर रहा था। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है एक गार्डन के अंदर, जहाँ एमिनेडील और गॉड दोनों गेम खेल रहे थे। वहीं पे एमिनेडील लूसीफर की तारीफ करता है और गॉड भी लूसीफर के बारे में पूछते हैं कि क्या वो ये सारी चीजें संभाल लेगा। जहाँ एमिनेडील बोलता है कि वो बहुत मैच्योर इंसान है, उसने काफी सारी परेशानियां झेली है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये यूनिवर्स जरूर संभाल लेगा। यहाँ हम देखते हैं कि क्लोई लूसीफर से शिकायत करने लगती है, वो बोलती है कि तुम तुम्हारे डैड के काम में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि तुम मुझे टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, इन फ्यूचर तुम गॉड बन गए तो हम बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएंगे। जहाँ लूसीफर सारा काम छोड़ के क्लोई को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसी टाइम यहाँ एला पहुंच जाती है जो कि इन दोनों को बताती है रूना के अकाउंट को चेक किया, इसके अंदर $47,000 का अभी भी एक डोनेशन आया हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया है, लेकिन इसी अमाउंट के बारे में जर्मी ने बात की थी, तो आखिर इतना बड़ा अमाउंट उसे किसने दिया होगा, लेकिन ये जहां से भी आया है मुझे उसका आईपी एड्रेस पता है। लूसीफर इस आईपी एड्रेस को देखते ही पहचान जाता है कि ये कौन सी जगह है, ये एक फाइटिंग क्लब था और इसी के साथ में रेस्टोरेंट भी था जहां पे लीगल फूड भी सर्व किया जाता है। जहां पे सबसे पहले तो लूसीफर यहां के ओनर से फाइट करता है, हालांकि लूसीफर को फाइट करना हमेशा से बहुत पसंद था और यहां पे लूसीफर जीत भी जाता है, क्योंकि इतने सालों की मेहनत के बाद में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि लूसीफर को नहीं आता था। यहां का ओनर बताता है कि ब्रूना को तो हमने डोनेशन दिया था, उसका एक्वेरियम बहुत बुरी हालत में था, वो कुछ मछलियों को बेच के बाकी मछलियों की जान बचाना चाहती थी, बस इसी कारण वो मछलियों को बेच दिया करती थी, लेकिन हमने उससे कोई भी इलीगल फिश नहीं खरीदी है। तरीके से वो तो वहाँ की गॉड मदर है और उसको तय करना था कि कौन सी फिश जिंदा रहेगी और कौन सी फिश मर जाएगी, तो आखिर ब्रूना से कौन इतनी नफरत करता होगा जो उसे मार नहीं चाहता होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लक्स के अंदर, जहाँ लूसीफर से मिलने के लिए मेज आती है और मेज का कहना था कि तुम गॉड बनने वाले हो, तो लूसीफर कहता है कि हाँ मैं बना तो नहीं हूँ लेकिन काम प्रोसेस में चल रहा है। जिसके बाद मेज अपने बारे में बताती है कि मुझे सोल मिल चुकी है, इसका मतलब है कि मैं भी मर जाऊंगी और एक दिन मुझे भी हेल नसीब होगा, यानी कि मुझे डीमंस टॉर्चर करेंगे और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो लूसीफर पूछता है कि तो फिर आखिर तुम चाहती क्या हो, तो मेज बोलती है मैं ये चाहती हूँ कि कौन किसके ऊपर टॉर्चर करे ये मैं तय करूँ, यानी मेज के कहने का मतलब था कि उसे अब डेविल बना दिया जाए, उसे पूरा का पूरा हेल संभला दिया जाए और अब मैजिकीन तय किया करेगी कि लोगों को क्या सजा देनी है। जिसके बाद लूसीफर कहता है कि इतने साल वहाँ रहने के बाद तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि वहाँ क्या काम होता है, तो तुमसे अच्छी क्वीन वहाँ की कोई नहीं हो सकती है। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर एला से आके गॉड मिलते हैं, जहाँ एला गॉड के सामने कन्फेस करती है कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर अंधेरा है, और गॉड एला से मिलने के बाद कहते हैं कि तुम जैसी अच्छी बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी है, तुम जितने लोगों की हेल्प करती हो उसकी रोशनी सीधा हेवन तक आती है। एला इन बातों को नहीं समझ पाती है, फिर भी वो बहुत खुश थी। यहाँ डैन और क्लोई अभी भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और तभी यहाँ एला आके बताती है कि बूम मैंने कर दिखाया, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, रूना के हाथ में एक सिट बिट लगा हुआ था जैसा कि उसके हस्बैंड ने बताया था, मैंने बस उसे ही ट्रैक किया और मुझे पता चला कि वो अभी भी टैंक में ही है, यानी किसी शार्क के पेट में। तो डैन बताता है कि अगर उसके हाथ में कोई भी डीएनए होगा भी तो वो पानी और स्टमक के एसिड से अब तक खत्म हो चुका होगा। जहाँ क्लोई का कहना था कि ये बात हमें पता है, ये बात मर्डरर को थोड़ी ना पता है। जिसके बाद में अब क्लोई और लूसीफर सीधा पहुंच जाते हैं एक्वेरियम में, जहाँ उसे एलिजाबेथ मिलती है। यहाँ पे एलिजाबेथ दो लोगों से शार्क को बाहर निकलवाने के बारे में कह रही थी, जहाँ पे एलिजाबेथ क्लोई को कहती है कि अभी भी मैं इस जगह की ओनर हूँ, तो मुझसे पूछे बिना यहाँ से कोई शार्क भी नहीं निकल पाएगी और ना ही आप किसी का पोस्टमार्टम कर सकते हो। तो क्लोई कहती है मैंने तो कहा ही नहीं कि मुझे किसी का पोस्टमार्टम करना है, और कोई एविडेंस हमें मिला है, इसका मतलब था कि एलिजाबेथ पकड़ी गई। जहाँ एलिजाबेथ कहती है कि ब्रूना पागल हो गई थी, वो खुद चाहती थी कि कौन सी फिश जिएगी और कौन सी फिश नहीं जिएगी, वो हर फिश को बचाना चाहती थी जबकि ये एक्वेरियम पूरा डूब रहा था। मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच कब झगड़ा हुआ और कब मैंने उसे मार दिया, वो बस एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद लूसीफर को कुछ चीजें समझ में आती है और अब उसे ये भी पता था
कि आगे उसे क्या करना है, जहाँ लक्स में जाने के बाद वो प्रे करता है और सीधी वहाँ गैब्रियल आ जाती है। वो गैब्रियल को एक ही बात कहता है कि तुम कहीं पे भी कोई भी मैसेज दे सकती हो ना। गैब्रियल कहती है मेरा यही तो काम है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है क्लोई पे, जहाँ उसकी मॉम क्लोई को कहती है कि बेटा तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे काम के कारण तुम्हारे डैड डिटेक्टिव नहीं बने, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, हम दोनों के बीच एक डील हुई थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जब तक मैं एक्ट्रेस नहीं बनी थी तब तक वो मेरा साथ दिया करते थे, और जैसे ही मैं एक्ट्रेस बन गई तो वो डिटेक्टिव बन गए और मैंने उनका पूरा साथ दिया, अगर मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो मैं बस यही चाहूंगी कि उनके साथ समय बिता सकूं। यहाँ पे क्लोई को कुछ चीज रियलाइज होती है कि आखिर उसे भी लूसीफर का साथ देना चाहिए। यहाँ लक्स के अंदर लूसीफर, एमेलेडील और गॉड एक साथ खड़े थे, जहाँ पे लूसीफर गॉड के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया था और वो बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, शायद आपको पसंद आए। और यहाँ हम देखते हैं कि शार्लेट की एंट्री होती है, यानी कि किसी रिटायर्ड आदमी को क्या गिफ्ट मिल सकता है अपनी वाइफ के अलावा, जो कि सालों साल उसके साथ रही लेकिन उनके बीच नहीं बनी, और आखिरकार अब वो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ एक साथ गुजारेंगे। यहाँ शार्लेट आके अपने दोनों बच्चों से मिलके खुश थी लेकिन हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बनती थी, जिसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं। वहीं पे एमेलेडील लूसीफर से पूछता है कि आखिर ये कैसे किया तुमने, तो लूसीफर बोलता है कि बस मुझे कुछ चीज सूझी और मैं इन्हें यहाँ पे बुला के ले आया। यहाँ लूसीफर अपने मॉम और डैड दोनों से पूछता है तो आप बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं वेकेशन के लिए, फ्लोरिडा जाएंगे या वापस सिल्वर सिटी जाएंगे। तो गॉडेस यानी कि शार्लेट बोलती है कि अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों हमारे यूनिवर्स में जाएंगे। ये बात सुनते ही तो एमेलेडील और लूसीफर का दिमाग खराब हो जाता है। ये दोनों बोलते हैं कि आप लोग अभी तो आए थे तो आखिर आप क्यों जाना चाहते हैं यहाँ से। एमेलेडील इस चीज को सुन के बहुत इमोशनल था और उससे ज्यादा इमोशनल तो लूसीफर था। वो अपने डैड को साइड में लेके जाता है। यहाँ पे दोनों बाप बेटे की इतनी पुरानी रंजिश जो थी वो खत्म हो चुकी थी। लूसीफर इमोशनल होकर डैड को बोलता है कि आप इतने सालों बाद यहाँ पे आए हैं तो आखिर आप क्यों जा रहे हैं। तो गॉड बोलते हैं कि बेटा मैं सच बता रहा हूँ, मुझसे डैड बनने में कहीं ना कहीं गलती हो गई थी, तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लूसीफर यही बात सुनने के लिए तरस चुका था और अब ऐसा मोमेंट था जहाँ लूसीफर नहीं चाहता था कि उसके गॉड उसे छोड़ के चले जाए। वहीं पे शार्लेट भी एमेलेडील को कहती है कि तुम बहुत स्ट्रांग बच्चे हो, मेरे सबसे समझदार बच्चे हो। गॉड का कहना था कि इतने सालों तक लूसीफर तुमने तुम्हारे मन की और हमने बस तुम्हें संभालने में ही हमारी जिंदगी बिता दी, तो अब समय आ चुका है कि हम हमारे मन की करें। यहाँ पे ये सभी लोग एक दूसरे को बहुत पेनफुल गुड बाय करते हैं। शार्लेट अपने बेटे लूसीफर से मिलती है और उसके बाद यहाँ गॉड और गॉडेस अपने ही यूनिवर्स में चले जाते हैं। लूसीफर अपने मॉम और डैड के जाने के बाद काफी ज्यादा परेशान था, इसी कारण उसने क्लोई को घर पे बुलाया था। यहाँ जब क्लोई आके लूसीफर से मिलती है तो वो एक बात कहती है कि मैं डिटेक्टिव की जॉब छोड़ रही हूँ। क्लोई कहती है कि हम दोनों ने मिलकर एक साथ 5 साल साथ बिताए हैं, तुमने मेरी हर जगह हेल्प की है, तो अब जब अगर तुम गॉड बनने वाले हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ गॉड बनने में, तो मैं अपनी डिटेक्टिव की जॉब छोड़ दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बात सुन के लूसीफर को बहुत अच्छा लगता है कि देखो मेरे लिए भी आज कोई सपोर्ट में खड़ा है। और तभी यहाँ पे रेमियल पहुंच जाती है जो कि लूसीफर को कहती है कि तुम्हें पता भी है कि क्या चल रहा है सिल्वर सिटी में, जहाँ लूसीफर कहता है कि कुछ भी चल रहा हो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो रेमियल बोलती है कि डैड कहाँ है आखिर, तो लूसीफर बोलता है कि जा चुके हैं वो तो अपने रिटायरमेंट के लिए। रेमियल पूछती है कि वारिस कौन बना है, तो लूसीफर कहता है कि उन्होंने बस कहा है कि जल्द ही तुम लोगों को पता चल जाएगा, ये सब उनके प्लान का हिस्सा है। रेमियल बोलती है लूसीफर तुम्हें कुछ नहीं पता है कि सिल्वर सिटी में क्या चल रहा है, वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो लेकिन माइकल हमारे सारे एंजल भाई बहनों को अपनी तरफ कर रहा है, मुझे माइकल से नफरत है। जिसके बाद में रेमियल अपने घुटनों पे झुक जाती है, यानी कि वो लूसीफर को अपना नया गॉड और अपना नया किंग मानना चाहती थी, और वो लूसीफर को कहती है कि अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। लूसीफर को बहुत गुस्सा आता है कि माइकल अब असली फॉर्म में आ चुका है और वो बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा जब गॉड सिल्वर सिटी में नहीं है। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है एक टेरिस पे, जहाँ गैब्रियल माइकल के लिए कुछ लेके आई थी, यानी कि माइकल ने गैब्रियल को अपनी तरफ कर लिया और एक चीज मंगाई थी, और वो चीज और कोई नहीं बल्कि एसडीएल का ब्लेड था। जैसे ही वो माइकल के हाथ में आता है तो माइकल बोलता है कि ये चीज बहुत कीमती है, यानी कि सिर्फ एक वही चीज है जो कि हेवन के दरवाजों को खोल सकती है, और अब ये एसडीएल की ब्लेड थी माइकल के हाथ में। और इसी के साथ गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लूसीफर में गाइज अब तक बहुत सारी चीजें चल रही है, गॉड ने अपना रिटायरमेंट ले लिया है, वहीं पे लूसीफर को अब गॉड बनना है। इसी के साथ लूसीफर का ट्विन ब्रदर यानी कि माइकल भी इसी रेस के अंदर है और वो लूसीफर को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। लूसीफर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो गॉड बनने के लिए अपने भाई बहनों को मना सके। इन सारी बातों में गाइज मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, गॉड आखिर जिसे भी बनना है बनने देते, लेकिन डायरेक्टर ने आखिर डैन के साथ ऐसा क्यों किया, इस लाइन का मतलब आप सभी को एपिसोड के लास्ट में पता चल जाएगा, जहाँ पे हम देखते हैं एपिसोड के शुरुआत में अब लूसीफर अपने काम पे लग चुका था, यानी कि वो सारे अपने एंजल्स ब्रदर और सिस्टर को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें खुश कर
रहा था, जहाँ पे लूसीफर ने अपने एक एंजल ब्रदर जिसका नाम जोफेल था उसे बुलाया था। बार में लूसीफर उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसीफर का ये आइडिया भी काम में नहीं आता है। महंगी से महंगी वोडका पिलाने के बाद में भी जोफेल लूसीफर का साथ नहीं देता। यहाँ क्लोई लूसीफर को बताती है कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्या मैं ट्रिक्सी को स्कूल से निकलवा दूँ? वैसे तो उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन मुझे उसे पढ़ाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरा काम क्या क्या है। लूसीफर क्लोई की ये सारी बातें सुन रहा था और इसी के साथ क्लोई को कहता है कि तुम थोड़ा शांत रहो क्लोई, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं गॉड बनने भी वाला हूँ या नहीं बनने वाला हूँ। मेरा भाई माइकल, जो कि सारे भाई बहनों को अपनी तरफ करने में लगा हुआ है, तो मुझे अभी तक ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जहाँ क्लोई लूसीफर को कहती है कि जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहूंगी। इसी के साथ लूसीफर क्लोई को ये भी कहता है कि तुम अपना नोटिस पीरियड अभी सर्व मत करना। यहाँ हम एक क्राइम सीन देखते हैं जहाँ एला विक्टिम की फोटोग्राफ्स क्लिक कर रही थी। वहीं डैन आता है और एला के साथ में हंसी मजाक करना शुरू कर देता है। एला को बोलता है डैन कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि काफी दूर से आया है, ट्रेनिंग टाइम पे वो मेरे साथ ही था और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक बार मिलो। जहाँ एला डैन को कहती है कि देखो यार, मैं बहुत टाइम बाद रिलेशनशिप से फ्री हुई हूँ और मैं अभी इस झंझट में वापस नहीं पड़ना चाहती। मैं तुम्हारी बात की कद्र करती हूँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। अब यहाँ लूसीफर और क्लोई भी पहुँच चुके थे, जहाँ पे एला इन्हें डिटेल्स बताना शुरू करती है कि विक्टिम का नाम जोनाथन था, जो कि एक वाइन शॉप का ओनर था। लूसीफर जोनाथन की हालत देखते ही बता देता है कि ये बंदा वाइन शॉप का ओनर हो ही नहीं सकता, इतनी महंगी चीज ये अफोर्ड कैसे कर सकता है। जहाँ डैन कहता है पॉइंट तो बिल्कुल सही है, मैं इसके अकाउंट्स चेक करता हूँ। वहीं पे एला बताती है कि जोनाथन को बहुत सारी वाइन पिलाई गई और उसके बाद में 43 कैलिबर की गोलियों से इसे मार दिया गया है। क्लोई यहाँ पे डिसाइड कर चुकी थी कि उसे लूसीफर का साथ देना ही है, इसीलिए वो अपना नोटिस पीरियड सर्व कर देती है, जिसके बाद में वो पुलिस स्टेशन में खड़ी होकर सभी को बोलती है कि मेरी इतनी बड़ी जर्नी में आप सभी लोगों ने मेरा बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया है, आप सभी लोग मेरे हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरे साथ थे। जहाँ एला और डैन आपस में बात करते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि क्लोई ये जॉब छोड़ रही है, तो डैन बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्यों जॉब छोड़ रही है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो किसके लिए जॉब छोड़ रही है। यानी कि डैन को तो एंजल्स और डेविल के बारे में पता था और डैन को ये भी पता था कि लूसीफर गॉड बनने वाला है, इसीलिए क्लोई को जरूर उसका साथ देना होगा। यहाँ पे एला और भड़क जाती है जब उसे पता चलता है कि लूसीफर भी जा रहा है, यानी कि ये दोनों ही लूसीफर के फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए फ्लोरिडा जा रहे हैं। जिसके बाद एला यहाँ पे विक्टिम के फोन को चेक करती है, जिसमें उन्हें धमकी भरे मेल्स और मैसेज दिखाई देते हैं। तो आखिर वो जहाँ के भी थे, एला ने उसके बारे में पता लगा लिया। ये पता एक लड़की का था जिसका नाम वॉटसन था, जिसके बाद में वो जादू करके लोगों को उनका फ्यूचर बताती थी। लूसीफर कहता है कि मेरे गॉड ने इंसानों को ऐसी पावर्स दी तो थी, क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? क्लोई यहाँ पे वॉटसन से कहती है कि जोनाथन मर चुका है, तो अब उसके बारे में सब कुछ सच बताओ। तो वॉटसन अभी भी सच नहीं बोलती है, वो बोलती है कि क्या जोनाथन मर चुका है? तो लूसीफर कहता है कि तुम तो फ्यूचर देख सकती हो, तो तुम्हें ये बात कैसे नहीं पता? तो क्लोई कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये एक जालसाज है, इनका काम कुछ नहीं है। जहाँ क्लोई बताना शुरू करती है कि मुझे ये भी पता चला है कि तुम मरे हुए लोगों की कीमती चीज ढूंढ के निकाल देती हो, और ये काम तुम्हारे अकेले के बस में तो था नहीं, जोनाथन जो कि एक मेडिकल रिसर्चर था वो तुम्हारे लिए इसी काम को करता था। जहाँ वॉटसन कहती है जब जोनाथन मेरे लिए इतना महंगा काम किया करता था तो भले मैं उसे क्यों मारूंगी? तो क्लोई पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि जोनाथन के किसी से झगड़ा हुआ हो या फिर उसे कोई मारना चाहता हो? तो वॉटसन बताती है कि हम कई लोगों की फैमिली इसकी कीमती चीजें ढूंढा करते थे, हो सकता है कि उन्हीं में से किसी को पता चल गया हो और वही जोनाथन को मारना चाहता हो। इसी के साथ में वॉटसन ये भी कहती है कि जोनाथन मरे हुए लोगों से चीजें चुराने के बाद में डीजे नाम के लड़के को बेचा करता था और डीजे उन्हीं चीजों को ब्लैक मार्केट में बेच दिया करता था। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है ट्रिक्सी और डैन पे, जहाँ डैन अपनी बेटी के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था और कार्ड्स के गेम खेल रहा था। जहाँ एमिनडी लाता है और डैन को अपने बारे में कुछ बताता है, वो डैन को कहता है कि मैंने सोच लिया है कि आखिर मुझे क्या करना है, अगर मुझे गॉड नहीं बनना है तो मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, इसी में मुझे खुशी मिलती है जहाँ पे मैं बुरे लोगों को सजा दे सकूँ। जिसके बाद में डैन इस बात पे बहुत जोर से हंसता है और कहता है कि एमिन डील तुम गॉड बनने वाले थे, इतना बड़े एंजल होने के बावजूद भी तुम्हें सिर्फ पुलिस वाला बनना है। जहाँ एमिन डील कहता है कि मुझे लगा था इस धरती पे सिर्फ एक तुम इंसान हो जो कि मेरी बातों को सुन के हंसोगे नहीं, लेकिन तुम्हें भी ये मजाक लगा, क्या मैं इसके काबिल नहीं हूँ? जहाँ डैन कहता है कि तुम इसके काबिल नहीं बल्कि तुम बहुत ज्यादा काबिल हो, लेकिन तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? जहाँ एमिन डील डैन को कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ लूसीफर अभी भी अपने भाई बहनों को मनाने में लगा हुआ था, तभी यहाँ उसकी एक एंजल सिस्टर आती है। जहाँ लूसीफर जानता था कि इसकी एंजल सिस्टर को क्या पसंद है, इसी कारण लूसीफर एक शेफ को लेके आया था जिसके ऊपर लूसीफर की एंजल सिस्टर बिल्कुल फिदा थी। जिसके बाद में इस एंजल सिस्टर को पता चलता है कि लूसीफर ये सारा काम गॉड बनने के लिए कर रहा है, तो वो अपने पैर पीछे कर लेती है और कहती है कि तुम चाहे मुझे कितना भी लालच दो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। यहाँ सीन शिफ्ट होता है लूसीफर और क्लोई पे, जो कि डीजे नाम के बंदे के घर पे गए थे। लूसीफर यहाँ इस बात से खुश था कि क्लोई ने उसे बिना बताए ही एक नोटिस पीरियड
ऑब्जर्व कर दिया। इन दोनों का मूवमेंट चल ही रहा था कि इन्हें पता चलता है कि डीजे के घर का दरवाजा तो खुला है। आखिर एले में इस टाइम पे दरवाजा कौन खुला रखता है। अंदर जाने के बाद इन्हें कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं, वही फुटप्रिंट्स जो कि जोनाथन के क्राइम सीन पे भी थे। ऐसा लग रहा था कि मानो इसके घर के किसी ने तलाशी ली हो, हो सकता है कि डीजे को भी प्रॉब्लम पहुंची हो। लेकिन तभी यहाँ पे डीजे पहुंच जाता है जो कि लूसीफर और क्लोई को कहता है कि देखो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो लूसीफर कहता है कि तुम क्या मुझे चोट पहुंचाओगे। लेकिन तभी यहाँ पे डीजे एक किक लगाता है डेविल को, लेकिन ये किक इतना जोरदार था कि लूसीफर कहीं दूर जाके गिरता है और डीजे उड़ता हुआ यहाँ से भाग निकलता है। लूसीफर और क्लोई के दिमाग में कुछ समझ नहीं आता कि आखिर नॉर्मल इंसान के पास में ऐसी पावर कहाँ से आई। क्लोई बताती है कि ये फुटप्रिंट ऐसे ही हैं जो कि जोनाथन के घर पे भी मिले थे, यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो कि जोनाथन और डीजे के पास में से कोई चीज चुराना चाहता हो। जिसके बाद में इन्हें ये पता करना था कि जोनाथन और वॉटसन के कितने क्लाइंट हो सकते हैं जिनसे इनकी दुश्मनी हो। ये क्लाइंट की लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी थी, इसी कारण डैन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये काम कर लूंगा, तुम लोग दूसरा काम करो। यहाँ हम देखते हैं कि मेज़ अब हेल की क्वीन बनने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, यानी कि वो तो अलग अलग ड्रेसेस तैयार कर रही थी कि आखिर अगर वो डेविल बनेगी तो उसे क्या पहनना चाहिए ताकि सारे लोग उसकी बात माने। ये सारी बातें लिंडा की समझ से तो बिल्कुल पार थी, लेकिन फिर भी वो मेज़ की मदद कर रही थी। जहाँ पे लिंडा मेज़ को ये कहती है कि तुम अपनी पर्सनैलिटी छुपाना क्यों चाहती हो, आखिर तुम जैसी हो तुम वैसी ही रहो ना। और तभी यहाँ लूसीफर पहुँच जाता है जो कि मेज़ से बात करके उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला है कि हेल से कोई डीमन आया है। तो मेज़ कहती है कि नहीं, इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन आखिर हुआ क्या है। जहाँ लूसीफर बताता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर वाला ह्यूमन यहाँ घूम रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके पास ये पावर्स आई कहाँ से है। अब लूसीफर अपने तीसरे एंजल भाई की तरफ आगे बढ़ता है जिसका नाम जेड कैल था और ये ईमानदारी का एंजल था। यहाँ लूसीफर जेड कैल को कहता है कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन जेड कैल मदद करने के लिए मना कर देता है। तो लूसीफर पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे फिर आए ही क्यों हो। तो जेड कैल बताता है कि बाकी भाई बहन कह रहे थे कि तुम उन्हें महंगी अल्कोहल सर्व करते हो और इसी के साथ में फेवर्स भी करते हो, और मैं चाहता था कि तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, बस इसीलिए आया हूँ। जहाँ लूसीफर कहता है कि तुम्हें सच ही जानना है ना कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो सुनो फिर, मैं ये सारी चीजें मेरे लाइफ पार्टनर के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं काबिल बनूं और उसे दिखा सकूं कि मुझसे ज्यादा काबिल और कोई नहीं है, तो सुन लिया ना तुमने, तो यही सच है। जहाँ जेडकेल कहता है कि वही लड़की है ना जो कि गॉड का तोहफा है। लूसीफर इस बात से बहुत भड़क जाता है और कहता है कि वो कोई तोहफा नहीं है, उसका नाम क्लोई डेकर है। यहाँ जेडकेल को फील होता है कि लूसीफर ने अपने मन की बात कही है और इस बार लूसीफर झूठ नहीं बोल रहा है। वैसे तो लूसीफर कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन उसकी मन की बात इतनी सच्ची है कि जेडकेल चाहता था कि लूसीफर ही जीत जाए। यहाँ हम डैन को देखते हैं जो कि अलग अलग क्लाइंट्स के पास जाके उन्हें आगाह कर रहे थे कि आपको जिन्होंने सामान बेचा था उसका मर्डर हो चुका है, तो हो सकता है कि आप भी रिस्क फैक्टर में है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा कि आपको किसी का कॉल आया है। जहाँ पे ये लड़की मना कर देती है कि नहीं मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। डैन यहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि इस लड़की के पीछे तो किसी ने गन रख रखी थी, लेकिन डैन को समझ में आ चुका था कि यहाँ कोई जबरदस्ती घुसा और ये लड़की खतरे में है। डैन अपनी पूरी पुलिस टीम को कॉल करता है और लोकेशन बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पे बैकअप की जरूरत है। लेकिन इतनी ही देर में कोई डैन के पीछे गन लेके खड़ा था, जिसके बाद सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है रात में, जहाँ इसी लड़की का मर्डर हो चुका था और पूरी पुलिस टीम भी यहाँ पहुँच चुकी थी। क्लोई का कहना था कि ये सारा काम मेरा था, आखिर मुझे करना चाहिए था, मुझे डैन को देना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो उसके जगह पे मैं होती। जहाँ एला और लूसीफर कहते हैं कि जो होना था वो तो हो चुका है, तुम होती या कोई और होता उसके साथ तो ये सारी चीजें होके ही रहती, तो अब हमें पता लगाना है कि आखिर डैन कहाँ गया होगा। जहाँ लूसीफर कहता है कि जरूर डैन अभी तक जिंदा होगा, क्योंकि जो भी आदमी इस चीज को ढूंढना चाहता होगा अगर उसे वो नहीं मिला होगा तो वो डैन को जरूर जिंदा रखेगा। इसके बाद में एला को डैन का टूटा हुआ फोन मिलता है, यानी कि अब वो डैन की लोकेशन भी नहीं चेक कर सकते और ना ही डैन किसी को कॉल कर सकता है। यहाँ क्लोई को झाड़ियों के बीच में कुछ चीज दिखती है जो कि एक लॉकेट था, और क्लोई समझ जाती है कि डैन ने ही ये क्लू छोड़ा है। लैब में जाने के बाद में एला पूरी चीज पता लगा लेती है। इस लॉकेट से एक मर्डरर के बारे में पता चलता है, उसकी पूरी क्राइम शीट निकल जाती है और उस बंदे के ऊपर भी एक और हेड था जिसका नाम विंसेंट था। विंसेंट की क्राइम रिपोर्ट बहुत बड़ी थी और सबसे बड़ी चीज ये कि उनका कोई भी गवाह नहीं होता, क्योंकि वो अपनी गवाहों को छोड़ते ही नहीं है, यानी कि वो मार डालते हैं। अब जब यहाँ मेज को पता चलता है कि डैन किडनैप हो चुका है, तो वो भी तमतमाती हुई लैब में पहुंच जाती है और कहती है कि कौन है ये बंदा, मैं मार डालूंगी उसे, आखिर बताओ डैन कहाँ पर है। जहाँ क्लोई मेज को सारी डिटेल बताती है, जहाँ लूसीफर मेज को साइड में लेके जाता है और बोलता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो आखिर हमें उन लोगों से पता लगाना पड़ेगा जो कि खुद भी मर्डरर हो। जहाँ मेज कहती है कि तुम्हें किन किन लोगों के बारे में पता करना है, जहाँ लूसीफर कहता है कि मैंने हर एक मर्डरर के ऊपर अपना फेवर कर रखा है, मुझे हर एक इंसान चाहिए। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है डैन के ऊपर, जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी, यानी कि विंसेंट के लोगों ने डैन को बहुत बुरी तरीके से मार पीट के उसके हाथ पैर बांध रखे थे। विंसेंट यहाँ पे डीजे की फोटो दिखाता है और
पूछता है कि बताओ आखिर ये कौन है और कहाँ पर है। डैन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अगर पता भी होता तो डैन कभी नहीं बताता। जिसके बाद में विंसेंट डैन को केलब की कब्र की फोटो दिखाता है, लेकिन तब भी डैन नहीं समझ पाता कि आखिर ये क्या पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में अब एमेनाडील भी पहुंच चुका था, और अब ये सभी मिलके तय करते हैं कि कोई भी इस बार अकेला नहीं जाएगा। अकेले जाने का नतीजा ये था कि डैन किडनैप हो चुका है, तो सभी दो दो की टीम में जाएंगे। जिसके बाद सीन फिर से डैन पर शिफ्ट होता है। डैन को विंसेंट का आदमी मारने ही वाला था कि तभी डैन उसको अपने पास बुलाता है। पास बुलाने के कारण जैसे ही वो आदमी डैन के करीब आता है कि डैन खड़ा होकर उसे बहुत जोर से मारने लगता है, अपनी कुर्सी तोड़ देता है और अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी से इसी आदमी के गले को दबा के मारने वाला था। और डैन यहाँ से भागने वाला ही था कि तभी उसे पीछे से आके विंसेंट शूट कर देता है और डैन वहीं पे बैठ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लोई और बाकी की पूरी टीम के ऊपर। क्लोई बिल्कुल परफेक्ट जगह पे पहुंच चुकी थी और उसे डैन मिल चुका था, लेकिन डैन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो जिंदा रह सके या खुद को थोड़ी देर के लिए और संभाल सके। क्लोई उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जहाँ डैन कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम ट्रिक्सी को बोलना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। क्लोई कहती है कि ये बात तुम खुद जाके कहोगे, डैन बस थोड़ा टाइम रुको। यहाँ पूरी रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी और डैन को हॉस्पिटल ले आया गया था। हॉस्पिटल के अंदर हर एक जना था, मेज, लिंडा, एमेनाडील, एला, सब जने थे। सभी लोग यही प्रे कर रहे थे कि बस डैन बच जाए, लेकिन डॉक्टर आके फाइनली बताती है कि डैन को वो लोग नहीं बचा सके। जिसके बाद में क्लोई की बहुत हालत खराब थी, वो रो रो के पागल हो रही थी। और तभी यहाँ पे पहुंच जाती है ट्रिक्सी, जिसे पता चलता है कि उसके डैड आखिर कहाँ गए हैं। वो अपनी मॉम से पूछती है कि मेरे डैड कहाँ हैं, मुझे ला कर दो। जहाँ पे क्लोई अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हारे डैड अब यहाँ पे नहीं रहे हैं, तो ट्रिक्सी सबके ऊपर चिल्लाने लगती है। वो बोलती है चुप हो जाओ, मेरे डैड बिल्कुल ठीक है, वो अभी आ जाएंगे। ट्रिक्सी को सिर्फ लूसीफर के ऊपर बिलीव था, क्योंकि लूसीफर कभी झूठ नहीं बोलता। जहाँ लूसीफर भी ट्रिक्सी को बोलता है कि मुझे माफ कर दो बच्ची, यानी कि डैन इन सभी लोगों को छोड़ के जा चुका था। इधर लूसीफर एमेनाडील को बताता है कि पता नहीं क्या चीजें हो रही है यहाँ पे। पहले तो एक आदमी मिला जिसके पास में सुपर पावर्स थी, उसके बाद में कुछ चीजों का चोरी होना, और इसी के साथ में डैन का मरते हुए कहना कि केलब, इन सब चीजों का क्या मतलब हो सकता है। एमेनाडील जैसे ही केलब का नाम सुनता है तो कहता है कि क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं जानता हूँ आखिर ये सारी चीजें कहाँ से हुई है। जिसके बाद में ये दोनों एंजल्स पहुंच जाते हैं केलब की कब्र के ऊपर। एमेनाडील यहाँ पे लूसीफर को सब कुछ बताता है कि केलब वही बच्चा था मैं जिसकी मदद करना चाहता था। तो लूसीफर कहता है कि आखिर बात क्या है, सब कुछ साफ साफ कहो। जहाँ एमेनाडील बताता है कि केलब के मरने से पहले मैंने अपनी एंजल चेन उसके पास में रखी थी। जिसके बाद में लूसीफर सब कुछ समझ जाता है कि विंसेंट जिस चीज को चुराना चाहता है वो और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी चेन थी। लूसीफर एमेनाडील को कहता है कि तुम ऐसे कैसे अपनी चेन कहीं पे रख सकते हो, वो चेन ही एक ऐसी चीज है जो कि फ्लेमिंग स्वॉर्ड के हर टुकड़े को जोड़ के रखती है, और जरूर माइकल का ही इन सारी चीजों में हाथ होगा। जहाँ एमेनाडील लूसीफर को कहता है कि वो चेन पहले भी इंसानों के हाथ में गई है, लेकिन तब तो उसने कुछ भी नहीं किया। तो लूसीफर कहता है कि तब एजरेल की ब्लेड अर्थ पे नहीं थी, एजरेल की ब्लेड होने के कारण ही उस चेन के अंदर पावर्स आई है। तो एमेनाडील बोलता है कि उस फ्लेमिंग स्वॉर्ड को तो तुमने दूसरे यूनिवर्स में भेज दिया था। तो लूसीफर कहता है कि मैंने गैब्रियल को भेजा था दूसरे यूनिवर्स में मैसेज देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो खाली हाथ आई थी। इसका मतलब है कि लूसीफर और एमेनाडील को पता चल चुका है कि माइकल के पास में फ्लेमिंग स्वॉर्ड आ चुका है और वो उसका हर पीस इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है क्लोई पे, जहाँ क्लोई लूसीफर को बताती है कि बड़ी मुश्किल से उसने ट्रिक्सी को सुलाया है। यहाँ पे क्लोई की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन लूसीफर यहाँ क्लोई को सब कुछ सच बता देता है कि आखिर वो गॉड क्यों बन रहा है, क्योंकि क्लोई का कहना था कि लूसीफर तुम जब गॉड बन जाओगे तो सारी चीजें ठीक कर दोगे, यानी कि डैन को भी वो वापस ला सकता है। तो लूसीफर कहता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है और मैं गॉड सिर्फ तुम्हारे कारण बन रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने काबिल बनना चाहता हूँ। ये सुन के तो क्लोई बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर अच्छा हुआ जो तुम्हें गॉड नहीं बनाया गया, तुम्हारे भाई बहन अगर तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही नहीं दे रहे हैं, तुम इतनी गलत हरकत कैसे कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारी इस चीज के कारण ट्रिक्सी के पास आज उसके फादर नहीं है। जिसके बाद अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लोई अपने यूनिफॉर्म में थी, ट्रिक्सी भी बैठी थी, इसी के साथ पूरी पुलिस फोर्स भी थी, और साथ ही साथ एमेनाडील, लिंडा, एला, मेस सभी लोग थे। ये सभी लोग डैन के फ्यूनरल पे आए थे। यहाँ पे एला से आके एक बंदा मिलता है और ये वही बंदा था जिसे कि डैन एला को मिलाना चाहता था। एला और ये बंदा यही बोलते हैं कि डैन से अच्छा इंसान उन लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा। यहाँ पे एला एमेनाडील के पास खड़ी थी, जहाँ एमेनाडील कहता है कि एक रात पहले ही मेरी उससे बात हुई थी और हम दोनों हमारे फ्यूचर के लिए सोच रहे थे। जहाँ एला कहती है कि उसने जाने से पहले तुम्हारी फाइल पुलिस डिपार्टमेंट में दी थी। ये सुन के तो एमेनाडील और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद में एमेनाडील लूसीफर से आके मिलता है और लूसीफर को बोलता है कि मैं हेवन जाके आया ताकि मैं डैन से मिल सकूं। जहाँ लूसीफर को शांति मिलती है और कहता है कि चलो अच्छी बात है, बताओ डैन आखिर ऊपर क्या कर रहा है। तो एमेनाडील कहता है कि यही तो बड़ी प्रॉब्लम है कि हेवन में मुझे डैन मिला ही नहीं। तो लूसीफर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो अगर वहाँ पे नहीं तो फिर, इसका मतलब था कि डैन अगर हेवन में नहीं तो फिर हेल में हो सकता है। जहाँ लूसीफर कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उसे किसी चीज का रिग्रेट नहीं था। तो
एरिडिल बोलता है कि ये रिग्रेट वाली पछतावे वाली चीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम एंजल्स भी इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। जिसके बाद डैन का फ्यूनरल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एमिनेडिल डैन के लिए स्पीच देता है, डैन के ऊपर फ्लैग रखा जाता है और तभी इसके बाद में मेज आती है जो कि लूसीफर को बताती है कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है। एक तरफ यहाँ लूसीफर और एला डैन को अलविदा कर रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेज और लूसीफर पहुंचे होते हैं विंसेंट के आदमियों के पास में। मेज एक के बाद एक हर एक आदमी को चीर फाड़ रही थी, मेज एक सेकंड भी नहीं छोड़ रही थी कि वो किसी की जान न ले। जिसके बाद लूसीफर सीधा पहुंच जाता है विंसेंट के पास में और उसके कानों में कुछ कहता है, जिसके बाद विंसेंट गिड़गिड़ा के लूसीफर के पैरों में गिर जाता है। हालांकि इन लोगों को इतनी आसान मौत तो नहीं देनी चाहिए थी। फाइनली सब कुछ खत्म होने के बाद में लूसीफर अब लिंडा के पास आता है और सारी चीजें बताता है। तो लिंडा कहता है कि हर चीज रोकने की पावर तुम्हारे पास नहीं हो सकती है, हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जहाँ लूसीफर कहता है कि यही चीज तो यहाँ लिंडा तुम गलत बोल रही हो, अगर गॉड ने इन सारी चीजों को बनाया है तो फिर अच्छे इंसानों को ऐसा नहीं मरना चाहिए था। उस छोटी बच्ची ट्रिक्सी के पास आज उसके फादर को होना चाहिए था। जहाँ लिंडा कहती है कि जो चीजें हो गई है हमें उन्हें संभालना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए और हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बल्कि हम इन्हें सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं। लूसीफर कहता है कि यही तो चीजें मुझे बदलनी है और अब गॉड बनना मेरी चाहत नहीं बल्कि जरूरत है। लिंडा पूछती है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जहाँ लूसीफर बताता है कि अब जंग होगी। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे तो गाइस यही समझ में नहीं आ रहा कि लूसीफर सीरीज से डैन को क्यों गायब किया गया। डैन ने क्या ज्यादा पैसे मांग लिए थे एक्टिंग करने के, क्योंकि ये बंदा गाइस मुझे सच में बहुत पसंद था और ये एपिसोड गाइस सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था और ऐसी एंडिंग तो मैं डैन की बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। खैर अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि लूसीफर अब गॉड बनने के लिए क्या क्या कर सकता है और माइकल के पास जब फ्लेमिंग स्वॉर्ड है तो वो क्या करने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। लूसीफर सीजन 5 के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी है, कई लोगों को आते देखा है तो कई कैरेक्टर्स को जाते हुए भी देखा है और अब टाइम आ गया है फाइनल डिसीजन का, जिसके अंदर हम सभी को पता चलने वाला है कि बाजी माइकल ने जीती है या फिर लूसीफर ने जीती है। इसी सस्पेंस ड्रामा और कॉमेडी के साथ में एपिसोड नंबर 16 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम एक सुनसान सी जगह पे बस देखते हैं और इस बस के अंदर सारे के सारे क्रिमिनल्स बैठे थे। एक क्रिमिनल ने अपने हाथों को खोल लिया था और इसी के साथ पुलिस को मारने की भी ठान ली थी। पुलिस वाला जब पीछे आता है तो क्रिमिनल उसे मारने ही वाला था कि गलती से गन चल जाती है और वो गन जाके लगती है सीधा ड्राइवर के सर में। ड्राइवर का सर फट जाता है और सीधा ये बस जाके गिरती है खाई में। इतनी बड़ी खाई से गिरने के बाद तो शायद ही कोई बच सकता था, लेकिन आखिर इतने लोगों को क्यों मारा गया ये हमें बाद में पता चलेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लक्स में, जहाँ लूसीफर बैठा था और अब यहाँ लक्स में माइकल भी पहुँच चुका था। जहाँ लूसीफर माइकल को एक सेकंड भी देखना पसंद नहीं करना चाहता था, इसी कारण उसका गला पकड़ लेता है। जहाँ माइकल कहता है कि इतने लोगों के बीच में तुम खून खराबा नहीं करना चाहोगे। लूसीफर यहाँ बैठे लोगों के खातिर माइकल को छोड़ देता है। माइकल यहाँ लूसीफर को कहता है, देखो भाई मैं तुम्हारे आगे बस हाथ बढ़ाने आया हूँ, मेरे पास फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, मैं गॉड बन जाता हूँ और तुम खुशी खुशी वापस से हेल चले जाओ। जहाँ लूसीफर कहता है कि ऐसी चीज तो भूल के भी कभी नहीं हो सकती है, तो माइकल कहता है कि तुम्हारे पास में आखिरी ऑप्शन है, तुम्हारे पीछे पीछे क्लोई को भी भेज दिया जाएगा। जहाँ लूसीफर कहता है कि क्लोई को किसी चीज का भी रिग्रेट नहीं है, आखिर वो किस चीज के लिए पछताएगी। फिर लूसीफर कहता है कि एक मिनट, क्लोई आखिर हेल क्यों जाएगी, ऐसी बात तुमने क्यों कही। तो माइकल कहता है कि डैन की मौत का जिम्मेदार क्लोई खुद को मानती है और वैसे भी मेरे लोगों ने अच्छा काम किया है। जहाँ लूसीफर को समझ आ चुका था कि माइकल ने ही डैन को मरवाया है और जब डैन मरेगा तो क्लोई को इस चीज का पछतावा होगा कि वो उसके कारण मरा था और इसी पछतावे के कारण क्लोई हेवन में नहीं बल्कि हेल में जाएगी। जिसके बाद तो लूसीफर का दिमाग और खराब हो जाता है और वो माइकल को चैलेंज कर देता है कि हम लोगों को वोटिंग करनी चाहिए। जहाँ माइकल कहता है कि फिर भी तुम्हें कोई वोट नहीं करेगा और फाइनली अब इन दोनों का डिसीजन होता है कि वॉर होगी। सीन शिफ्ट होता है डैन के घर में, जहाँ एमिनेडिल, लिंडा और मेज उसके हर चीजों को इकट्ठा कर रहे थे। मेज पहले तो एमिनेडिल और लिंडा को समझाती है कि किसी को भी इमोशनल नहीं होना है, लेकिन एक डीमन होने के बावजूद भी मैजिकीन डैन को बहुत याद करती है और उसकी शर्ट को देख के फूट फूट के रोने लगती है कि डैन को नहीं जाना चाहिए था और हम सबके बीच में ही होना चाहिए था। जिसके बाद लूसीफर के लक्स के अंदर अब क्लोई आती है। क्लोई का कहना था कि अब हमें हमारा ध्यान भटकाना चाहिए। जहाँ लूसीफर कहता है कि अब असली वक्त आ चुका है, पहले तो मैं गॉड तुम्हारे कारण बनना चाहता था लेकिन अब मैं जस्टिस देना चाहता हूँ डैन को। तो क्लोई कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो लूसीफर बताता है कि तुम्हें इस चीज का रिग्रेट दिलवाया गया है, यानी कि ये सब कुछ माइकल ने किया है। तो क्लोई कहती है कि तुम्हारे गॉड बनने के चक्कर में ही माइकल ने ऐसा किया होगा ना। तो लूसीफर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें रिग्रेट हो, इसी कारण माइकल ने डैन को मारा, तो तुम्हें बस अपने पछतावे से उभरना होगा। ये बात सुन के तो क्लोई गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या तुम में इतनी पावर है, तो चलो करो फिर, सबसे पहले तुम ही अपने इमोशंस कंट्रोल करो। जिसके बाद में लूसीफर कहता है कि
कि क्लोई तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा भी डैन जैसा हाल होगा। यहाँ क्लोई कहती है कि क्या कहना चाहते हो तुम, डैन जैसा डैन आखिर है कहाँ पे? तो लूसीफर कहता है कि मुझसे मत बुलवाओ क्लोई कि आखिर वो कहाँ पर है। इसका मतलब था कि डैन को हेवन नहीं बल्कि हेल मिला है, और ये बात अब क्लोई को भी पता चल चुकी थी। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ रैमियल पहुँच जाती है, लेकिन रैमियल खड़ी होते ही सीधा बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। लूसीफर जब अपनी बहन को चेक करता है तब तक रैमियल ने दम तोड़ दिया था। जहाँ लूसीफर क्लोई को बताता है कि माइकल के पास फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, जरूर ये हमें कुछ बताने के लिए आई होगी और ये मारी गई। तो क्लोई कहती है मुझे एक बात बताओ, फ्लेमिंग स्वॉर्ड में क्या असल में फ्लेमिंग्स होती है? तो लूसीफर कहता है कि बिल्कुल वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, उसमें फ्लेमिंग क्यों नहीं होगी? तो क्लोई कहती है कि रैमियल के ऊपर किसी भी फ्लेम का निशान नहीं है। जहाँ लूसीफर समझ जाता है कि माइकल के पास अभी तक तो फ्लेमिंग स्वॉर्ड है ही नहीं, इसका मतलब है कि रैमी हमें यही बताना चाहती थी। जहाँ लूसीफर रैमी का एक विंग ले लेता है और अब क्लोई को कहता है कि क्या तुम आखिरी बार डिटेक्टिव बन के मेरी मदद करना चाहोगी? जहाँ क्लोई का भी पूरा मन था कि वो डैन को जस्टिस दिलाए। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर एला गॉड से पूछने की कोशिश कर रही थी कि मुझे बस यही पता है कि आप यही कही है, असल के अंदर तो गॉड दूसरे यूनिवर्स में है और न ही अभी तक किसी ने थ्रोन संभाला था। और एला कहती है कि बस मुझे मेरा वजूद बताइए कि मैं आखिर यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों कर रही हूँ। और तभी यहाँ पे एकदम से क्लोई आ जाती है जो कि एला को कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? जहाँ पे एला को उसका जवाब मिल चुका था कि आखिर उसकी जरूरत कहाँ पर है। एला यहाँ पे एमी के इसी विंग का इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ एला को पता चलता है कि इस पूरे विंग पे तो यीस्ट लगी हुई है, तो आखिर ये यीस्ट आई कहाँ से होगी? एला लूसीफर को कहती है कि तुम इतना बड़ा काम आखिर कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे कैसे चीजें छुपा सकते हो? तो लूसीफर को डर लगता है कि कहीं एला को पता तो नहीं चल गया कि ये एक एंजल का विंग है। तब एला बोलती है कि लूसीफर तुमने एक ऑस्ट्रिच को उड़ा दिया अपनी कार से, तुम्हें शर्म नहीं आई? जहाँ लूसीफर और क्लोई सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है एला को कुछ पता नहीं चला। जहाँ एला बताती है कि इस विंग से तो सिर्फ यही पता चला है कि इसकी पूरी तरफ यीस्ट लगा हुआ है, जिसके बाद में क्लोई कहती है कि मैंने टीजे के बारे में पता लगाया था आखिरी 2 दिन के अंदर, जहाँ उसकी लास्ट लोकेशन पता चली है वो एक बियर फैक्ट्री, और बियर फैक्ट्री में तो हर जगह यीस्ट यूज होता है। जहाँ लूसीफर कहता है कि 2 दिन पहले वो वहाँ गया था, उसके बाद में क्या पता कि वहाँ जिंदा भी हो या मर गया हो वो। तो क्लोई कहती है कि हमें एक बार तो जाके देखना ही पड़ेगा ना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईव के ऊपर, जहाँ मैजिकीन ईव से मिलने के लिए आई थी। जहाँ मैजिकीन डैन की मौत के बाद सोचती है कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, तो शायद उसे अपने प्यार को अपना लेना चाहिए। इसी कारण वो ईव को बोलती है कि मैं तुम्हारा मरना बर्दाश्त कर सकती हूँ, और वो भी उस समय तक जब तक मैं जिंदा रहूँ। यहाँ सीन उसके बाद बियर फैक्ट्री में शिफ्ट होता है, जहाँ पे एंजल ब्रदर और सिस्टर ने टीजे को पकड़ के रखा था। तभी यहाँ माइकल आता है और टीजे से एमिनेडील का लॉकेट चुराना चाहता था ताकि वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड को पूरा कर सके। तब टीजे कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, जिसके बाद में माइकल उसे मारने ही वाला था लेकिन माइकल से नहीं हो पाता। और तभी वो अपने फेस से एक मास्क हटाता है, यानी कि वो माइकल नहीं बल्कि लूसीफर था जो कि माइकल का फेस बना के आया था। और वो अपने भाई बहनों को कहता है कि मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तभी यहाँ पे पीछे माइकल आके टीजे को जान से मार देता है। लूसीफर तभी अपने भाई बहनों को दिखाता हुआ कहता है कि तुम्हें ऐसा राजा चाहिए जो इंसानों को मार देता है। जहाँ माइकल कहता है कि डैड गए तो इसका मतलब उनके रूल्स भी चले गए, हम इंसानों को मार सकते हैं और वैसे भी ये इंसान सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होते हैं। जहाँ लूसीफर अपने भाई बहनों को बताता है कि इसने हमारी बहन रैमियल को भी मार दिया। तब यहाँ पे खड़े दोनों एंजल और सिस्टर ब्रदर को लगता है कि माइकल ने अपने मतलब के लिए हमारी एक बहन को मार डाला। जहाँ माइकल बोलता है कि बड़ी जंगों के अंदर छोटी मोटी कुर्बानियां होती रहती है। और फाइनली माइकल के पास वो आखिरी पीस आ चुका था फ्लेमिंग स्वॉर्ड को जोड़ने का, लेकिन तभी पीछे से क्लोई आके माइकल को शूट कर देती है। जहाँ माइकल कहता है कि क्लोई तुम्हें पता है कि मुझ पे इन गोलियों का असर नहीं होता है, तो फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो क्लोई कहती है कि मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा भी नहीं था, मेरा इरादा तो ध्यान भटकाने का था। माइकल पीछे मुड़ता है तो लूसीफर उड़ चुका था, और माइकल वापस से क्लोई को देखता है तो लूसीफर उड़ के क्लोई को भी उड़ा ले गया था। यहाँ दूसरी तरफ एमिनेडील अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, यानी कि लिंडा और चार्ली के साथ। जहाँ एमिनेडील के पास में एक कॉल आता है और एमिनेडील वहीं पे रोने लग जाता है। इसका मतलब था कि एमिनेडील को अपनी बहन की मौत का पता चल चुका था। रात होने पे लूसीफर और एमिनेडील यहाँ पे अपनी बहन को दफना चुके थे, और इसी के साथ कहते हैं कि अब माइकल तो बिल्कुल नहीं बचेगा। और यहाँ क्लोई कहना शुरू कर देती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जंग में साथ रहूंगी। लूसीफर क्लोई को साफ मना करता है कि तुम हमारे साथ नहीं रहोगी। तब तक यहाँ मेज भी पहुंच चुकी थी, जहाँ क्लोई कहती है कि मैं भी लड़ूंगी। लूसीफर कहता है कि तुम मर सकती हो, तुम इमॉर्टल नहीं हो। तो क्लोई कहती है कि इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, और कुछ भी हो जाए मैं इस वॉर में साथ ही रहूंगी। जहाँ मेज क्लोई को एक डीमन ब्लेड देती है, लेकिन क्लोई कहती है कि मुझे ये यूज करना नहीं आता, लेकिन इसी के साथ मेज कहती है कि इसका इंतजाम हो सकता है। यहाँ पे अब इन भाई बहनों के पास में स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम नहीं था, और ना ही ये लोग खून खराबा चाहते थे। इसी कारण इन सभी के दिमाग में एक ही प्लान आता है, और लूसीफर कहता है कि अगर गॉड के प्लान यही है तो फिर हमें ये घटिया रास्ता अपनाना पड़ेगा। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है एक बहुत बड़े से ग्राउंड में, जहाँ होने वाली थी गॉड चुनने की बहुत बड़ी वॉर। लूसीफर यहाँ एमिनेडील और क्लोई से
पूछता है कि आखिर मेज कहाँ है और हमारी टीम कहाँ है। तो एमेनेडील बोलता है कि मेज निकल चुकी है और वो जल्द ही पहुँचने वाली होगी। तो लूसीफर कहता है तब तक तो मुझे ही बात संभालनी पड़ेगी। लूसीफर यहाँ ग्राउंड में पहुँच चुका था जहाँ माइकल अपने सारे एंजल और ब्रदर सिस्टर को लेके खड़ा था। लूसीफर माइकल के पास में जाके सबसे पहले तो जोर से हंसता है और कहता है कि क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने, कोई ड्रामा कंपनी से आए हो क्या। जिसके बाद में माइकल को पता चल चुका था कि लूसीफर यहाँ उसका टाइम वेस्ट कर रहा है और उसका ध्यान भटका रहा है। जिसके बाद में माइकल अपने भाई बहनों से पूछता है कि मुझे बस इतना बताओ कि कौन यहाँ पे लूसीफर का साथ देना चाहता है जहाँ एक भी एंजल ब्रदर और सिस्टर लूसीफर की तरफ नहीं जाता है। तब यहाँ पे लूसीफर रेमियल की मौत के बारे में बताता है और इसी के साथ ये भी बताता है कि माइकल ने इंसान के ऊपर हाथ उठाया, उसकी जान तक ले ली। दूसरे एंजल ब्रदर और सिस्टर यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर हो चुके थे कि माइकल आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। जहाँ लूसीफर कहता है कि यही तो माइकल की चाल है कि वो तुम्हारे डर से खेल रहा है। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे गॉड नहीं बनाना चाहते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग माइकल को भी नहीं चाहते हो। जिसके बाद में यहाँ जेडकेल निकल के आता है क्योंकि लूसीफर ने उसके सामने सारी सच्चाई बताई थी कि आखिर वो गॉड क्यों बनना चाहता है। जिसके बाद जेडकेल तो पहले हंसता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि डेविल को प्यार होगा, लेकिन उसी के बाद में वो लूसीफर की तरफ आ जाता है। और उसके बाद में एक बहन भी आती है जहाँ माइकल कहता है कि चलो फिर मुकाबला बराबर का हो जाए, सामने वाली सारी पार्टी के वोट मार दिए जाए। तभी यहाँ पे लूसीफर के साइड में खड़ी एक बहन वापस से माइकल की साइड में आ जाती है जहाँ माइकल कहता है कि चलो फैसला हो चुका है, मैं गॉड बन चुका हूँ। और माइकल जोर से चिल्लाता है कि मैं हूँ नया गॉड, और सभी आसमान की तरफ देखते हैं। जिसके बाद माइकल फिर से जोर से चिल्लाता है कि मैं हूँ नया गॉड। इसके बाद में तो लूसीफर की हंसी नहीं रुकती, बोले पागल पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो तुम। तो माइकल कहता है कि मुझे लगा कि गॉड बनने के बाद में शायद यहाँ पे बिजलियाँ कड़केगी, सभी लोग मेरा वेलकम करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिसके बाद लूसीफर फिर से माइकल का ध्यान भटकाने के लिए वहीं पे डांस करना शुरू कर देता है और बोलता है कि ये सब कुछ डैड की प्लानिंग है, डैड जरूर आसपास है, देखो वो हमें नचा रहे हैं। यहाँ माइकल समझ चुका था कि अब और देर नहीं हो सकती है, अब तो हमें इन्हें मारना ही पड़ेगा। इसी के साथ माइकल क्लोई को भी कहता है कि तुम तो इंसान हो, चली जाओ नहीं तो मारी जाओगी खामखा। तो क्लोई कहती है कि यही चीज अब मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम अपने पैर पीछे कर लो। इतनी ही देर में यहाँ माइकल की टीम से दो एंजल खड़े हो चुके थे, तभी क्लोई उन्हें शूट करती है और दोनों एंजल्स नीचे गिर जाते हैं। जहाँ लूसीफर बोलता है कि क्या हो जब ये गोलियां डीमन के ब्लेड को पिघला के बनी हो। माइकल का यहाँ चेहरा बन जाता है कि शायद अब वो खतरे में है। तभी यहाँ मेस की पूरी टीम आ चुकी थी और ये टीम और कोई नहीं बल्कि डीमंस की टीम थी, हाल ही में मरे हुए क्रिमिनल्स। अब यहाँ लूसीफर और माइकल के बीच जंग शुरू होने ही वाली थी जहाँ लूसीफर कहता है कि अगर मैं जीता तो गॉड मैं बनूंगा और अगर मैं हारा तो मैं एक अच्छे डेविल की तरह हेल में वापस चला जाऊंगा। जहाँ माइकल कहता है कि मेरी एक शर्त है, हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक, यानी कि दोनों में से सिर्फ कोई एक ही जी सकता है। जिसके बाद में इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, दोनों में से कोई कम नहीं था, दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। यहाँ एमेनेडील लूसीफर की हेल्प करता है और एक एंजल ब्रदर से उसकी स्टिक लेके लूसीफर को दे देता है। हवाओं में उड़ते ये दोनों एंजल्स एक दूसरे को बुरी तरीके से मार रहे थे। तभी यहाँ लूसीफर माइकल की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और बोलता है कि मारने का प्लान तो हमारा कभी था ही नहीं। इधर लूसीफर क्लोई को बुलाता है जो कि फ्लेमिंग स्वॉर्ड से एमेनेडील का नेकलेस निकाल लेती है, जिससे वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड वापस से अलग अलग टुकड़ों में हो गई थी। तभी यहाँ लूसीफर को एसडीएल दिखाई देती है। तब लूसीफर कहता है कि एसडीएल तुम आ गई, तुम तो मेरे ही फेवर में होगी, लेकिन एसडीएल भी यहाँ लूसीफर के फेवर में नहीं थी। इधर क्लोई यहाँ एमेनेडील का नेकलेस लेके आने ही वाली थी कि तभी सामने से माइकल आके क्लोई के पेट के अंदर वही टूटी हुई स्टिक को डाल देता है। जिसके बाद में क्लोई वही अपना दम तोड़ने वाली थी, लूसीफर भाग के आता है, उसे अपनी गोद में लेता और कहता है कि ये तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम अभी छोड़ के नहीं जा सकती हो हमें। और क्लोई कहती है कि मेरे पास अब कोई रिग्रेट नहीं है, मैं डैन की मौत का जिम्मेदार खुद को नहीं मानती हूँ और तुम भी अपने आप को किसी भी चीज का जिम्मेदार मत मानना। जिसके बाद में क्लोई मर जाती है। जहाँ माइकल कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों होते हो, ये एक अच्छी लड़की है और ये जरूर हेवन में ही गई होगी। लूसीफर चिल्लाता और बोलता है कि ये सब प्लान का हिस्सा नहीं था, क्लोई आखिर ऐसे नहीं जा सकती है, मैं उसे लेके आऊंगा। माइकल कहता है तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें हेवन से निकाल दिया गया था, अगर तुम वहाँ गए तो वहाँ जल जाओगे। तो लूसीफर कहता है कि मैं उसे लाके ही रहूंगा और अगर मर जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। माइकल तो खुशी था जैसे ही हेवन जाएगा तो वो मारा जाएगा। इधर लूसीफर विंग्स निकाल के हेवन के लिए निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ मेज अपना आपा खो चुकी थी और एमेनेडील को भी समझ आ चुका था कि यही टाइम है, और इन सभी के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हेवन में। यहाँ क्लोई अपने डैड के साथ बैठी थी क्योंकि क्लोई के डैड को भी हेवन नसीब हुआ था। तभी यहाँ लूसीफर गिरता पड़ता हेवन में फाइनली पहुंच जाता है। यहाँ लूसीफर खुद को महसूस करता है कि वो अभी तक मरा नहीं है। जहाँ उसे पता चलता है कि लिलिथ की अंगूठी उसे इमोर्टलिटी दे रही है और वो अभी भी उसे बचा के रख रही है। तभी यहाँ एक वो बंदा आता है जिसकी मदद लूसीफर ने कई बार की है, लेकिन लूसीफर को ये समझ नहीं आता कि ये बंदा हेल से यहाँ कैसे पहुंच गया। जहाँ ये बंदा बताता है कि मैंने बस अपने रिग्रेट को संभाला, यानी कि मुझे पछतावा नहीं था और मैंने अपनी गलतियों का सामना किया, जिसके बाद रास्ता खुल गया और मैं यहाँ पहुंच गया। लूसीफर कहता है कि
ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आखिर ये सब कब होने लग गया? लूसीफर फाइनली खुद को संभालता हुआ क्लोई के पास जाता है, जहाँ वो क्लोई को कहता है कि तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ था। यहाँ क्लोई के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद ही नहीं है और हेवन में उसे रहते हुए सदियां हो गई। तो क्लोई को याद आता है कि हाँ, मैं तो पीछे सबको छोड़ आई, मेरी बेटी ट्रिक्सी, मेरे सारे दोस्त और तुम लोगों की तो वॉर भी चल रही थी। जिसके बाद में लूसीफर कहता है कि तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा वहाँ। तो क्लोई कहती है कि नहीं, मैं वहाँ अकेले नहीं जाऊंगी। लूसीफर कहता है कि मेरी अंगूठी में इतनी पावर नहीं है कि हम दोनों को एक साथ वो अर्थ पे लेके जा सके, और तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। जिसके बाद लूसीफर क्लोई को वही इमोर्टलिटी वाली अंगूठी दे देता है, और देखते ही देखते यहाँ लूसीफर हेवन के अंदर खत्म होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ क्लोई को होश आ जाता है और वो वापस से अर्थ पे आ चुकी थी। क्लोई देखती है कि हर तरफ वॉर चल रही है। यहाँ माइकल को पता चलता है कि फाइनली लूसीफर ने कर दिखाया, उसने क्लोई को जिंदा कर दिया, लेकिन अब क्या वो तो वापस से क्लोई को मार डालेगा। लेकिन क्लोई में तब तक बहुत ज्यादा पावर्स आ चुकी थी, क्योंकि क्लोई के हाथ में एमिनाडील का नेकलेस था। इसी के साथ क्लोई माइकल को बहुत बुरी तरीके से मारती और कहती है कि तुमने ही सब कुछ बर्बाद किया, डैन को मारा, मेरे प्यार लूसीफर को मार दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद में पीछे से आवाज आती है, क्लोई रुक जाओ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब कि लूसीफर वापस आ चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लूसीफर ने आखिर हेवन को कैसे पार किया। जब लूसीफर से पूछा जाता है कि तुम वापस कैसे आए, तो लूसीफर कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीधा यहाँ पे आ चुका हूँ। लूसीफर अपने हाथ में फ्लेमिंग स्वॉर्ड लेता है। इसका मतलब था कि माइकल अब हार चुका है। बारी थी माइकल के मरने की, लेकिन लूसीफर ने माइकल के सिर्फ विंग्स काटे थे। और कहता है लूसीफर की धरती पे रहने के बाद मैंने यही सीखा है कि सभी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वैसे तो माइकल को मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी लूसीफर ने माइकल को नहीं मारा। देखते ही देखते यहाँ सभी लोग अपने घुटने झुका चुके थे, सभी लोग लूसीफर को अपना गॉड मान चुके थे, माइकल, एमिनाडील और सारी एंजल ब्रदर सिस्टर, क्योंकि लूसीफर वही इंसान है जिसे हेवन से बेदखल करने के बावजूद वो जिंदा वापस आ चुका था। और अब लूसीफर के हाथ में फ्लेमिंग स्वॉर्ड और सारे एंजल ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट था। इसी के साथ गाइज ये एपिसोड और सीजन नंबर 5 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज आप सभी लोगों को ये सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अभी तक रिलीज हुआ 6 सीजन भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सीजन 6 में। तब तक के लिए टाटा।